ग्रेड मॉर्निंग में डियर फ्रेंड भूपेश आनंद दोस्तों हम आज से एक नया सब्जेक्ट लाइव स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली फॉर ए सी सी ए स्किल एफ नाइन और स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मास्टेल्फ भूपेश आनंद बेटे बंदे को भूपेश आनंद कहते हैं आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी आई डी डिप्लोमा आई एफ आर एफ फ्रॉम ए सी सी ए सी एफ ए और बेटे बड़े सारे डिप्लोमा कोर्सेज मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और मेरा एक मुहिम है माई ड्रीम इज कि मैं पूरे के पूरे थर्टीन पेपर्स आपके रिकॉर्ड कर दूं बेटे मैंने बड़े सारे स्किल नॉलेज लेवल के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड भी किए हैं वी आर सेलिंग लाइक एनीथिंग तो मैं आज मुझे ऐसा लगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड दे आर गिविंग मी कमेंट कि सर इसका स्टार्ट करें तो दोस्तों मैंने लाइव लेक्चर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो उम्मीद है कि हम थर्सडे के थर्सडे अल्लाह भैया का कृपा रही भगवान की कृपा रही तो थर्सडे थर्सडे यू नो वी विल बी स्टार्टिंग विद इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अभी हमने स्टार्टिंग में थर्सडे रखा है वैसे आई एम टेकिंग सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस हर रोज मैं कुछ ना कुछ लाइव ले रहा होता हूँ तो आइए दोस्तों भूपेश आनंद ए सी सी ए स्किल एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई हैव गिवन दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वैसा तो हम सभी चैप्टर्स करने वाले हैं ऐसा नहीं कि खाली वर्किंग कैपिटल ही करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आज का ही लेक्चर करेंगे बट स्टिल हमने, हमने आज स्टार्ट करना था बिगनिंग करना था बिकॉज कुछ चैप्टर्स तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिए ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो मुझे लगा चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं पहले चार पांच यू मस्ट है तो आज का ये जो लेक्चर है बेटे हम स्पेसिफिकलीवोट कर रहे हैं इन द बिगिनिंग इन द इंट्रो पार्ट कम्प्लीट तो नहीं होगा बेटे कंप्लीट हो भी नहीं सकता बट आई विल बी गिविंग यूर थॉट प्रोसेस दैट वट आई मीन बाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं मूवीज के गाने भी दिखाऊंगा और मैं गूगल विकीपीडिया से आपको बताऊंगा दैट दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सो यू कैन हैव ए ग्रिप बेटे आपको एक बार ग्रिप आ गई ना तो आप आराम से चीजों को समझ पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन -right को ईजिली कर लेंगे तो इन्हीं भावनाओं के साथ विद दिस थॉट प्रोसेस आई एम टू स्टार्ट विद चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज वर्किंग कैपिटल वॉट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इलेवंथ क्लास में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था मैनेजमेंट आज भी आप जगह जगह देखते हैं मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट वाइफ मैनेजमेंट गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट हजबेंड मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट जहां भी देखो उन्होंने वर्ड यूज कर दिया मैनेजमेंट 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 तो बेटे आज हम जो जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सो वी शुड नो व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड देन वी शुड नो द मैनेजमेंट व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट स्टैंड अलोन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड स्टैंड अलोन व्हाट इज मैनेजमेंट एंड देन इन कॉम्पोजिट वट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मजा तो तभी है ना जब हमें लॉजिकली सभी बातें क्लियर होंगी यू नो

एक एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विद इन अ नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वी विल डिस्कस फॉर दैट हम आज इस लेक्चर में तीन चैप्टर्स इसके कंपोनेंट्स को मैं बताऊंगा दैट व्हाई दीज थ्री चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद चैप्टर नंबर सेवन बट ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया हो और उन बच्चों को पता नहीं हो कि मैंने ऑलरेडी बड़े सारे यू नो चैप्टर वन के वीडियोज भी अपलोड किए हैं दैट इज वट आई मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या बेटे आप देखिए ना आपका अगर आप सिलेबस देखें यू नो इफ यू सी द सिलेबस तो अल्टीमेटली आपको ये लगेगा कि आपके पास यू नो इन दे है मोस्ट प्रॉबली सेम ही है सब कुछ सेम है बेटा नाम कई बार उन्होंने चेंज कर दिए नंबर चेंज कर दिए बट द लॉजिक द बट द कंसेप्ट इज सेम तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कैप्टन ज्यादा अच्छी है या uh, पी वी भी ज्यादा अच्छी है बट नो डाउट आई विल बी डूइंग विद बोथ बिकॉज मैंने ये जो जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं द नोट्स विच आई एम जस्ट शोइंग यू हेयर बेटे आई हैव अ जूस जूस नोट बनाया बेटे किस किस का कैपलन का बी का प्लस माय एक्सपीरियंस बिकॉज माई हॉबीज जस्ट टू स्टडी एंड टू टीच और कोई काम नहीं करता बेटा मैं तीसरा काम नहीं करता हूं इसीलिए राइट फ्रॉम इलेवन से लेकर मैंने यू नो अप टू लंडन लेवल आई हैव अपलोडेड डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बनाए हैं और उन सब में हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं कुछ लाइव ले रहे हैं कुछ रिकॉर्डेड ले रहे हैं कुछ मोबाइल ऐप ले रहे हैं वो सब बातें हम देखेंगे बट आपके ये बेटे बीस चैप्टर्स हैं अगर आप देखें ध्यान से ये दिस इज इन एफ नाइन यू नो द फर्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द इंट्रो वीडियो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन दट वट आई मीन बाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वट इज अ फंक्शन वट आर द इन्वॉल्व वट आर द डिसीजन ये सारी बातें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन में ऑलरेडी की हैं बट द पॉइंट इज कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्होंने आज पहली बार ही मुझे देखा हो तो मैं थोड़ा सा आज हल्का सा इंट्रो बताऊंगा इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन वी स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल मैं एक बार आपको सिलेबस बता दूं बेटे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे ये दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल

you have to register for acca because it is your long investment your time investment your money investment then what are the criterias what are the factors which you have taken into account similarly a entity apollo tires let it be mrf let it be

मैं कलर चेंज करता हूं आपको आइडिया लग जाए टोटल वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड इज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिकॉज इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट हाउ मच इन्वेंट्री टू बी परचेज वेन इट इज टू बी परचेज देन हाउ मच क्रेडिट इज टू बी गिवन डेटर्स वेदर फैक्टरिंग इज रिक्वायर्ड आर नॉट क्या हमें यह करना चाहिए करना चाहिए कैश मैनेजमेंट बेटे आज जो भी डेट आपको मालूम ही है बेटे टूडे सेवनटींथ दिसंबर अगर आप लास्ट दो तीन महीने की आप स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट को देखें तो इट हैज ग्रो लाइक एनीथिंग सो इफ आई हैव आइडल कैश दो वेदर इट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स और वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड

मुझे दिन तक नहीं पता था अचानक आ गई तो मैंने क्या किया कि आप सबके साथ लिंक शेयर किया आप सबको बताया आप सबको मैंने कहा सो so दैट कि आप सब यू कैन अटेंड दिस तो मैंने क्या किया ये लेक्चर पहले एक घंटा पहले रिकॉर्ड कर दिया जैसे आपकी क्लास सिक्स थर्टी लेनी है तो मैंने ये पाँच बजे से स्टार्ट कर दिया तो जो डाउट्स होंगी ना बेटे लाइव वो मैं कल ले लूंगा आप इसी इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को मैंशन कर देंगे तो मैं सब बताऊंगा पहले लेकिन आप मेरी बात को सुनेंगे मेरी भावना अगर वो thoughts आ गई ना, तो बेटे, मैं मछली नहीं दूंगा एक दिन देनी है मछली आपको पकड़ना सिखाऊंगा तो देखिए जरा मैंने दो ब्लॉक्स बना भी दिए पहला ब्लॉक कौन सा बनाया एक बच्चा सो रहा था उसने कहा फ्री का लेक्चर है लाइव है वो बेवाकूफ है बेटे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज माई चैप्टर नंबर वन दैट इज इंट्रो ठीक है सर दूसरा ब्लॉक मैंने बनाया पहला ब्लॉक बनाया कैपिटल बजटिंग डिसीजन दूसरा ब्लॉक मैंने बनाया वर्किंग कैपिटल थर्ड ब्लॉक मेरा फेवरेट है बेटे मैंने पी एच डी किए फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट में वट इज फॉरैक्स वट आई मीन बाय बेस करेंसी वट आई मीन बाय इकोनॉमिक्स वट आई मीन बाय कोट करेंसी वट इज स्पॉट रेट वट इज फॉरवर्ड रेट वट इज What is, what are the different risks involved in that? What I mean by transaction risk? What I mean by translation risk? What I mean by economical risk? What I mean by political risk? And how to manage it? Hedging kya What is hedging? You know, economics kya Why there's a difference in one dollar with one rupee? What are the factors, you know, which can affect the currency rate, exchange rate of one country with another country? आप ये बताइए कि आप ही की फैमिली में आपके रिश्तेदार आपके रिलेटिव्स कुछ तो बहुत ज्यादा रिच हैं कुछ बहुत ज्यादा पुअर हैं कुछ मिडिल क्लास के भी रहे होंगे मैं ऐसा कर रहा हूं सो द पॉइंट इज वाई देर द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल एंड वाई देर इज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्री एंड वाई सम कंट्रीज है पाकिस्तान इंडिया दे आर डेवलपिंग बेटे सब बातों पर चर्चा करेंगे आर एक्सचेंज रेट निकालता है या करेंसी को कितनी प्रिंट करना है यू नो हाउ दे विल विल डिटरमाइन यू नो ऑल दैट वी डिस्कस किस में बेटे ब्लॉक नंबर थ्री में इकोनॉमिक एनवायरमेंट फाइनेंशियल मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंटरेस्ट रिस्क ब्लॉक नंबर थ्री मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके कोर्स में नहीं भी होंगी बट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसबीएल और एसबीआर मतलब प्रोफेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग फॉर दैट ऑल्सो दिस थर्ड ब्लॉक एंड दिस इज फोर्थ ब्लॉक कि पैसा पैसा करती है ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी बेटे पैसे की बात हम करेंगे पैसे की बात करेंगे तो पैसे की बात का मतलब है कि अगर आप मेरे को आराम से बताएं कि ये गाना इस गाने में कौन सी हीरोइन थी और गाना का नाम क्या है

ठीक है जी आप मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी इन द कमेंट बॉक्स जहां पे आप अपनी डाउट्स क्वेरीज लिखेंगे तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था कि आपका जो सिलेबस है दैट इज यू नो दैट इज इन दैट सिलेबस आपको क्या गिवन है सोर्सेस ऑफ फंड्स सोर्स ऑफ फंड्स सोर्सिस ऑफ फंड दिस इज माई थर्ड ब्लॉक दिस इज माई थर्ड ब्लॉक वट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड

पार्टी पार्टी में जाते है तो यू वेयर अ पार्टी वेयर आप कई बार कैजुअल पहनते हैं कई बार कुर्ता पजामा पहनते हैं इट मीन वट शुड बी यूर कैपिटल स्ट्रक्चर इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स कि आपका लेवरेजेस कितना है रिस्क कितना है आप विच पर्पज यू वॉन्ट दैट तो बेटे इसको मैं कहता हूं ये ब्लॉक नंबर चार है दिस इज ब्लॉक नंबर फोर और लास्ट में मैं दो ब्लॉक्स और बना रहा हूं एक ब्लॉक और बना रहा हूं दैट इज ब्लॉक नंबर फाइव बेटे ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नंबर फाइव है इसमें मैंने दो चैप्टर्स रखे हैं वन इज फाइनेंशियल रेशियोज एंड सेकेंड इज बिजनेस वैल्यूएशन विच डीलिंग इन डिटेल इन एफ यू नो इन प्रोफेशनल लेवल कि आप एक बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ अरी बॉटल और हाउ यू नो मैं हाउ आई कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ किंग फिशर एयरलाइन इंस्टॉलमेंट फॉर्म और अपोलो टायर्स टायर भूपेश वट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड कैलकुलेटिंग द वैल्यू बेटे प्राइस अलग चीज है वैल्यू अलग चीज है जैसे मैं कहता हूँ प्राइस एक प्राइस बिजलरी बोतल का प्राइस ट्वेंटी रुपीज होगा इंडियन रुपीज बट इट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सपोजिंगली एक व्यक्ति एक पर्सन काफी दिनों से प्यासा है और रेगिस्तान के किसी किसी भीष्म जंगल में फंस गया है और वो अपने झुंड से अलग हो गया है और उसको पता नहीं चल रहा रास्ता है रास्ता कहाँ है पांच छह दिन हो गए उसने पानी नहीं पिया और बेटे अब तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा खाली लेटा हुआ बोल रहा है पानी 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 उस जंगल के इस तरफ एक गांव था और इस ज, इसी जंगल के उस तरफ भी एक गांव है एक बंजारन एक बंजारन इस गांव से उस गांव जाने वाली है बीच में रास्ता पड़ता है जंगल पड़ता है वो बंजारन के पास बिजलरी की एक ठंडी बोतल है पानी की सोचिए सिचुएशन कीजिए उसने उसने नीचे पायल हुई है छन छन करती हुई वो उस जंगल से जा रही है और अचानक उसकी नजर उसी व्यक्ति पे पड़ी जो ओंधे मुंह पड़ा हुआ है मरने ही वाला है बेटे पानी नहीं मिला उसको पांच छह दिन तक कह रहा पानी 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 आप ये बताइए अगर वो बंजारन उसको पानी की बोतल, बिजलरी बोतल दे देती है तो क्या लगता है बेटे वो दो बीस रुपए की बोतल की वर्थ होगी उस व्यक्ति के लिए या उसने एक रिंग पहनी होगी सोने की गोल्ड की क्या वो गोल्ड की रिंग भी दे देगा दे बेटा सब कुछ दे देगा बिकॉज द वैल्यू इज मोर देन प्राइस ट्वेंटी रुपीज इज द प्राइस बट द वैल्यू इज मोर देन दैट So a price and value, वो हम 20th में करेंगे विच वीन एफ थ्री ऑल्सो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं भूपेश आनंद देखिए मैंने बड़े प्यारे से जूस नोट्स बनाए हैं मैं आज जूस नोट नहीं दिखा रहा आज तो ये मतलब बिकॉज आई एम डूइंग वर्किंग मैनेजमेंट तो आई हैव डिवाइडेड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी कोटेशन सो मेनी फ्लो चार्ट बड़ा कुछ बनाया बेटे बहुत मजा आने वाला है आपको आने वाले दिनों में बिकॉज देर इज नो नीड टू बाई योर अगर आपके पास नहीं है एग्जामिनेशन किट लीजिए बाकी सब लीजिए वो भी हम देंगे ठीक है तो आइए मैं पहले एक बात कह दू आपको बेटे मुझे कराना तो चैप्टर सेवन ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देर आर फाइव ब्लॉक्स आई हैव जस्ट सीन बट बिकॉज सम ऑफ यू मस्ट हैव जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो लेक्चर नहीं देखा होगा जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप को मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं ट्रेलर देना चाहता हूं दैट व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी पिक्चर देखनी है तब तो वही वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने आपको दिया हुआ है ठीक है अभी मैं पूरी पिक्चर तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई हैव टू गिव यू वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अबाउट तो प्लीज एक बार आप रजिस्टर ओपन कर लें आप समझदार होंगे ना तो रजिस्टर ओपन कर लेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटे चैप्टर वन की मैं हल्के से इंट्रो दे रहा हूं सो दैट आई कैन लिंक दिस विद वर्किंग कैपिटल तो मैं आपसे कहता हूं बिकॉज माई फर्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन तो इफ आई आस्क यू थ्री क्वेश्चन वट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट है क्या बिकॉज द वर्ड इज फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट मैंने कहा जी फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट देन ओनली आई कैन टेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मैं आज के इस लेक्चर में जो ट्रेलर देने वाला हूं फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर का बताऊंगा और वहीं से ऑब्जेक्टिव मीन बाट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एंड हाउस कैन बी यू नो कैन बी मेजर्ड तो आइए आइए हम चलते हैं उस दुनिया में जहां पर रोशनी रोशनी है आप ऊपर लिखें ऊपर हेडिंग लिखे बेटे हम क्या करेंगे एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे बस ये फ्लो चार्ट से आपको एक आइडिया लग जाएगा ट्रेलर इसी में खत्म हो जाएगा फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आराम से बेटे सबने लिखना है अगर आपने ये बना लिया ना तो एक तो ट्रेलर तो पता ही चल जाएगा यू कैन इजिली लिंक इट विद वर्किंग कैपिटल मैं आपसे पूछता हूँ मैनेजमेंट बचपन की कहानी दादा दादी की कहानी आप बताइए क्या आपने वो कहानी सुनी थी शेर आया शेर आया शेर आया गांव वाले भाग के आ जाते थे पहली बार आए दूसरी बार आए तीसरी बार नहीं आए बेटे ऐसी कहानियां आपने बचपन में सुनी हुई हैं आपने बचपन में मैनेजमेंट यू मस्ट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट नाउ देर आर सो मेनी कोर्सेज फॉर मैनेजमेंट मैं आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं पूछ रहा मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जस्ट द वर्ड मैनेजमेंट आप सबने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में हम उसमें कुछ ना कुछ प्राइस देने वाले हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचिए बिकॉज आपने किसी जमाने में पढ़ा हुआ है क्या मैनेजमेंट होती है फिर क्या होटल मैनेजमेंट होती है क्या लाइफ मैनेजमेंट होती है एक मूवी आई थी बेटे गरम मसाला उसमें अक्षय की तीन चार गर्लफ्रेंड्स होती है बेटे किस तरह से वो मैनेज करता है मैनेजमेंट 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 आप जब बहुत छोटे से थे ना तो आप उस समय मैनेजमेंट का वर्ड पढ़ते थे मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटे मैनेजमेंट इज किसी भी चीज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करने के प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं जैसे आपके पेरेंट्स हमके हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं बेटे टाइम को मैनेज करो इट मींस आप क्या करते हैं पहले प्लानिंग करते हैं कि मुझे आज क्या पढ़ना है कितने घंटे पढ़ना है कौन सा चैप्टर पढ़ना है एग्जामिनेशन किट से क्या करना है स्टडी टेक्स से क्या करना है पास्ट एग्जामिनेशन कब देखने मॉक टेस्ट कब यू डू अ प्लानिंग देन यू ऑर्गेनाइज दैट यू नो देन आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड आउट दैट वेदर यू हैव डन इट और नॉट एज कंपेयर टू वेरियंस जो आपने एफ टू में किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज कंट्रोल तो जाने अनजाने में आप सुबह से लेकर रात तक मैनेजमेंट ही करते आए हो बेटा पर एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी मैनेजमेंट इज अब मैं जो बोल रहा हूं ना डेफिनेशन अब आपको आती है आपने सुनी भी हुई नो मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मनी मटेरियल मशीन इन सभी का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं कि दैट इज मैनेजमेंट मेरी बात आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बेटे आप ये बताइए सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उस जमाने में ऑब्जेक्टिव होते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ाओ बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट आई विल सी वट ऑब्जेक्टिव द प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ अभी देखेंगे क्या मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन का क्या आपने ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग ये पांच छह फंक्शंस की बात सुनी हुई है एक बच्चा कहता है हाँ सुनिए तो मैंने कहा बेटे वही है मैनेजमेंट अब मैं आपसे पूछू व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो और कुछ नहीं बेटे मैन को मैनेज करने के लिए इज से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मेटीरियल को मैनेज करने के लिए इज इन्वेंट्री मैनेजर मशीन्स को मैनेज करने के लिए वी हैव अ फैक्ट्री मैनेजर बट टू मैनेज फंड्स मनी नहीं मैनेज फंड्स थे मनी मशीन मटेरियल मैन पावर मनी की बात नहीं कर रहा मनी के भी बड़े पापा पापा के पापा बड़े पापा बेटे जॉइंट फैमिली में वी हैव बड़ी मम्मी मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं बड़ी मम्मी मम्मी बड़े पापा पापा है ना इसी तरह से फंड इज बड़े पापा एक तो होते हैं बेटे मनी बड़े पापा आजकल हम पेटीएम की बातें कर रहे हैं आजकल हम डिजिटल मनी की बातें कर रहे हैं 2016 के बाद जैसे टीम हो गया बेटे द मनी डेफिनेशन हैज इंक्रीज इंक्रीज यू नो वाइल्ड आ गया नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंस फंड जैसे अभी कैटरीना कर रही थी एक बच्चे को नींद आ रही है क्योंकि लाइव क्लास में तो हूं लेकिन मैं चांस के बाद कमेंट्स नहीं देख रहा था बट उस बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि बेटे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फ्लो चार्ट बनाना चाहिए आइए हम सब एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर दें क्योंकि इस फ्लो चार्ट से आपको काफी कुछ समझ आने वाला है तो बेटे यहां लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं मेरे बेटे आपने भी ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना है अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें अभी तक तो कुछ बच्चों ने कुछ निकाला ही नहीं भैया निकाल लें बेटे दोस्त meaning, meaning of financial management. एक फ्लो चार्ट आप बनाएंगे वैसे मैंने पूरा एक डेढ़ घंटा लगाया इंट्रो लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करने में बट आज तो ट्रेलर दे रहे हैं ना तो बेटे हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे तो यू कैन गेट एन आइडिया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप सब भी लिख रहे हैं मैं भी लिख रहा हूं इफेक्टिव एंड सभी ने लिखना है इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटी लाइजेशन ऑफ फंड इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट क्या होती है इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ होटल एक्टिविटीज टाइम मैनेजमेंट क्या होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करने का नाम ही है दैट मैनेजमेंट अब हम सबको गुस्सा आ जाता है तो उस एंगर के समय में क्या करना चाहिए कुछ कहता है मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए कुछ कहते हैं ये करना चाहिए कुछ कहता है अल्लाह मिया का राम राम का नाम जाप करना चाहिए कुछ कहता है पानी पी लेना चाहिए वट इज दिस एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सो सिमिलरली वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब एक बात मुझे याद है अभी भी आपको भी थोड़ी सी याद होगी जब आप मैनेजमेंट का काम करते थे या एट द टाइम वेन यू अबाउट मैनेजमेंट यू नो उसमें तीन चार फंक्शंस होते थे देर आर फाइव फंक्शंस प्लानिंग और प्लानिंग में एक बड़ी प्यारी सी बात आप सबको पता होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं कैन कैन यू टर्ल यू वट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग वट आर द्री एक्टिविटीज विच आर टू बी डन इन प्लानिंग प्लानिंग में हम कहते थे वट इज

थ्री क्वेश्चन आज जो मैं तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाला हूं बेटे पूरे के पूरे बीस चैप्टर पूरी एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए सीसीएस लेवल के आप लिंक कर सकते हैं यू यू कैन लिंक बिकॉज ऑल आर इंटर रिलेटेड तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लेकर आ रहा हूं वट इज वट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है वाई यू नीड फंड्स पैसा क्यों चाहिए आप बताइए आप आप एज ए इंडिविजुअल आपको पॉकेट मनी क्यों चाहिए एज अ एंटिटी वाई वी नीड फंड्स एज अ प्रोपराटरशिप फंड वाई दे नीड फंड्स एज मारुति सुजुकी एज इंफोसिस एज पतंजलि एज डाबर एज जस्ट डायल एज अमिताभ बच्चन एज मीनाक्षी एज कैटरीना कैफ वाई दे रिक्वायर फंड आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन बातों का ध्यान रखना है दूसरी बात फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर दो फंड्स कैन बी आपने उसी ब्लॉक में लिखना है मेरा ब्लॉक छोटा हो गया तो इसलिए बाहर आ गया प्रोक्योर्ड वो पैसे कहां से आ सकते हैं पहली बात आपको दस लाख चाहिए पांच लाख चाहिए टेन लाख डॉलर्स चाहिए फाइव लाख मिलियन डॉलर्स चाहिए पाउंड चाहिए यूरोस चाहिए जेन चाहिए, स्विस फ्रैंक चाहिए लीरा चाहिए क्या चाहिए वट यू वॉन्ट हाउ मच फंड वाई यू वॉन्ट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट वो पैसे कहां से आ सकते हैं वन लाख डॉलर वन लाख मिलियन फ्रॉम वेयर आई कैन गेट What are the different sources of funds? And the third is, and the third is, and the third is, what, whether, whether to pay, to pay dividend or not. Because dividend is being paid, you know, it is a distribution of profits. You have earned the profits. Now, the point is whether it is to be distributed or not, it depends.

करती है तू पैसा ले ले तू पैसा हो जा तू तो मेरी एंड टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चन इन तीन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपके सामने तीन डिसीजन लेने वाला हूं आई विल बी टेकिंग थ्री डिसीजन यस बस वही तीन डिसीजन में मैं पूरे के पूरे बीस चैप्टर घुमा दूंगा और रिलेट करके दिखा दूंगा आइए आइए मेहरबान कदरदान आइए सर मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए आप ही के लिए ए सी सी एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल लेवल कस्टमाइज फॉर यू आइए सर देर आर थ्री डिसीजन इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और तीन डिसीजंस लेंगे उसके बाद फिर मैं वर्किंग एड में आ जाऊंगा बेटे नहीं तो फिर मैं भावनाओं में जाऊंगा मैंने इस चीज को डेढ़ घंटे में बताया जो मैं आज ट्रेलर के रूप में दे रहा हूं फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकेंड इज फाइनेंशियल डिसीजन आपके कैपलॉन में लिखा हुआ है आप इसके बाद कैप्लान आराम से देखना और देखना कि क्या मैंने कुछ बातें सिंसियरली बताई हैं या नहीं बेटे फर्स्ट इज इन वेस्ट इन वेस्ट मेंट डिसीजन्स सेकेंड इज इज फाइनेंशियल डिसीजन इट मींस टू आंसर क्वेश्चन नंबर वन

बेटे पहला क्वेश्चन है पैसे क्यों चाहिए वाई यू नीड फंड आई नीड फंड बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टमेंट्स बेटे आगे चल रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है जैसे आप इलेवेंथ क्लास में आए थे एट द टाइम ऑफ स्किल नॉलेज लेवल एफ थ्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिस वन इज कैपिटल एक्सपेंस एन सेकेंड इज रेवन्यू एक्सपेंस दो नेचर जो बार बार आप करते हैं रेगुलर नेचर में होती है जैसे सैलरी देना जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे करना ऑल दीज आर रकरिंग एक्सपेंसेस सो दीज आर नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड समटाइम्स यू बाय अ मशीनरी आप कई बार कंप्यूटर बाय करते थे फर्नीचर बाय करते थे बिल्डिंग परचेज करते थे बेटे दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट मीन्स यू रिक्वायर फंड्स फॉर टू रीजंस आपको पैसे दो कारणों की वजह से दो रीजंस की वजह से चाहिए वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म सो मैं इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में लिख रहा हूं बेटे पहला लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बेटे जगह नहीं है ना और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको उन्होंने कहा चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वो ही है बेटे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इफ आई वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं ऐसे थोड़ी ले लूंगा कोविड नाइनटीन के टाइम एट द टाइम मोदी मिस्टर मोदी टू टेक सो मेनी लॉन्ग टर्म डिसीजन बेटे इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ न्यू वेंचर इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट इफ आई वॉन्ट टू गो अवर मॉडर्नाइजेशन इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ए सीसीए करना बेटे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है आप क्या रेगुलर अपनी लाइफ में दो तीन बार एसी से करोगे और एक बार कर लिया तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस योर मैरिज प्रपोजल्स विल बी चेंज्ड आप बताइए एसी से क्वालिफाई करने के बाद क्या आप किसी बी कॉम लड़की से या लड़के से शादी करना पसंद करेंगे नाउ योर मैरिज प्रोस्पेक्ट विल चेंज योर जॉब प्रोस्पेक्ट विल चेंज योर मार्केट प्राइस विल चेंज योर एमपीएस विल चेंज पॉइंट इज बिफोर टेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन देर आर समय या नहीं होने चाहिए आप ये बताओ बिल्कुल होने चाहिए. आप एक छोटी सी डिसीजन लेते हो कि मैं चाय किससे पी पॉइंट इज देर आर थ्री चाय वाला एंड यू वॉन्ट टू हैव अ चाय देखते हो टेस्ट किसका अच्छा है बेटे किसने चाय इलाइची किसने दालचीनी किसने अदरक किसने अच्छे से ग्लास में

मैंने आज सीए कर लिया सीएस कर लिया सीएमए कर लिया ए सी ए कर लिया सी एफ ए कर लिया सी एपी यूएसए सीएमआईए हो गई बिकॉज ऑल आर लॉन्ग टर्म इसी तरह से यू रिक्वायर फंड्स फॉर डे टू डे नीड्स आपको रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए आपको गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है मूवी देखनी है अभी कोविड नाइनटीन में तो सब कुछ बंद ही है बेटा सपोजिंगली आप मैकडोनल्ड में अपनी फ्रेंड के साथ बर्गर खाना चाहते हैं यू वॉन्ट टू स्पेंड सम मनी यू इट इट मीन्स देयर आर डे टू डे नीड्स सिमिलरली एन एंटिटी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आपने देखा होगा कैश फ्लो में एफ सेवन में बेटे एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज बिकॉज वैसे मेरी नॉर्मली इतनी स्पीड तेज नहीं है बट क्योंकि मुझे वर्किंग कैपिटल कराना है और मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं एक हल्का सा आपको ट्रेलर देना चाहता हूँ दैट दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा या फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा मेरी स्पीड थोड़ी सी कम आ जाएगी बिकॉज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपने पूरा डेढ़ घंटे का मेरा ऑलरेडी देखा हो यूट्यूब में तो शॉर्ट टर्म का मतलब है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स लिख लो जी शॉर्ट टर्म का मतलब है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स देखेंगे अभी वर्किंग करेंगे तो बताऊंगा आई नीड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एक्टिविटीज विच एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी देखेंगे एग्जाम्पल लेके करेंगे दैट वट आई मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड वट आई मीन बाय स्मूथ फंक्शनिंग एंड वट आर द इन्वेस्टमेंट्स आई हैव टू डू फॉर दैट बट एक बात ये समझ आ गई कि आपको कितने पैसे चाहिए आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अब वो पैसे कहां से आएंगे कौन देगा आरिबे के गवर्नर से ले लूं, मेंगो पीपल आम आदमी से लूं, because second question is from where I can get those funds. बेटे मैं वो पैसे कहाँ से ले सकता हूँ? From where I can procure the funds? And to answer this, you know, I have to take a decision number two, and that decision is financial decisions. पैसे कहाँ से आएंगे? And देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड पहला एक चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मोस्ट प्रॉबली ये थर्ट फिफ्टीन सिक्सटीन अभी दिखाया था आपको एंड फॉर दैट यू हैव टू पे सम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है एंड फॉर दैट यू हैव टू इनकर यू नो वट इज यूर कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा प्यारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजनस ज माई डिसीजन नंबर टू पैसे कहां से आएंगे फ्रॉम वेयर आई विल गेट द फंड कितने चाहिए दैट इज माई डिसीजन नंबर वन एंड द लास्ट डिसीजन इज बिकॉज आई हैव टेकन द फंड एंड इन केस ऑफ बोरर फंड आई हैव पेड फॉर दैट बट फॉर ओनर्स फंड आई हैवे चॉइस दैट वेदर आई शुड पे इट और नॉट डिडेंट देना इज नॉट कंपल्सरी इट डिपेंड्स अपॉन एंटिटी एंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स थर्ड डिसीजन इज डिडेंट डिसीजन नाउ द पॉइंट इज लास्ट पॉइंट बस कंक्लूड कर रहा हूं उसके बाद मैं अपना ट्रेलर कंप्लीट करके आगे चल रहा हूं दैट वाई यू आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन वट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा दैट वट आई मीन वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ना दब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ना देर कैन भी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव देर कैन भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बड़े सारे होते हैं वो हमने चैप्टर वन में डिस्कस किया है बट मोटा मोटी आप मुझे इतना बता दो कि ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट और वेल्थ अगर वेल्थ होना चाहिए तो वाई वेल्थ और अगर प्रॉफिट होना चाहिए देन वाई प्रॉफिट एंड हाउ दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड बेटे बस ये बताना आपने एक वो भी जमाना था भला जमाना जब सब लोग प्रॉफिट के पीछे पागल थे मोर प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट बेटे इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो बच्चा टॉप पे आया है वो ऑलराउंडर लाइफ में सक्सेस अचीव करेगा ऐसा नहीं होता नो डाउट प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट अलोंग विथ प्रॉफिट आई डोंट वॉन्ट टू यू नो आई वॉन्ट टू अचीव द वेल्थ वेल्थ एक बच्चे ने कहा वेल्थ मैंने कहा यस आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ बेटे वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है मैंने एक शेयर लिया टेन शेयर्स लिए हंड्रेड शेयर्स लिए एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ टेन डॉलर्स एंड आई हैव इन्वेस्टेड वन थाउजेंड डॉलर इन अंपनी नो ना हाउ आई कैन बिकम वेल्दी हंड्रेड शेयर तो हंड्रेड शेयर्स ही रहने वाले हैं इफ दैट कंपनी ग्रोस इफ दैट कंपनी अर्नस प्रॉफिट इफ दैट कंपनी अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस इफ दैट कंपनी इज डूइंग गुड इफ दैट कंपनी सेंटीमेंट आर गुड तो अल्टीमेटली जब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो आप मुझे बताइए उस कंपनी का मार्केट प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वेदर इट विल इंक्रीज और नॉट येस सेंटीमेंट इंक्रीज हो जाएंगे बेटे अल्टीमेटली मार्केट प्राइस विल शूट अप अब 100 शेयर्स अभी भी मेरे पास हैं आई हैव परचेज है टेन रूपीज नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम टेन डॉलर्स पर शेयर टू फिफ्टी डॉलर्स इट मीन्स इट मींस There is a maximization of wealth. I can maximize, I can maximize only and only if there is an increase in the value of that firm. Chapter 20 is the business valuation, and that can only be. बेंचमार्क है बेटे उसका मार्केट प्राइस पर है और भी बड़े सारे बेंचमार्क हम डिस्कस करेंगे तो आपको मैं आ गया सीधा बेटे मैंने देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ट्रेलर बताना था बेटे अब इसमें एक डिसीजन 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 है 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 ना ये देखो एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ठीक है जी में वी हैव वन डिसीजन विच इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इसका नाम है इसका नाम है जो छुप गया है जो छुप गया है क्योंकि मैं हाईलाइटर हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन्स तो आज चैप्टर सेवन में मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन कर रहा हूं इट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर फॉर माई डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप ये बताइए आप जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं और आपके पास मेट्रो के पैसे नहीं होंगे तो क्या आप मेट्रो से जा पाएंगे इट मीन्स यू शुड हैव डेली सम कैश इन योर पॉकेट और इन योर पेटीएम बैलेंस और इट बी भीम पे इट बी गूगल पे मैं तो कहता हूं कैश और कैश इक्वल एक ही बात है बट द पॉइंट इज आई रिक्वायर रेगुलर फॉर रेगुलर फॉर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज फॉर रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या मुझे बता सकते हैं अपोलो टायर्स की क्या डे टू डे एक्टिविटीज होंगी वाई द रिक्वायर फंड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स बिकॉज दे हैव टू बा रॉ मेटीरियल दे हैव टू पे दैलरीज दे हैव टू पे द फैक्ट्री एक्सपेंसेज दे हैव टू मीट द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड देव टू सेल द टायर्यर्स इन ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर्स बेटे इन सभी चीज़ों के लिए रोजमर्रा के जिंदगी को नॉर्मल चलाने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए इफ इफ आई हैवे स्मूथ फंक्शनिंग यू नो रॉ मेटेर पड़ा हुआ है मुझे जब ये मुझे मिल जाता है आप जैसे घर में पढ़ते हैं ए सी सी ए कर रहे हैं एफ नाइन आपको खाना भी टाइम पे मिल रहा है आपको स्टडी टेबल मिल रहा है आपको आराम से फैसिलिटीज मिल रही है आपको आपको प्रॉपरली आपको थिंग्स आर बिंग प्रोवाइडेड टू यू तो बताइए इट विल इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग यूर ए सी सी एग्जामिनेशन मैं ये नहीं कहता कि खाली इसी से पास होंगे बेटे जब तक आपके मन में हार्ड वर्किंग की इच्छा नहीं होगी वो एक अलग आस्पेक्ट है मैं हार्ड वर्क इज दर बट इफ आई कंपेयर टू स्टूडेंट वन इज गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज इट मीन डूंगर इज स्मूथ फंक्शनिंग एंड वन इज नॉट गेटिंग दीज एक्टिविटीज बिकॉज ही बिलोंग्स टू युअर फैमिली तो बट आप दोनों का डिफरेंस देख लें इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है पास होने की सिमिलरली फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन लेटेड बी है सर्विस इंडस्ट्री लेटेड बी अंट्रैक्ट इंडस्ट्री लेटेड बी लाइस एंड लेटेड बी लेटेड बी अपोलो टायटेड बी एच डी एफ सी बैंक लेटेड बी सर्विस कॉस्टिंग मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करू आउट ऑफ दो इंडस्ट्रीज दे हैव टू डू सम एक्टिविटीज एंड फॉर दोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इट इज ने दैट दे शुड हैव सम फंड इन देयर हैंड बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में यू नो कैटरीना कैफ का एग्जाम्पल लेते हैं बताइए कैटरीना कैफ एक्टिंग का काम करती है तो जो भी पैसे उनको एक्टिंग से आते हैं वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कैटरीना कैफ ने एक लंदन में एक फ्लैट परचेज किया था क्योंकि उनकी रणबीर से मैरिज होने वाली थी आज से एक दो साल पहले की बात कर रहे हैं अब रणबीर ने तो आ लिया बट से जुगाड़ कर लिया तो सवाल ये आता है कि कैटरीना वॉन्ट्स टू सेल दैट फ्लैट और उस बेचने में कुछ कैपिटल गेन हो गया ना वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर कैटरीना नो कैटरीना की मेन ऑब्जेक्टिव की एक्टिविटी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज ना देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थर्ड इज थर्ड इज फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आप जल्दी से रजिस्टर पहले ओपन कर ले बेटे लिखना है वर्किंग कैपिटल लिखना बेटा इज द कैपिटल बेटे देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द एंटिटी रिक्वायर्ड बाय एन एंटिटी फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स लिखेंगे बेटा लिखेंगे सब लिखेंगे मैंने कहा जी लिख लिया ना तो कैपलॉन बीबीपी -बी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जूस नोट्स में भी नहीं है क्लास नोट्स एक तो हम देते हैं तो आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ नाइन के आगे मेरे से लेक्चर्स करेंगे तो यू विल सी कि मैंने एक तो क्लास नोट्स दिए हुए हैं एक जूस नोट दिए फिर हम एग्जामिनेशन किट से करेंगे फिर हम विकीपीडिया से देखेंगे एंड देन बीच बीच में मैं आपको गानों से मोटिवेट करता रहूंगा जैसे आज कैटरीना ने मोटिवेट किया आपको वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल और आई विल से द फंड्स रिक्वायर्ड बाय एन एंटिटी फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर थोड़ा सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आ गई दो बार मैंने फॉर फॉर यूज कर दिया कोई बात नहीं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप इंटेंट देखिए व्हाट आई वांट टू से व्हिच आई रिक्वायर फॉर स्मूथ आप पांचवा गियर गाड़ी का कब लगाते जब हाईवे में जा रहे हो स्मूथ फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शनिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई रिक्वायर सम फंडॉज आई रिक्वायर सम रॉ मेटीरियल मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रॉ मेटेरियल पड़ा होना चाहिए क्योंकि जब मुझे जरूरत होगी मैं उस रॉ मेटीरियल रॉ मेटेरियल को ले लूंगा आई विल गेट इट फ्रॉम माई स्टोर डिपार्टमेंट आई आई कैन डू प्रोडक्शन इट मीन्स माई फंड विल बी इन्वेस्टेड सम वट इन रॉ मेटेरियल अच्छा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में टाइम लगता है कार बनती है बेटे नैनो लखटकिया तो बेटे इट विल रिक्वायर सम टाइम पीरियड आप ए आज ज्वाइन किया आप जब थर्टीन पेपर क्लियर कर लेंगे तो एक बीच में एक डेढ़ साल दो साल का बीच में दिस डिफरेंस इज यू नो रॉ मटेरियल इज बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड बीच में कुछ टाइम लगा दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस इट मीन दैट प्रोडक्ट विच इज जीरो परसेंट प्रोड्यूस दैट इज रॉ मेटीरियल जो जीरो से ज्यादा और सो से कम है बेटे दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस इट मीन मारुति सुजुकी रिक्वायर फंड फॉर इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्रीज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज रॉ मटेरियल, सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड इज फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स मारुति सुजुकी ने कारें बना दी बेटे एकदम तो बिकेंगी नहीं इट विल रिक्वायर टाइम

वेन दे गि क्रेडिट देर मनी मारुति सुजुकी का मनी इज बिंग इन्वेस्टेड इन दोबल और इन दो एंड दे हैव टू हैव समय कैश ऑल्सो उनके पास कुछ हमेशा हर समय पैसे होने चाहिए आप बताइए आपको भी घर से बाहर निकलते हैं वेदर यू रिक्वायर और नॉट ज इंश्योर की आपकी पॉकेट में कुछ पैसे है मोबाइल में पेटीएम के वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े बिकॉज इट कैन बी देर कैन बी डिफरेंट टाइप नीड प्रिकॉशनरी नीड ट्रांसिव नीड स्पेकुलेटिव नीड फॉर दैट यू शुड है मैंने आपको आज मोटा मोटी एक आइडिया देने की कोशिश की है आइए मैं आपके सामने लिख चुका हूं क्या मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दैट वट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अपोलो टाय हम आपके सामने खड़े हैं मेरा नाम भूपेश आनंद है मैं अपनी होश में आपके साथ बातें कर रहा हूं और मैं आपसे ये कहता हूं क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस हम क्या करते हैं पढ़ते हैं फ्लैश पीपीटीज बनाते हैं जूस स्टोर्स बनाते हैं बुक्स बनाते हैं फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ पेन ड्राइव में हम सेल करते हैं हमारे स्टाफ uh, uh, में मार्केटिंग करते हैं गूगल मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया में करते हैं पॉपुलरिटी गेन करते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं मैंने आपको अपनी एक्टिविटीज बताई सो दैट यू कैन केल्प गिव मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट आर माई ऑपरेटिंग वॉट आर वाई आई रिक्वायर फंड्स तो मैं भूपेश आनंद आपसे चाहता हूं कि आप सेकंड पॉइंट भी लिखें वर्किंग कैपिटल हम शॉर्ट टर्म डिसीजन से चले थे हम यहां तक पहुंच गए वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लेकिन लिखना है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल व्हेन आई से ग्रॉस आई मीन ओनली टोटल ऑफ करंट एसेट्स एंड सेकेंड इज नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज बेटे क्लास नोट्स पहले प्रिपेयर किएगी टाइम सेव हो जाए

ठीक है जी आप थर्ड पॉइंट में लिखें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अभी आपने ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं लिखा जो मैं कह रहा हूं वो लिखें आप अपने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑरेंज कलर में उसके नीचे लिखा है इफेक्टिव ई एंड ई का मतलब है इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ई कैन यूटिलाईज वर्किंग कैपिटल इफ आई कैन आंसर दीज थ्री क्वेश्चन सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन और चैप्टर टेन आपको समझ आ जाएंगे कि भैया इसके पीछे लॉजिक क्या था अलग अलग चैप्टर का वाई आई नीड वाई आई वॉन्ट टू इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली मैनेज वर्किंग कैपिटल उसके लिए मुझे तीन क्वेश्चन के आंसर्स करने बेटे तीन बातें बापू जी के तीन बंदर हमें क्या देखना है क्या सोचना है क्या खाना है क्या बोलना है यू you नो know?

What is the, how much is the, how much is the requirement of stock? Second is, how much credit we should give to accounts receivable. Credit में सामान बेच तो दिया, but उनको हम कितना, you know, accounts receivable को कितना उधार दें? एक महीने का दें दो महीने का दें दे नहीं दे इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन चैप्टर नंबर विद कैश मैनेजमेंट टूडे आई एम गिविंग यू चैप्टर सेवन मैनेजमेंट इंट्रो अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर सेवन खत्म नहीं हुआ बेटे मैं तो खाली हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं वर्किंग कैपिटल का रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है अब आइए जी इन तीन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम तीन मैनेजमेंट और करेंगे हम इसमें पॉलिसीज ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल की बातें करेंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बातें करेंगे एंड देन हाउ टू estimate दैट what इज वर्किंग कैपिटल ratios? बेटे छह सात मुद्दे हैं मैं अब आपको क्या बताऊं सर मैं आपको क्या बताऊं मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने वर्किंग कैपिटल के भी बड़े प्यारे से नोट्स आपके लिए जूस नोट तो हमने सबके बनाए बेटे जूस नोट तो सबके बनाए देखिए मैंने सभी जूस नोट्स को कंसेप्ट वाइज लिखा है जैसे मैंने इसको कंसेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल दिस इज माई नंबर वन सेकंड कंसेप्ट विल बी वाई लिक्विडिटी वट इज अंग ऑफ लिक्विटी एंड लिक्विडी वर्सेज प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट नंबर थ्री इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज कंसेप्ट नंबर फोर इज ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट नंबर फाइव इज वर्किंग कैपिटल रेशो तो इन सभी के ऊपर हमने कंसेप्ट बताए बेटे एक एक बात को कवर करूंगा ठीक है जी एक एक बात को हम कवर करेंगे देन वट इज वर्किंग कैपिटल वाई दर इज द नीड ऑफ दैट Supposingly, that is very सपोजिंग दैट concept building and it is not given in your इज or BBB. Still मैंने उसको discuss किया है जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में नहीं बताया गया बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का लॉजिक आपको बता दूं तो आप बड़े सारे इजिली क्वेश्चन भी कर पाएंगे तो मैं अपनी नॉलेज अपना इंटल intel, अपना इंटेलेक्ट along with the विद जूस along with विद the... मजा आने वाला बेटे मैं आपको बस यही कह सकता हूँ आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बड़ा बताना है मैं आप फ्लो चार्ट की बात करूं तो आई थिंक आप फ्लो चार्ट एक बार देख लें अगर आपने नहीं बनाया तो बनाइए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी फ्लो चार्ट से ही आगे मूव ऑन करूंगा बी हैप्पी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा या तो मैं लाइव आगे नेक्स्ट थर्सडे को बताऊंगा या पहले भी बता सकता हूं या ऐसे ही आपका आंसर भी दूंगा कमेंट में बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल शब्द खैर मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स भूपेश आनंद आपके सामने मैं सीए मैं सीएस मैं सीएमए मैं सी लंडन और मैं अमेरिका बेटे आई हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाइव लेक्चर मैं आज आपके लिए लाइव लेक्चर लेकर आ रहा हूं बेटे एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कस्टमाइज फॉर ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज माई पैशन मैं आज आपको ये बात प्रूव कर दूंगा कि मैं पागल हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बेटे जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें। बिकॉज हमने आई ऑलरेडी डिलीवर्ड फर्स्ट लेक्चर इन दैट आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग यू नो द स्मॉल इंट्रो द ट्रेलर ऑफ वर्क फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा पिक्चर देखना है तो पूरा मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी अपलोड किया यूट्यूब में इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ मेनी चैप्टर आर देयर बेटे वो सब कुछ मैंने उसमें बताया एंड टूडे इज लेक्चर नंबर टू मैं आज अपनी होश में दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं आप अपना नोट बिल्कुल ओपन कर चुके बिकॉज यू हैव टू प्रीपेयर सेनेजमेंट बिकॉज इन दैट यू नो आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं गोइंग फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन फॉर एडवांस एंड देर ऑल्सो दीज विल बी हेल्पफुल आइए हम स्टार्ट करते हैं बट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ नाइन स्किल नो डाउट दिस इज अव लेक्चर एंड इनकेस यू है कुछ आपको पूछना है आप मुझे बता सकते हैं मैं उसका आंसर दूंगा लेकिन मैं बीच बीच में आंसर नहीं दूंगा ना मैं आपकी बीच बीच में क्वेरीज देखूंगा मैं बेटे फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है जब मैं समझाना शुरू करूं व्हेन आई विल स्टार्ट माय चर्चा व्हेन आई स्टार्ट माय कहानी व्हेन आई गिव माय स्टोरी तो आप बस उस समय उस स्टोरी को सुने कमेंट्स आप उसके बाद क्वेरीज लिख सकते हैं साथ साथ बट मैं आंसर लास्ट में देने वाला हूं ठीक है जी चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेक्चर टू और मैंने आज की कोटेशन लिखी यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग बिलीव इन दैट आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें विश्वास कीजिए सर हम सब कुछ कर सकते हैं बेटे बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो आप बहुत छोटे से थे ना तो उस समय हर चीज़ ट्राई करते थे अब आप बड़े हो गए हो ईगो आ गई आप में आपको लगता है आपको किसी ने कुछ कह दिया तो क्यों कहा बेटे वो सब छोड़ दीजिए दोबारा से बच्चे बन जाइए और रजिस्टर में लिखिए है। आप हैंड को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली जब छोटे बच्चे थे तो लिखते थे अब पता नहीं क्या होए आपको लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा एंड देयर इज नो नीड ऑफ यू नो राइटिंग ये गलत आपने एक मन में धारणा दिस इज अ मेंटल ब्लॉक विच यू हैव प्रिपेयर्ड लिखना है बेटे लिखने के बाद कांसेप्ट सभी तो क्लियर होंगे देन ओनली यू कैन आंसर द ऑब्जेक्टिव टाइप मैं भूपेश आनंद इन द लास्ट लेक्चर आई थिंक आई हैव स्टार्टेड अबाउट कैपिटल वर्किंग कैपिटल

मैं आगे लेके चलने वाला हूं आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग माई जूस नोट्स तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मेरी कहानी को पांच छह मिनट ध्यान से सुने मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके चलूंगा आपको बट ए फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स जस्ट लाइक यूर कंपनी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग समथिंग बाइंग रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इनटू वर्किंग प्रोग्रेस एंड देन कन्वर्टिंग टू फिनिश गुड्स इस कंपनी की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई क्या मुझे नाम बता पाएंगे आईटीसी हिंदुस्तान लिवर पतंजलि डाबर ये ऑल आर मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज गोदरेज टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी अपोलो टायर्स, अंबुजा सीमेंट बेटे कच्चा सामान लेते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में आपसे कहा वी कैन हैचडीएफसी बैंकिंग कंपनी लेटेड बी एल आईसीटेड बी दो ऑर्गेनाइजेशन विच आर गिविंग सर्विस दे आर नॉट मैनुफैक्चरिंग एनीथिंग बेटे हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल आपसे अपने नाम सुना होगा एम्स का दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग राधा दे आर गिविंग इंश्योरेंस सर्विस बैंकिंग सर्विसेज दे आर गिविंग हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल सर्विसेस इट मीन इफ आई टॉक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लेटेड बी अब इंडस्ट्री लेटेड बी अब जॉब इट मीन ब्यूटी पार्लर कंपनी इफ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट की बात करें शहनाज हुसैन की बात करें वंदला लूथरा की बात करें एक पर्टिकुलर जॉब कि आपको इतना वेट इस पर्टिकुलर फीमेल का कम करना या मेल का कम करना जॉब कॉस्टिंग पेंटर बेटे पर्टिकुलर जॉब बैच कॉस्टिंग इट मीन्स इट मींस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आई बिल से मैं ये बात करूं कॉस्टिंग भी छोड़ दीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं करते मैं आपसे यह कहना चाहता हूं आप इस पूरी दुनिया के अगर आप इफ़ यू सी एन एस सी यू नो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी देखें और सेंसेक्स देखें बी एस सी का दैट सेंसेक्स थर्टी एंड निफ्टी फिफ्टी यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दे हैव डिफरेंट एफ एम सी जी सेक्टर इज़ देयर ऑयल सेक्टर इज देयर पावर सेक्टर इज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर एंड देर आर बैंकिंग सेक्टर इज देयर इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री और फोर फोर इंडस्ट्रीज बेटे कुछ मैन्युफैक्चरिंग है कुछ ऑपरेटिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीजो देर आर जॉब को हम कहते हैं छोटी सी बात बताइए स्मॉल वेदर अडियम और वेदर अ लार्ज क्या इन सबको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी फंडस की रिक्वायरमेंट होगी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी तो आंसर होगा यस होगी एंड एंड दे रिक्वायर पूंजी एंड दे रिक्वायर कैपिटल फॉर टू रीजन माय डियर फ्रेंड्स बेटे दो बड़े बड़े रीजन हैं जिसके लिए इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी एंड दो रीजन आर आप बाइक लेते हैं और बेटे बाइक को लेना एक अलग बात है बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल डालना एक अलग बात है इट मीन्स यू रिक्वायर टू टू रीजन्स फॉर यू रिक्वायर कैपिटल फॉर टू रीजन्स सिमिलरली एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कैपिटल रिक्वायर्स फंड रिक्वायर्स पूंजी फॉर टू रीजन्स वन इज परमानेंट यू नो फॉर द परमानेंट इन्वेस्टमेंट दे हैव टू इन्वेस्ट परमानेंटली एंड सेकेंड इज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट temporary means they will invest then they will convert into cash then again invest then again can convert into cash that is temporary you know and this is permanent but in e, costing may f2 may management accounting may or performance management f5 may जो मैंने पढ़ाया मैंने कहा कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप वन इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट सिमिलरली आई रिक्वायर कैपिटल फॉर टू रीजन वन इज फिक्स कैपिटल परमानेंट कैपिटल एंड सेकंड इज वेरिएबल कैपिटल एंड विच इज ऑल्सो नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल अब एक बच्चा क्वेरी तो कर रहा है मैं आंसर दूंगा लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे और आप सब नोट करते जाएंगे जो जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ले रहा हूं एंड आई हैव स्टार्टेड विद विद्ड एस दैट आई रिक्वायर कैपिटल एंड कैपिटल मीन पूंजी वे सेच आई रिक्वायर फॉर रनिंग माई शो एंड दो फंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट मैंने कहा जी पहला पार्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल और टेम्परे कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल और इसको हम टेक्निकली नाम देंगे वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट सेकेंड रीजन फॉर दैट कैपिटल इज परमानेंट एंड वी वी नेम इट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट मीन वी रिक्वायर फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड वी रिक्वायर फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और टेक्निकली आज के बाद हम इनको बोलेंगे क्या बोलेंगे वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट तो बेटे एक फर्स्ट पार्ट आप लिखें कैपिटल में दो ब्रांचेस बनाए टेम्परेरी लिखें अभी आप भूल जाइए कि आपके स्टडी टेक्स में क्या है यू नो फर्स्ट लिसन टू मी मेरी कहानी को सुनिए और ऑटोमेटिकली जो भी चैप्टर सेवन में कैप्टर और बीबीबी -बी -बी में गिवन है इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर आप टेंशन लेना मत बट रिलेशनशिप जैसे मैंने बनाई है यू हैव टू फ्लो इन दैट रिलेशनशिप तो आप चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एक बात मैं बताऊं दोस्तों भले आप YouTube में लाइव ले रहे हैं बट द पॉइंट इज अगर आप नहीं लिखेंगे ना एटलीस्ट जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं क्योंकि मैं लाइव उनके सामने भी ले रहा हूँ जो बच्चे फिजिकली बैठे हैं लाइव यूट्यूब में भी देख रहे हैं और इसी को हम रिकॉर्डेड मान के आगे बेचेंगे ठीक है जी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कैपिटल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ अलग होगा तो अगर आपको सच में ज़्यादा चाहिए तो बेटे जितना खून दोगे आप मुझे खून दोगे तभी मैं आज़ादी देने वाला हूँ कैपिटल को मैंने लिखा टेम्परेरी परमानेंट डे टू डे वर्किंग मेन ऑपरेशंस मेन ऑपरेशंस मेन धंधा इट मीन्स इन विच बिजनेस आर यू इन आई हैव टोल्ड यू देर आर फोर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज फोर और फाइव टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच इन विच धंदो आर यू इन बिकॉज इन दैट धंदो लेटेड बी अ अचरिंग्रैक्ट लेटेड बी अर्विस इंडस्ट्रीटेड बी अब इंडस्ट्री लेटेड बी अ बैच इंडस्ट्री बेटे आप किसी की बात भी करें आपको कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उच्च उसमें से कुछ एसेट्स जो हैं दो टेम्परेरी होंगे और उन टेंरी में बात कम करेंगे कैश बेटा यू शुड हैव सम कैश आप सुबह घर से निकलते हो तो आप अपनी पॉकेट में चेक करते हो कि आपकी जेब में आज कितने पैसे हैं और कहीं ना कहीं माइंड में पिक्चर बना लेते हो कि आज मुझे कहां कहां जाना है क्या क्या करना है सो दैट यू कैन कोरिलेट दो विद द फंड्स आर देयर इन योर पॉकेट पॉइंट you are, you are आपके पास भले डिजिटाइज जमाना हो गया बिट स्टिल वी शुड हैव सम कैश वी शुड हैव सम हार्ड कैश इन द पॉकेट नो वाई इज दिस बिकॉज बिकॉज आई वॉन्ट टू डू डे टू डे ऑपरेशन तो मैं अगर मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो आई रिक्वायर फंडस फॉर टेम्परेरी रीजन बिकॉज आई आई शुड हैव समियल कैश

Who is planning to join ACCA is a raw material for ACCA. Those who are already qualified after uh, going for these 14 papers and the training and all that and they have received the membership number, so they are finished goods. बेटे ना तो आप कच्चा सामान हैं ना फिनिश गुड़ हैं बीच में कहीं घूम रहे F9 स्किल लेवल का आप पेपर इससे मेंटेम कर रहे हैं and it means you are work in progress. It means the point is

यू यू विल समाइम सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट बेटे कई बार कंपटीशन फोर्स कर देता है कि आप अपना सामान उधार में बेचें क्रेडिट में सेल करें तो दैट इज क्रेडिट सेल्स अकाउंट्स रिसीवेबल इट मीन्स आपने एक तो सामान खरीदा फिर सामान बनाया फिर उसको प्रोड्यूस करके बेचा और बेचा भी उधार में यू नो क्रेडिट एंड यू हैव वेटेड फॉर दैट आपने और दो महीने एक चालीस महीने, दिन पैंतालीस दिन इंतजार की और इंतजार की घड़ियाँ काटे नहीं कटती बेटे मैंने कहा आज यहाँ से शुरू किया था और वहाँ जाकर पैसे मिले इट मींस नो डाउट दिस इज टेम्परेरी बट यू रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर दीज एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नेम्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मैं आपके सामने इस समय भूपेश आनंद खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप लिखिए कैपिटल फंड्स पूंजी टेम्परेरी परमानेंट मेन ऑपरेशन कैश इन्वेंटरी, क्रेडिट सेल्स एंड द लास्ट क्लास लास्ट लाइव क्लास आपने देखा होगा दैट इन्वेंटरी और आई कैन से वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप ब्रॉडली आई कैन से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये जो मैंने अभी तक कंपोनेंट्स बताए कैश बताया इन्वेंटरी बताया उंट से, से बताया अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें तो इसको हम कहते हैं दिस इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिस इज नॉट गिवन टू यू इन कैपिलोन और बीबीबी बट बेटे पॉइंट ये है कि आपको पहले लॉजिक समझने की मैं कुछ हल्का सा फालतू भी बताऊंगा सो so दैट आप उसको रिलेट कर लें एंड द वे दे हैव गिवन मैं उस वे से जलने वाला नहीं हूं बेटे मैंने अपने कंसेप्ट बनाए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आई हैव प्रिपेयर्ड सम सम जूस नोट्स फॉर यू तो आप जूस नोट्स में अगर आ जाए तो मैंने जूस नोट्स में आपके लिए चैप्टर सेवन हम कर रहे हैं बेटे बीस के बीस चैप्टर्स के मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए आई सेपरेट बुक फॉर दैट ये लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर कैप्लन बट आई बेटे मेरे छः कंसेप्ट काफ़ी हैं इन सब बातों को समझाने के लिए मैं आपको रियल केस स्टडीज रियल रतन टाटा आज मुकेश अंबानी मैं आपको इन्फोसिस मैं नारायण मूर्ति मैं सारी बातों को रिलेट करके विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ मैं भूपेश आनंद आपके सामने जो नो वी हैव डिस्कस वर्किंग कैपिटल एंड वी 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 नो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वे फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू द फैक्टर्स यू नो द वर्किंग कैपिटल एंड द टाइप्स एंड देन मैनेजमेंट मैं अपने हिसाब से चलूंगा बेटे आप बस पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर हम दूस नोट्स को कवर करेंगे और देखेंगे नॉ दीज डोस एज पर बीबीपी -बी, कैपलॉन एंड एज पर माई ओन नॉलेज फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमने कैप्लॉन का क्या हमने बीबीपी -बी का सब कुछ कवर कर लिया बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू राइट द क्लास नोट्स तो आइए जी मैं दोबारा आ गया भूपेश आनंद अपने ही उसमें अपने क्लास नोट्स में नेटवर्किंग कैपिटल में मैंने लिखा क्रेडिट परचेजेस इट मीन्स ट्रेड पेबल्स तो मेन ऑपरेशन में आ रहा है कैश मेन ऑपरेशन में आ रहा है इन्वेंटरी मेन ऑपरेशन में आ रहा है सेल्स ठीक है जी एंड वर्किंग कैपिटल कैन बी डिड इन टू टू एक छोटे से चार्ट से मुझे एक आइडिया लग गया एंड आई रिक्वायर फंड कैपिटल फॉर परमानेंट दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है नॉन करंट एसेट एंड आज हम इसको लॉन्ग नॉन करंट एसेट ना बोल के बोलेंगे प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विप ठीक है नाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने अभी तक आपको जस्ट यह बताया दैट आई रिक्वायर फंड्स आई रिक्वायर कैपिटल एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस वन इज वन इज शॉर्ट टर्म रीजन एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म रीजन वेन आई से शॉर्ट टर्म आई मीन वर्किंग कैपिटल एंड वेन आई से लॉन्ग टर्म आई मीन परमानेंट तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लिखा आया था प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट इंट्रोड्यूसिंग रणबीर कपूर सारी कास्टिंग मैंने कंप्लीट कर दी अब लास्ट में आ गया प्रोड्यूस बाय पिक्चर स्टार्ट हो रही है बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप मुझे बताइए वी हैव सीन कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है यह तो समझ आ गया क्या लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट क्या लगता है बेटे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है टाइम को प्रॉपरली सुचारू रूप से जो नो मैनेज करना सो दैट टाइम इज द एक बार चला गया तो बेटे चला ही गया उसको प्रॉपरली यूज करना दैट इज टाइम मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैनेज फंड टू टेक प्रॉपर डिसीजन सो दैट यू कैन इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली यूटिलाइज यूर फंड्स अगर मैं आपसे पूछूं एंगर मैनेजमेंट डिसीजन से इफ आई से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या लगता है आपको क्या लगता है बेटे मैनेजमेंट का मतलब क्या आप खाली पूछिए मैनेजमेंट बता दीजिए छोड़ दीजिए वर्किंग कैपिटल मैं आपसे पूछू मैनेजमेंट आपने बचपन से पढ़ते आए बेटे क्लास इलेवन से स्टार्ट हुआ था बिजनेस स्टडीज फिर धीरे 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 आप ग्रेजुएशन में आए फिर वहां पढ़ा फिर आप आज फिर पढ़ रहे हैं बेटे वट इज मैनेजमेंट इट इज अ आर्ट इट इज अ साइंस आपने पढ़ा था वेदर मैनेजमेंट इज अ आर्ट वेदर मैनेजमेंट इज साइंस फिर आपने कहा मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है बेटे आर्ट भी है और साइंस भी है मैनेजमेंट और इन दिस मैनेजमेंट यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजन जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो टॉप लेवल की बात आती है मिड टॉप एग्जीक्यूटिव की बात आती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात आती है चीफ फाइनेंस ऑफिसर की बात आती है तो वन आई से मैनेजमेंट इट मीन टू टेक डिसीजन किसी भी चीज को प्रॉपरली इफेक्टिवली और एफिशियंटली यूटिलाइज करना दैट इज मैनेजमेंट तो मैं जब बोलूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट मीन्स effectively and efficiently utilization of working capital कितनी working capital चाहिए उसको estimate करना कितने पैसे लग जाएंगे कितने units बनाने how many you 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 have to produce the units you know आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सेल्स तो सबसे पहले सेल्स का फोरकास्ट करना उसके बाद प्रोडक्शन करना एंड फॉर दैट प्रोड्यूसिंग यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल फॉर दैट यू 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 रिक्वायर रिक्वायर लेबर फैक्ट्री रिक्वायर मशीनरी तो उन सभी को प्रॉपरली मैनेज करना एंड हाउ मच फंड विल बी रिक्वायर्ड टू रन दैट शो बेटा उस शो को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम डिसीजनस ही लेने वाले हैं कि हम वर्किंग कैपिटल कितनी रखें पांच रुपए रखें फाइव लाख डॉलर्स रखें फिफ्टी मिलियन डॉलर्स रखें हाउ मच कैपिटल वी रिक्वायर फॉर वर्किंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हाउ मच फंड रिक्वायर्ड पहला क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा फ्रॉम वेयर दो कैन बी प्रोक्योर्ड बस बेटे दो ही क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से आंसर दे दी ना वर्किंग कैपिटल में तो मैं कहूंगा इफ यू हैव आंसर दीज टू क्वेश्चन इट मीन यू हैव डन अ इफेक्टिव यू हैव डन अ वेरी गुड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आई रिपीट माई गोल्डन टू क्वेश्चन एक बच्चे को नींद आ रही है उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है बेटे आप क्या बातें कर रहे हैं जो मेरे सामने बैठा लाइव वालों को तो देख ही नहीं पा रहा आई रिपीट बेटे द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने आपको ये कहा इफ आई इफ इन दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आई विल आंसर टू क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड क्वेश्चन नंबर टू इज मतलब कितने पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए और दूसरा क्वेश्चन है जो भी पैसे चाहिए वो कहां से हम प्रोक्योर करें बिकॉज देर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स हैविंग डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स क्या मैं उसके लिए इक्विटीज इशू कर दूं लोन नोट इशू करूं वेर आई शुड गो धर बैंक ओवर ड्राफ्ट वेर आई शुड गेट द क्रेडिट फ्रॉम मायर सप्लायर्स सो देर आर टू बिग क्वेश्चन विच आई विल आंसर उसके लिए मुझे डिसीजन लेनी है तो मैंने लिखा आप लिख रहे हैं आप भी लिख रहे हैं बेटे hmm. बेटे सब लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग सीधी सी बात है हमारे घर में हमारे पेरेंट्स स्पेसिफिकली मम्मी बेटे सुबह से लेकर रात तक डिसीजन लेती हैं ब्रेकफास्ट क्या बनाना है लंच क्या बनाना है डिनर क्या बनाना है अब ब्रेकफास्ट में जो चाहिए किस बेटे को क्या पसंद है बेटी को क्या पसंद है बेटे ऑल दीज आर डिसीजन सिमिलरली मैनेजमेंट टेक डिसीजन हाउ मच फंडल कितने चाहिए कहाँ से ले कितना ले, कितना क्रेडिट दे हाउ मच टाइम इन कन्वर्टिंग कैश कितना चाहिए तो बेटे इज डिसीजन मेकिंग आप सब लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज ट्रेड ऑफ बटवीन आप ये बताइए ये मैंने कैश अपनी पॉकेट में रखा ठीक है ये be, रुपीस। मैं ये कहता जी, लेता है ये ये मैं कहता मान मान लेते हैं रुपया इंडियन रुपीस। इंडियन है 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 बेटे ये है, है बेटे महात्मा गांधी की फोटो अब ये पैसे मैंने रखे लेते हैं, मैंने रखे रुपए मेरी जेब में है। तो इसके क्या बेनिफिट होंगे मेरे पास, है। मेरे पास जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आई कैन आई कैन यू नो आई विल बी वेरी मच कंफर्टेबल मुझे कहीं भी कुछ भी खर्च करना है तो मैं खर्च कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम बट इनडायरेक्टली अगर आप देखें ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हैज समर्चुनिटी कॉस्ट बेटे ये पचास हजार रुपए अगर मैंने अपने बैंक एच डी एफ सी इनकेस आई वुड हैव डिपॉजिटेड इन दैट एच डी एफ सी आई वुड हैर्न समेट ऑफ इंटरेस्ट और आजकल मार्केट ऊपर जा रही है बेटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी ऊपर जा रहा है अगर मैंने ये पैसे अपने किसी शेयर्स को बाय करने में लगा दिए होते तो बेटे आई आई वुड हैव अर्न सम रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट दैट जो आज मैं लूज कर रहा हूं एम लूजिंग जैसे आप एसी कर रहे हैं एफ के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि आप जॉब नहीं कर रहे मन लगाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं आप जॉब वॉब कुछ नहीं कर रहे खाली पढ़ाई कर रहे हैं बट माई डियर फ्रेंड्स आपने नॉलेज क्लियर कर दिया काफी सारे पेपर स्किल के कवर कर दिए इन केस अगर आप उन बिग फोर में जॉब करें तो यू विल बी गेटिंग सम अमाउंट लेटेड विथ ट्वेंटी के लेटेड विथ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ बट नाउ यू आर लूजिंग इट दैट अपॉर्चुनिटी सिमिलरली इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रेड ऑफ ये करें या वो करें बेटे ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है आपके माइंड में हमेशा आता है मैं इसके वीडियो लेक्चर्स लू या उसके वीडियो लेक्चर्स लू बिकॉज यू वेन एवर यू वांट टू डिसाइड ऐसा करें या वैसा करें हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी शुड हैव इतनी रखें या कम रखें अब जब भी आप ज्यादा या कम रखेंगे बेटे एक बात समझ लेना आप मेरे को सीधी सी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इफ आई प्रिपेयर अ ग्राफ Kaplan में नहीं है बट मैं आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी सारी बातें ऐसी हैं आई विल बी टेलिंग यू यहां पर लिखा बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल लेट इट बी लाइक दिस मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ये है बट ये एक्स एक्सेस है और एक्स एक्सेस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं आई आई रिपीट आपने बचपन में बड़े सारे ग्राफ बनाए हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक्स एक्सेस में वी जनरली कीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सेस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं तभी तो हम कहते हैं वाई ऑन एक्स कभी ध्यान दिया आपने वाई ऑन एक्स क्यों बोलते हैं बिकॉज वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स तो मैंने एक्स एक्सेस में ले लिया वर्किंग कैपिटल का बैलेंस मतलब बी यहां पर हम ले, ले लेते हैं वन मिलियन डॉलर्स यहां पे ले लेते हैं टू मिलियन यहां ले लेते हैं थ्री मिलियन यहां ले लेते हैं फोर मिलियन डॉलर्स वर्किंग कैपिटल लाइक दिस आप ये बताइए अगर मैं इफ आई वांट टू टेक अ लिक्विडिटी वेरिएबल इन वाई एक्सेस में मैं अगर लिक्विडिटी वेरिएबल ले लू तो मेरी लिक्विडिटी का जो ग्राफ होगा अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं हम कंसेप्ट समझ रहे हैं क्लियरिटी है और भूपेश आनंद कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए माहिर है बेटा मेरे वीडियोस के कमेंट्स जरा देखो इस चैनल में किसी भी सब्जेक्ट में मैंने बड़े सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्ड कर दिए आप एक बार कमेंट देखो लोग पागल हो रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि लिक्विडिटी यहां पर कुछ होगी यहां पर उससे ज्यादा होगी यहां पर उससे ज्यादा होगी यहां पर उससे ज्यादा होगी बेटे जितना वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ज्यादा होगा आई विल हैव मोर लिक्विडिटी मतलब मेरे को चाहिए मेरी जेब में मुझे चाहिए एक हजार रुपए लेकिन मैं पांच हजार लेके चल रहा हूं दस हजार लेके चल रहा हूं पंद्रह हजार लेके चल रहा हूं बीस हजार लेके चल रहा हूं इट मींस द मोर इज द बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मोर विल बी लिक्विडिटी बोलो होगी या नहीं होगी अगर मैं इन सभी पॉइंट को जोड़ दू तो बेटे इस तरह से आप देखिए लिक्विडिटी का ग्राफ आ जाता है अब एक बात और समझनी है कि वर्किंग कैपिटल का बैलेंस मैं जितना कम रखूंगा आई एम अज्यूमिंग दैट दैट मच मनी आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट केस में आई हैव द बैलेंस एज वन थाउजेंड डॉलर और वन मिलियन डॉलर जो भी इसका मतलब बैलेंस अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया होगा। मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि मुझे टोटल चार लाख में डिसीजन लेना है कि इसमें ऑप्टिमम बैलेंस क्या है वेदर आई शुड कीप वर्किंग कैपिटल बैलेंस एज वन और टू विल टू थाउजेंड डॉलर्स और थ्री थाउजेंड डॉलर्स और फोर थाउजेंड डॉलर सो आई हैव प्रिपेयर आई हैव टू सी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आई हैव एक्सप्लेन यू दैट वट आई मीन बाई लिक्विडिटी वेन आई से लिक्विडिटी इट मीनस हाउ मच कैश यू हैव आईडियल कैश यू हैव इन योर पॉकेट जो हर समय अवेलेबल है और उसका कर् इस तरह से आएगा और आप ये भी सोच के चलेंगे कि अगर आप वो पैसों का वर्किंग कैपिटल का बैलेंस अपने पास कम रखते हैं तो जो एक्सेस बैलेंस है जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट यू विल इन्वेस्ट आई एम अज्यूमिंग दिस एंड यू विल इन्वेस्ट यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट अर्नड इट मींस जब आपका बैलेंस कम होगा तो आप हाइएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है सर क्योंकि मैक्सिमम पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए अच्छा जब आप इतना रखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलेगा और कम मिलेगा और कम मिलेगा बिकॉज हमने वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ज्यादा रख दिया है तो अगर मैं इन ग्राफ को इस इन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो बेटे इसको हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी करोर आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं आई एम नॉट इन हरी यू नो आई टू एक्सप्लेन यू द सो व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट इज द डिसीजन मेकिंग इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रोफिटेबिलिटी एंड द पॉइंट वेयर बोथ एक्सेस यू नो इंटरसेक्ट आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस परपेंडिकुलर को मैं कहूंगा दैट दिस पॉइंट इज ऑप्टिम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इट मीन्स इट इज अ ट्रेड ऑफ तो हमने यहाँ पर क्या लिखा मैंने अभी अभी क्या लिखा बेटे मैंने ये बताया कि वर्किंग कैपिटल इज मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग आप लिख चुके थे डिसीजन मेकिंग आप सब लिख रहे हैं आप खाली लेक्चर नहीं देख रहे हैं। बेटे जो लेक्चर में लिखेगा नहीं वो पास ही नहीं होने वाला मैं तो यही उसको बदवा दूंगा इज ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आई थिंक आपको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में लॉजिकली बात समझ आ जाएगी कि क्या मैं बोलना चाहता हूं आई टू से यू यू नो so this is working capital management it is decision making it is trade off between liquidity it is to answer those two questions to so, pehla question maine likh diya it is to answer it is to determine kya question number 1 how much funds are required कितने पैसे चाहिए बेटे चाय बेचने वाला भटूरे बेचने वाला भी अपने माइंड में कैलकुलेशन बना के चलता है कि मुझे कल के दिन कितने पैसे चाहिए कितने भटूरे बिक जाएंगे how many ग्लासेस ऑफ टी आई कैन सेल यू नो एंड फॉर दैट आई आई रिक्वायर हाउ मच अमाउंट यू नो मेरे को इलायची लेनी है मुझे चाय की पत्ती लेनी है दूध लेना है पानी खरीदना है चीनी लेनी है है ना सो ऑल दैट यू नो हाउ मच फंड आई रिक्वायर तो दिस इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट इज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब यह बात का ध्यान रखना है बेटे मैं यहां पर बार बार लिखूंगा स्मूथ फंक्शनिंग कभी आपने हाईवे में गाड़ी चलाई है बेटे हाईवे हाईवे में गाड़ी पांचवे गियर पे चलती है है बिकॉज बिल्कुल स्मूथ इट कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा कोई गड्ढे नहीं होंगे बिल्कुल मस्ती में चलोगे आप और कोई 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 को कैमरे नहीं लगे बेटा स्पीड कैमरा कुछ नहीं है मजे लो जिंदगी के तो आप स्मूथली चल रहे हैं और साथ में गाड़ी में साथ में कोई बैठा हो और आप हाईवे में जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव ओ हो सोने पर सुहागा बेटा सिमिलरली इफ

आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग तो पहला क्वेश्चन है वर्किंग जो हम आंसर करेंगे दैट इज हाउ मच फंड आई रिक्वायर एंड क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आई शुड गेट दोज फंड्स कहां से ढूंढूंगी मुझे वो पैसे कहां से मिलने वाले जैसे आपको घर में रिक्वायरमेंट होती है आप मम्मी से लें डैडी से लें भैया से लें अपने पिकी बैंक से लें बाजार दोस्त से लें उधार लें इट मीन सिमिलरली बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट वेदर वेदर आई शुड गेट इट आई शुड एक्वायर फ्रॉम और फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक और फ्रॉम डिवेंचर्स लोन नोट्स और बैंक ड्राफ्ट देर आर सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बेटे पूरा मीनू कार्ड भरा होता है आप कुछ भी खा लीजिए अब वो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है डिपेंड्स टू सिमिलरली दिस इज़ द अमाउंट ऑफ यू नो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आई रिक्वायर नाउ फ्रॉम वेयर आई शुड गेट दैट सो दिस इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होप आप सबको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया होगा बेटे मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला ना कि हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग आप मुझे एक बात बताइए आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं पूरी फैमिली जाती है फैमिली में ब्रदर भी है सिस्टर भी है मम्मी भी है बड़े पापा भी हैं छोटे पापा भी हैं सब हैं ज्वाइंट फैमिली तो बेटा रेस्टोरेंट में जो आप खाना खाते हैं सब एक जैसे ही ऑर्डर करते हैं या सब अपनी मर्जी से ऑर्डर करते हैं ई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री किसी को पाव भाजी लग अच्छी लगती है किसी को हल्दीरामे जाते हैं किसी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं कोई मसाला डोसा खाता है कोई फलूदा खा रहा है कोई यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट वट आर हिज लाइकिंग्स एंड हाउ मच हेंगरी ही इज कितनी भूख लगी है इसी तरह से आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए ये डिपेंड करता है बेटा एक छोटे से चाय वाले को कितनी चाहिए और हल्दीराम भुजिया वाले को कितनी चाहिए अपोलो टाइस को कितनी चाहिए मारुति सुजुकी को कितनी कितनी चाहिए आईटीसी को कितनी चाहिए एचडीएफसी बैंक को बेटे डिपेंड्स तो मैं आप आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं दैट इज पॉइंट नंबर थ्री आप सब लिख रहे हैं बेटे बट इन सबको ना हम रिलेट कर रहे हैं आपको उसके बाद ज्यादा समझ आएगा एक एक पॉइंट आपके स्टडी टेक्स का मैं कवर करने वाला हूं आप बिल्कुल टेंशन ना लें थर्ड पॉइंट आप लिख रहे हैं बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऐसी कौन सी बातें द ऑप्टिमम बैलेंस दैट इज हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड How much funds are required for working capital? Factors affecting कुछ फैक्टर्स हैं आज आप जो भी आइडेंटिटी है यू हैव ज्वाइन ए आज आपकी जो भी पर्सनालिटी है इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका स्कूल बैकग्राउंड कैसा था आपके इंटरनल थॉट कैसी थी आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था आपको कितनी ग्रूमिंग मिली आपने क्या क्या किया यू नो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट जाकर आज आप हैं आप आप तभी बने बिकॉज देर आर सो मैनी फैक्टर्स सिमिलरली how much funds i require it depends upon so many factors so let it let me discuss with that the first is nature of business i think i have already told you what i mean by nature of business i have just given an example of a restaurant and a family is going in a restaurant each and every member will order as per its own need you know as per his own taste

गन्ने की जब पैदावार होगी तभी उसकी चीनी बनाई जाएगी और उन दिनों आपको गन्ना भी खरीदना है वर्कर्स को पैसे भी देने हैं फिर उसकी चीनी बनेगी बेटे यू रिक्वायर मोर फंड सीजनल ईयर्स सीजनल मंथ्स सिमिलरली सॉफ्ट ग्रिम्स की बात सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो यू रिक्वायर मोर समर्स इट मीनस नेचर ऑफ बिजनेस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग योर वर्किंग कैपिटल बैलेंस दैट हाउ मच फंड यू नीड फॉर वर्किंग कैपिटल नेचर ऑफ बिजनेस समझ आ गया बेटा ठीक है जी सेकेंड पॉइंट मार्केट कंडीशन आजकल आप देख रहे हैं बेटे कोविड नाइनटीन के बाद द पोस्ट कोविड अभी कोविड खत्म नहीं हुआ टूडेज ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर ठीक है ना कल क्रिसमस है आज मैं लाइव ले रहा हूं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा मैं लाइव एक दिन पहले लेता हूँ उसके बाद आपको रिकॉर्ड कराता हूं क्योंकि मेरे बड़े सारे लाइफ चल रहे हैं सेशंस यू नो तो रियल लाइफ मैं नहीं ले रहा नो डाउट बट आपके कमेंट्स क्वेश्चन में सब आंसर करने वाला हूँ मार्केट कंडीशन कैसा अफेक्ट करेंगे आप जल्दी से बताइए आप जो सामने बैठे हैं आप बताइए हाउ मार्केट कंडीशन विल अफेक्ट यूर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल बेटा अगर मार्केट बड़ी बूम में चल रही है बड़ी ग्रो कर रही है यू you नो know? डिमांड फॉर डिमांड ज्यादा होगी ग्रो कर रही है ग्रोइंग फेज है मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है एंड इफ मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है तो यूर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई क्योंकि काम ज्यादा बेटे ज्यादा भटूरे खाने वाले आ रहे हैं तो आप बताओ अगले दिन आपने आज सौ प्लेट बेची आपको लगा यार पचास तो चले गए ऐसे चले गए क्योंकि खत्म हो गया था मैदान तो अगले दिन आप क्या करोगे एक सौ पचास प्लेट का परचेज करोगे लॉकडाउन हो गया या लोग खा कम रहे दे आर रिजर्विंग दे आर नॉट कमिंग अल्टीमेटली मार्केट में डाउनफॉल है देर इज अ रिसेशन इन दैट इन दैट केस यूर वर्किंग कैपिटल बैलेंस विल बी लो इट मीनस आउटर सिनेरियो क्या चल रहा है एक्सटर्नल डिपेंड्स लास्ट में पोस्टपोन हुए कभी बिकॉज कोविड में इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सिमिलरली फॉर कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हाउ मच बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल वी रिक्वायर इट हैज सम फैक्टर्स तो पहला फैक्टर बेटे बताइए क्या किया मैंने नेचर ऑफ बिजनेस तो यहां पर आप लिख लें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जॉब बैच अच्छा लगेगा बेटा मेरे को अच्छा लगेगा आप कर लीजिए लिख लीजिए क्या हो गया उसमें मार्केट कंडीशन में लिख लीजिए ग्रोथ फेज और रिसेशन एटलीस्ट दो तो लिख ही सकते हैं अच्छा प्रोडक्शन पॉलिसी कौन सा अच्छा बच्चा बताएगा हाउ अ प्रोडक्शन पीरियड यू नो डिपेंड्स और विल अफेक्ट यूर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटे आपने डोमिनोज पिज्जा या पिज्जा तो खाया होगा कहीं से भी खाया हो मैं चलिए डोमिनोज का एग्जाम्पल लेता हूं डोमिनोज वाले कहते हैं जी आप जब ऑर्डर दोगे हम आधे घंटे में आपको आपको पिज्जा आपके घर पहुंचा देंगे नहीं दिया तो आप हमें पैसे मत देना एज्यूम कर रहे हैं ऐसी स्कीम आपने लक्ष्मी सीमेंट का नाम सुना है लक्ष्मी सीमेंट बेटे सीमेंट बनाती है झारखंड में मिलता है फिर वो आता फेक्टरी में, फेक्टरी प्लांट में आता होगा उसकी रग, उस, 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 उसको रिफाइन करते होंगे उसकी फिनिशिंग होती होगी टाइम लग जाता होगा बेटे लाइम को सीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए भाई आधे घंटे में तो बनने वाला नहीं है एज कम्पेयर टू डोमिनोज पिजो प्लीज so, मी एक कंपनी की प्रोडक्शन पीरियड है हाफ आवर या वन डे और एक कंपनी का प्रोडक्शन पीरियड है एक महीना लेट इट बी लक्ष्मी सीमेंट तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगा डोमिनोस और लक्ष्मी सीमेंट बेटे आई नॉट कंपेयर दीज टू बट स्टिल बिकॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं दो अलग वेराइट इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन पीरियड कंपेयर कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ दिस कैन अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल बैलेंस तो आई होप आपको बात समझ आ चुकी है पहला है नेचर ऑफ बिजनेस ठीक है सर दूसरा है मार्केट कंडीशंस ठीक है सर थर्ड है प्रोडक्शन पॉलिसीज ठीक है सर फोर्थ मैनेजमेंट पॉलिसीज मैनेजमेंट फिलोसफी आप जिस मैनेजमेंट के नीचे काम कर रहे हो या जो मैनेजमेंट टॉप लेवल पे है स्ट्रेटेजिक लेवल पे है उसका थॉट क्या है वो किस तरह से काम करती है उसकी पॉलिसी क्या रहती है उनके वो वो कितने रिस्क लवर हैं या रिस्क एलर्जिक हैं बेटे आप हम सब घर में देखते हैं ना दैट या आपके दो तो दोस्त ही है आप कहते हो तो यार ये बड़ा एग्रेसिव है और ये बड़ा कंजर्वेटिव है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आई कैन है एग्रेसिव मैनेजमेंट बड़ी एग्रेसिव है बेटे बड़ी जल्दी से डिसीजंस लेती है एग्रेसिव है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी एंड आई कैन हैव अ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्रेसिव हाउ एग्रेसिव पॉलिसी विल बी यू विल डिफाइन विद द कंटेक्सट ऑफ वर्किंग कैपिटल या मैं आपसे पूछू एक क्वेश्चन पूछता हूं इन केस ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट पॉलिसी या इन केस द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव इन नेचर फीचर्स क्या होते हैं बता रहा हूं हाई रिस्क दे आर रेडी टू टेक हाई रिस्क बिकॉज वेन आई से हाई रिस्क रिटर्न हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिस्क जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होगा ऐसा मान के चलते हैं अभी है, मैं इस इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि लिबरेजिस में बताऊंगा अभी मान के चलिए दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ अग्रेसिव दे आर रेडी टू दे आर रिस्क लवर्स रिस्क से प्यार करते हैं अच्छा जहां भी रिस्क लेंगे ना ऑटोमेटिकली रिटर्न भी ज्यादा होने वाला है तो आप मुझे ये बताएं इफ द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव एंड एग्रेसिव फीचर्स मैंने बता दिए द वर्किंग कैपिटल बैलेंस विल बी मोर एक ऑप्शन है विल बी हाई एंड दूसरी ऑप्शन है लो आराम से सुनिए क्वेश्चन को योर मैनेजमेंट इज एग्रेसिव एग्रेसिव के फीचर्स मैंने बता दिए जैसे आपकी आंखें बंद कर दी और आपके मुंह में कहा जी मैं कुछ भी डाल रहा हूं आपने बताना है क्या है ये मसाला डोसा डाल रहा हूं तो आपने खाने के बाद बताना है कि क्या चीज है ठीक है आंखों में पट्टी बंधी हुई है मैं आपसे ये कह रहा हूं योर मैनेजमेंट इज एग्रेसिव ओके ये फीचर बता दिया आपकी मैनेजमेंट मुकेश अंबानी है मुकेश अंबानी हां हा, मुकेश अंबानी है आपने कभी देखा मुकेश अंबानी को धीरू भाई अंबानी को गुरु मूवी देखी है बेटे क्या किया जिंदगी में अगर कुछ नहीं देखा तो मुकेश अंबानी जियो प्रोजेक्ट में आप देख ही कितना अग्रेसिव है ठीक है जी आप ये बताइए कि इनका वर्किंग कैपिटल बैलेंस विल बी हाई और लो बेटे आंसर हाई नहीं है बिकॉज अगर वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ये ज्यादा रखेंगे तो रिस्क किस बात का लिया आपको भी पांच सौ रुपए चाहिए और आप अपनी जेब में एक हजार रुपए लेकर चल रहे हैं तो बिलुद्ध रिस्क तो लिया ही नहीं आपने योर रिक्वायरमेंट इज दैट फाइव हंड्रेड रुपीज शुड बी योर देयर इन योर पॉकेट क्योंकि आज आपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना है अज्यूम करते हैं पांच की जरूरत है अगर आप अपनी पॉकेट में एक हजार रुपए आठ सौ या पांच सौ से ज्यादा लेके चल रहे हैं तो उसका मतलब आप रिस्क थोड़ी ले रहे हैं यू आर नॉट टेकिंग रिस्क यू आर कंजर्वेटिव बट आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे पांच सौ की जरूरत है ना मैं दो सौ रुपए लेकर चलता हूं सो दो सौ रुपए मैं किसी दोस्त से ले लूंगा मुझे रास्ते में दोस्त मिल जाएगा या गिरे हुए पैसे होंगे कहीं से मैं ले लूंगा जुगाड़ कर लूंगा इट मीनस देन ओनली आई एम गोइंग टू फेस मोर रिस्क आप समझ रहे एग्रेसिव का मतलब है आई एम रेडी टू टेक हाई रिस्क तो व्हेन आई विल बी टेकिंग हाई रिस्क व्हेन आई एम कीपिंग वर्किंग कैपिटल बैलेंस एज लो अगर मेरा बैलेंस कम होगा तभी तो हाई रिस्क होगा यू गेटिंग तो आइए जी पहले लिख लीजिए मैनेजमेंट पॉलिसीज फिलोसफीज देर क्या देर आर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफीज एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव एक बच्चा कहता था लिखना है उसको तो मुंह पर थप्पड़ मारना है लिखना है नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग साइकिल अच्छा मैनेजमेंट फिलोसफी के ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है आप एक बार देखिए मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा आइए सर मैं भूपेश आनंद आपको दोनों की फोटोज दिखाता हूं और आपने बताना है कि वेदर दिस पर्सन इज एग्रेसिव और conservative बेटे मुकेश अंबानी की बात अगर हम करें तो आप क्या बोलूं बेटे आप नीता अंबानी मान लीजिए मुकेश अंबानी मान लीजिए इनकी पॉलिसीज देखिए दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल दे आर रेडी टू देर दे आर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन दे आर एग्रेसिव यह बात तो ठीक है अच्छा जब एग्रेसिव है तो क्या मतलब हुआ जितनी चादर है उससे ज्यादा काम करते हैं पॉइंट इट मीन्स इनको वर्किंग कैपिटल जियो में चाहिए लेटेड बी फाइव मिलियन डॉलर्स और इनकी पॉकेट में थ्री मिलियन डॉलर्स तो दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस बिकॉज दे आर रेडी टू टेक दैट रिस्क और वो दो मिलियन का जो गैप है वो कहते हैं कि हम कहीं से कहीं से जुगाड़ कर लेंगे बट अगर मैं इसके ऑपोजिट में आपको रतन टाटा का इमेज दिखाऊं टाटा रतन टाटा साहब कहीं ना कहीं भले आप आपने डायरेक्टली रतन टाटा को कभी मिले नहीं बट स्टिल यू नो रतन टाटा आपने उनकी स्पीच सुनी है उनकी पॉलिसीज देखी है मैं ये कहूंगा एज कम्पेयर टू मुकेश अंबानी रतन टाटा इज कंजर्वेटिव तो आप बताइए रतन टाटा ने जैसे नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना सिंगूर में स्टार्ट हुआ वेस्ट बंगाल में फिर गुजरात में ले गए सो वेदर दे 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 बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव अज्यूम कर रहे हैं अज्यूम क्या आपको लगता ही है तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज्यादा होगा या नॉर्मल से कम होगा ये आंसर देना आपने बेटे नॉर्मल से ज्यादा होगा बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क वो रिस्क नहीं ले रहे बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क लो रिस्क मीन्स लो प्रॉफिट बट बिकॉज दे हैव मोर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल अब आप ये बताइए इज अ मोर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल नो डाउट यू विल बी हैविंग मोर लिक्विडिटी बट यू विल बी हैविंग लेस प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का नेवले और सांप जैसा रिलेशनशिप है एक बच्चा कहता है नेवला और सांप बेटे आपने बचपन में क्या नेवले सांप की लड़ाई नहीं देखी दोनों आपस में एक जबरदस्त दुश्मन है अगर नेवला होगा तो सांप नहीं होगा और सांप रहेगा तो नेवला नहीं होगा बेटे अगर लिक्विडिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम होगी तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं आर द फैक्टर्स विल अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यू रिक्वायर ठीक है सर आगे चलिए चल रहे बेटे आप ये देखिए जी ऑपरेटिंग साइकिल चलिए बताना है मैं एक साइट कहता हूं बेटे हमेशा बेटे मैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव सारे पेपर्स ले चुका हूं अपलोड भी कर चुका हूँ कुछ ले रहा हूं मैं सभी में बोलता हूं कि आपको विकीपीडिया जरूर देखनी चाहिए गूगल सर्च में विकीपीडिया को तो भूलना नहीं है आपने बेटे विकीपीडिया से नॉलेज इतनी गेन होती है मेरे को कि मैं बता नहीं सकता आप भी अपनी हैबिट बना लें बेटे बड़ी प्यारी प्यारी, प्यारी बातें लिखी हुई है विकीपीडिया में जैसे लिखा वर्किंग कैपिटल इन अ फाइनेंशियल रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग लिक्विडिटी मेरे को अच्छी लगती है, बेटे। आप इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा मैं तो यह समझता हूँ अभी आएंगे इसमें पहले हम लेटेड भी क्लास नोट को कंप्लीट कर लेनेजमेंट पॉलिसी तो के ऊपर लिख रहे हैं आप नोट वन लिख रहे हैं अच्छा उससे पहले आप अभी अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल में ही हैं ठीक है जी हम आगे थे मैनेजमेंट पॉलिसीज में तो मैनेजमेंट पॉलिसीज के ऊपर मैंने एक नोट लिखा है आपको लिखना है नोट नोट नंबर वन में है दैट मैनेजमेंट पॉलिसीज को मैंने दो ब्रैकेट्स में डिवाइड किया वन इज मुकेश अंबानी एंड सेकेंड इज रतन टाटा मैंने दोनों की इमेजेस दिखाई और आप दोनों को मिले नहीं लेकिन आप जानते हैं उनके बारे में वन वेरी एंड से इट रिस्क होगा रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप रिटर्न के साथ अच्छा, दूसरी बात प्रॉफिट जब होगा ज्यादा तो लिक्विडिटी कम होगी अभी मैंने बताया और सांप तो मैंने लिखा लो वर्किंग कैपिटल लेस लिक्विडिटी हाई प्रॉफिट्स ठीक है जी अगर आवाब आ जाइए आप रतन टाटा कंजर्वेटिव लो रिस्क लो प्रॉफिट मोर वर्किंग कैपिटल मोर लिक्विडिटी लिक्विडिटी ज्यादा होगी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ठीक है सर बिल्कुल समझ आ गया सर हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अब बेटे फैक्टर्स मैंने पांच छः सात लिख दिए ऐसा नहीं है कि ये छह ही हैं। देयर कैन बी मोर देन दैट आल्सो। आई है डिस्कशन के लिए छह सात बड़े प्राइम प्राइम रखे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ठीक है जी नेक्स्ट इज फैक्टर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें बिकॉज जो भी लेक्चर्स अब इसके बाद चलेंगे ना इस चैप्टर सेवन में वो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए ही चलने वाले हैं i will be telling you what is operating cycle what are what are the working capital ratios what are the factors affecting operating cycle how we can calculate operating cycle wo sari baatein hum discuss karenge but aapko sabse pehle pata hona chahiye what is operating cycle bete aapko kya lagta hai aapne ac se jab join kiya तो उससे पहले आपने you यू, यू, यू नो आपने काफी लोगों से पूछा कितने साल में हो जाएगी क्या हो जाएगा कितने पैसे लगेंगे कौन सा कोर्स करना है वेदर आई शुड डू इट और आपने काउंसलिंग सेशंस लिए होंगे क्योंकि मैं काउंसलिंग सेशंस भी देता हूं तो आपने भी काउंसिल ऐसा तो है नहीं कि रात को सपना है और अगले दिन सुबह जाकर आपने ज्वाइन कर लिया ऐसा तो नहीं किया इट सी आपने बड़ी सारी यू नो यू हैव गैदर्ड सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि आपको ए करना है बोलो या ना इसी तरह से ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने लिखा कन्वर्जन साइकिल सिमिलरली आपने एसी से जब ज्वाइन किया तो आपको किसी ने बताया कि भाई दो साल में आप एसी मैक से मैक्स से मैक्स बन जाएंगे एंड यू विल बी स्टार्ट अर्निंग आफ्टर टू ईयर्स मैं ये कह, कह सकता हूं दैट आपने जिस पीरियड में ज्वाइन किया और दो, दो साल अगर लग जाते हैं तो मैं कहूंगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल टू ईयर्स है इट मीनस आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कितने पीरियड में कन्वर्ट हुए तो मैंने लूज बोल दिया आपके पास कैश है इफ आई सी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव कैश इन हैंड मैंने इस कैश को क्या किया आई हैनी फ्रॉम दैम सो दीरियड विच आई रिक्वायर फ्रॉम कन्वर्टिंग कैश अगेन टू कैश बेटा जो समय लगाना कैश से कैश तक उसको हमने कहा उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल लोकेटिंग पॉइंट अभी लिख लें फिर मैं और समझाऊंगा डिविडेंड चलिए ऑपरेटिंग साइकिल में भी समझाता हूं बेटे पहले डिविडेंड पॉलिसी लिख लें डिविडेंड पॉलिसी एक सेपरेट चैप्टर है जो हम करेंगे डिविडेंड पॉलिसीज यू नो सम कंपनीज आर वेरी वेरी गुड इन पेइंग डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड देती नहीं है दे आर गिविंग बोनस शेयर बट इफ आई सी अदर कंपनीज दे आर गिविंग ह्यूज डिविडेंड तो so, डिविडेंट देने से क्या होता है कि आपको कैश देना पड़ता है इट इटमीन्स आपकी कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी इट मीन यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज एसेट्स करस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल को हम जनरली बोलते हैं नेटवर्किंग कैपिटल या खाली वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो डिविडेंड पॉलिसीज इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग दैट हाउ मच वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर लास्ट अब मैंने मेरे डिस्कशन का लास्ट टाइम वैसे तो तीन चार पॉइंट और भी हो सकते हैं कंडीशन ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इट मीन जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो इंपोर्टेड है या डोमेस्टिक है अगर इंपोर्टेड है तो क्या उसकी सप्लाई रेगुलर है क्योंकि अगर सप्लाई रेगुलर नहीं होगी तो आपको पहले से ही खरीद के रखना पड़ेगा इट मीन्स आपको पहले से ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इट मींस यू रिक्वायर मोर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल बट इफ इट इज़ रेडिली अवेलेबल डोमेस्टिक यूज है जल्दी से मिल भी जाता है तो दर इज़ नो नीड टू कीप द बैलेंस यू नो जैसे डोमिनोज पिज्जा की बात करें सब्जियां मिल जाती हैं कैप्सिकम डालना है चीज़ डालना है पनीर डालना है ऑनियन डालना है मिल जाएगा बेस भी मिल जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा बेस बेस सब्जियां पहले से नहीं खरीद के रखनी रोज खरीदेंगे रोज बेचेंगे रोज पैसे लेके आ जाएंगे डिपेंड्स so तो मैं एक नोट चाहता हूं आप लिख लें ऑपरेटिंग साइकिल बस आज का लेक्चर नोट टू तक ही है वैसे ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर मैंने बहुत कुछ बताया है और अभी बड़ी सारी बातें हैं जो विच वी विल बी डिस्कसिंग यूर इन कमिंग लेक्चर्स मैं अभी दो तीन लेक्चर्स और लेने वाला हूँ फॉर चैप्टर सेवन ओनली आप बिल्कुल टेंशन ना लें उसके बाद कवर करेंगे कि कैपलॉन से हमने क्या सब कुछ कवर कर दिया ऑपरेटिंग साइकिल जैसे अभी अभी मैंने बताया कैश टू कैश कैश से दोबारा कैश में जाने के प्रोसेस का जो टाइम लगता है जैसे आपको ए सी से बनने में मैंने एज्यूम किया सर आप जल्दी भी बन सकते हैं मैंने एज्यूम किया कि दो साल सो दिस इज योअर दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल कि कब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे अभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्जामिनेशन फीस पे करी आपने फिर मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज किए फिर जूस नोट्स लिए फिर कैपलॉन का स्टडी टैक्स लिया उसके बाद पेपर दिए एग्जामिनेशन उसके बाद आफ्टर दैट आप क्लियर हुए फिर जॉब लगे फिर पैसे आए तो दैट पीरियड इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल एंड थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसको लिखिए इट इज डिफाइंड एज द टाइम It is defined as the time duration which the firm, entity, organization requires to manufacture and sell the product and to collect cash. I cash the cash ke aane ke

और इसका ऑपरेटिंग साइकिल है टू मंथ्स। अभी आपको पूरा नहीं पता चला ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बट स्टिल जितना भी पता चला आप उससे भी आंसर दे सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स है हाई इन एबीसी एंड लो इन एक्सवाइल डेट ट्रू और फॉल्स फॉल्स बेटे आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी इसका मतलब आप जल्दी से कैश में कैश कन्वर्ट कर रहे हो आप एसीसी है आपका दोस्त या आप ही का वन एंड हाफ ईयर में हो गया तो बेटे वो जल्दी से पैसे कमाना शुरू करेगा जल्दी उसका सेटअप होगा जल्दी लाइफ में गाड़ी आएगी फिर गाड़ी में बैठने वाली आएगी फिर बंगला आएगा फिर सब कुछ जल्दी 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 हो जाएगा इट मीन शॉर्ट द ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकॉज माय फंड्स आर लेस ब्लॉक्ड. मैंने एक वर्ड किया ब्लॉक्ड इन करेंट एंड मोर लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल होता है अगर तो मोर इज वर्किंग कैपिटल बैलेंस मेरे को जितना टाइम ज्यादा लगेगा एसीसीए अच्छा में मुझे बार बार एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी आई हैव टू पे मोर फॉर वीडियो लेक्चर्स इट मीन्स आई रिक्वायर मोर फंड्स तो आप इस तरह से रिलेट करें और इसको लिखें इसको लिखें बेटे इट इज डिफाइंड एज दिस लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल हायर 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 विल बी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ठीक है जी फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल बस बेटे लास्ट दो मिनट रह गए हम अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या अभी बड़ी सारी बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है आज हम अभी बस यहीं पे अपना को ब्रेक करेंगे कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको पता है फिर भी आप लिख सकते हैं एक्टिविटी वन सबसे पहले आप क्या करेंगे गाँव बसेगा लुटेरे तो बाद में आएंगे ना परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्टिविटी टू कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस एक्टिविटी थ्री कन्वर्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू फिर गुड्स वैसे एक ही में हो सकता था एक्टिविटी फोर सेलिंग फिनिश गुड्स एंड कलेक्टिंग कैश ठीक है सर मैंने लिखा जी पांच पांडव थे महाभारत में पांडु के कुंती माता के छह पुत्र थे पांडु से पांच थे तो मैंने लिखा देर आर फाइव स्टेजेस इन ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल स्टेज ये बेटे आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा चर्चा बतानी है आई विल बी डिस्कसिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज रॉ material स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज एफ का मतलब है फिनिश गुड स्टेज डेट का मतलब है डेटस स्टेज सी का मतलब है क्रेडिटस स्टेज तो मैं क्या करूँगा आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी कर दूं, तो ये आपके सामने ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ अभी बेटे बहुत कुछ बताना है आप बिल्कुल टेंशन ना लें रेगुलरली इस लाइव लेक्चर को करें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिस बॉडी लैंग्वेज से जो एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं बेटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मैं बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा हूं और आप मेरे लेक्चर्स किसी दूसरे लेक्चर के साथ कंपेयर करें यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस यू नो सो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल

तो दोस्तों आप अपने रजिस्टर को ओपन कर लें हम आज लेक्चर थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर सात बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेवल नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सेवन एंड लेक्चर थ्री बेटे आज के इस लेक्चर में आई विंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने अभी तक आपका एग्जामिनेशन नहीं देखा यू नो इन दिस नॉट asked अबाउट what इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल what are the factors which affect operating cycle, how to calculate operating cycle, even आपको इलस्ट्रेशन पूरे क्वेश्चन आएंगे and then यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल so today

एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेटे दोनों चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए आपको एसी का क्वालिफिकेशन भी चाहिए नेम भी चाहिए फेम भी चाहिए सब कुछ चाहिए तो आई वॉन्ट लिक्विडिटी एज वेल एज इफेक्टिव फाइनेंस मैनेजर विल बी अट पर्सन यू नो हुउंट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रोफिटेबिलिटी तो बेटे उसी को तो बोलते हैं बेस्ट बैलेंस जैसे आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है यू नो लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है कई बार आपको गुस्सा आता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बट द पॉइंट इज डॉक्टर जब आपको चेक करेगा तो इट मीन्स ही विल सी द एवरेज यू नो वट इज द एवरेज बैलेंस वट इज द ऑप्टिमम बैलेंस कई बार कम हो जाता है कई बार ज्यादा भी हो जाता है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट कई बार और एक्सेप्शन ओन एन एवरेज वी शुड हैव अ ऑप्टिमम बैलेंस बेटा दैट इज अ आर्ट ये साइंस नहीं है यू नो टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बैलेंस इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी सिचुएशंस तो धीरे धीरे आपको जब ये एक्सपीरियंस होगा तो आप उस आर्ट को यूज करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट ऑप्टिमम बैलेंस बट स्टिल टू सम एक्सटेंड इट इज अ साइंस मैं आज आपको साइंस की बातें बताऊंगा दैट हाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट

ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इट मीन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कितनी चपाती खानी है बेटे आप दो चपाती भी खाते हैं कई बार तीन चपाती खाते हैं एक बार फास्ट रखा हो तो आप उसके अगले दिन बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। अब ये तो आपको मालूम है ना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है आपने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया या आपके मनपसंद सब्जी है या नहीं है इसी तरह से अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू फाइंड आउट बिकॉज दिस फिगर इज नॉट गिवन टू यू एंड दिस दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एनी सॉफ्टवेयर सैप टेली कोई नहीं निकाल सकता बेटे ये आर्ट है तो हाउ मच रिक्वायर्ड हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल यू शुड हैव यू नो दैट समथिंग विच वी वॉन्ट टू कैलकुलेट बिकॉज अगर आपसे यह कहता हूं कि मेरे पास हर समय पचास हजार रुपए या आई हैव दस मच अमाउंट ऑफ बैलेंस विच विल बी ब्लॉक इन वर्किंग कैपिटल क्योंकि वो हमेशा मुझे रखना पड़ेगा अब यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ जो आप सुन नहीं रहे कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे ध्यान से नहीं सुन रहे मैंने कहा आई शुड ऑलवेज बेटे आप कभी क्रोमा में गए हो, कभी रिलायंस डिजिटल में गए हो, तो आप कभी एम आई स्टोर में गए हो बेटे उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा रहना चाहिए लेटर भी मारो सुजुकी, सुजू दे शुड ऑलवेज हैव सम मटेरियल होना चाहिए बेटे पहले से ही बिकॉज जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी अगर रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो इट विल अ स्टॉक आउट पोजिशन एंड देर विल बी दे द वर्कर्स वेजेस तो आ गए वर्कर्स तो गए उनको वेजेस देनी पड़ेंगी मिस्टेक आपकी है कि आपने रॉ मटेरियल पहले से क्यों नहीं खरीद के रखा बिकॉज इट विल टेक सम लीड टाइम आपने ऑर्डर किया आपके घर तक फैक्ट्री गेट तक आने में समय लगता बेटा तो आपको ये जुगाड़ ये इंतजाम ये सिस्टम ये परचेजिंग पहले से ही करके रख लेनी है अब जब आप पहले से रॉ मेटेरियल परचेज करके रखेंगे तो यू नो यू विल हैव यू हैव टू इन्वेस्ट योर वर्क योर योर फंड्स इन दैट इट मीन्स इफ आई कीप मोर बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री यू नो हाउ मच बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री वो हम करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे आई एम टिंग ब्रॉडली दैट हाउ मच शुड वी द वर्किंग कैपिटल बैलेंस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे जो फंडस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फंडस हैं एन टी टी के फंड्स हैं दैट विलॉज दैट विल बी इन्वेस्टेड इन रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री बिकॉज दे शुड ऑलवेज हैव समलेंस ऑफ रॉ मेटीरियलो कुछ ना कुछ तो बैलेंस होना ही चाहिए आपने कभी अपना रेफ्रिजरेटर घर में खोल के देखा है हर समय आपको कुछ ना कुछ उसमें सामान मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा भैया खाने के लिए कभी भी खाली नहीं होगा कुछ दूध होगा कुछ फ्रूट्स होंगे वेजिटेबल्स होंगे ड्राई फ्रूट्स होंगे चॉकलेट्स होंगी एग्स होगी ब्रेड होगी एटलीस्ट समथिंग विल बी देयर Similarly, for an organization, for a manufacturing company, for an entity, there has to be some stock of raw material in the stores. मेरी बात आप समझ रहे हैं तो मेरे को अब ये देखना है कि मेरे जो पैसे हैं मेरी एंटिटी के जो पैसे हैं कितने पैसे ब्लॉक हो रहे हैं बिकॉज आई हैव टू होल्ड दैट किस में रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री में एंड हाउ मच फंड्स आर ब्लॉक्ड इन वर्किंग प्रोग्रेस बेटा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में इट विल टेक सम टाइम तो मारुति सुजुकी को दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गई देखिए इन्वेंटरी एक तो हो गया बेटा रॉ मटेरियल कच्चा सामान और एक जो फैक्ट्री में गाड़ियां बन रही हैं अभी पूरी नहीं बनी लेकिन कुछ गाड़ियां तो बन रही हैं, वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं किसी में पेंट का वर्क हो गया किसी में इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया किसी में कुछ हो गया बट स्टिल दे आर नॉट हंड्रेड परसेंट अ पॉइंट सो सो द पॉइंट इज बेटे जो फैक्ट्री में काम चल रहा है आवाजें आ रही हैं, धाएं धाएं मशीनें चल रही हैं द पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज हैज इन्वेस्टेड सम दैट आल्सो अब एक बार प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है मारुति सुजुकी की कार्स बिल्कुल रेडी हो गई बेटा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया इट मीन मारुति सुजुकी विल हाँ तो इन्वेस्ट, विल हैव हाँ तो हैव टू टू इन्वेस्ट होल्ड द इन थ्री पार्ट दैट इज फर्स्ट इज रॉ मेटीरियल सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट इन रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बेटे एकदम तो बिकने वाली नहीं है कारें बन गई तो ऐसा थोड़ी है कि खाली मारुति इज द ओनली ऑटोमोबाइल डीलर देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स कोई अफीम नहीं है स्मैक नहीं है जो एक सेकंड में बिक जाएगी बेटे लाइन लगती है बेटे स्मैक को खरीदने के लिए बट इट इज नॉट अ स्मैक इट विल टेक सम टाइम पीरियड इनको दे हैव टू एडवर्टाइज दे हैव टू कम ब्रांड एम्बेसडर्स दे हैव टू वेट सो द्वाइंट इज इफ आई एम ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ maruti suzuki I have to invest funds in inventory, in raw material inventory, in work in progress inventory, and in finished goods inventory. It is just like you are ACCA, you want to become ACCA. If for ACCA, there are some raw materials, class 12 students who have not who have not registered. 0% processing a better, raw material means 0% processing. आपने रजिस्टर कर लिया F1 दे दिया क्लियर हो गया F2 में आ गए स्किल में आ गए बट यू आर स्टिल इन दैट प्रोसेस सो फॉर एसीसीए यू आर वर्क इन प्रोग्रेस एंड देर आर सो मेनी पर्सन क्वालिफाइड दे आर नाउ मेंबर्स ऑफ एसीसीए नाउ दे आर रेडी फॉर द जॉब अभी जॉब मिली नहीं है बेटा आप बात समझ लीजिएगा आपका ए सी बनना और जॉब मिलने में भी टाइम पीरियड आ सकता है बिकॉज देयर कैन बी कैंपस इंटरव्यूज जो यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको शो करना पड़ेगा इट विल टेक सम टाइम सो द पॉइंट इज फॉर अ फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द फंडस विल भी इन्वेस्टेड इन दीज इन्वेंट्रीज बिकॉज आई हैव टू होल्ड दैट इन्वेंट्रीज मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा जैसे होल्ड करते ना बट इस पेन को होल्ड कर दिया मैंने रख लिया अपने पास मुझे बस चाहिए हमेशा ऑलवेज सो so, फॉर दैट बिकॉज मैंने यही बेटे ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा हाउ मच फंड ब्लॉकड ब्लॉकड का मतलब है बिकॉज मेरे को वो इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी अब वो इन्वेंट्री मुझे खरीद के पहले से रखनी पड़ेगी उसमें मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे वो पैसे उसको मैं कहूँगा वर्किंग कैपिटल नाउ वो फंड्स जो ब्लॉक हो जाएंगे आई वुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स आई वुड हैव अर्न सम मनी अगर आप ऐसी नहीं कर रहे होते तो आप कहीं जॉब करते और जॉब करते तो कुछ पैसे मिलते बट यू आर नॉट

हद से गुजर जाना है बेटा तो लिक्विडिटी कितना होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए आई हैव प्रोवाइड अ ग्राफ इन द लास्ट लेक्चर एक का एक्सेस अपवर्ड होता है दूसरा डाउनवर्ड आता है आई हैव टू फाइंड ऑप्टिमम बैलेंस दैट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेटा लिक्विडिटी का दूसरा नाम बहन है सिनोनिम इज कैश फ्लो लिखेंगे बेटा लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा नाम प्रॉफिट्स भी है या प्रॉफिटेबिलिटी है एक ही बात है तो आई थिंक आपने सभी ने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आज का लेक्चर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए मैं हंड्रेड परसेंट होकर बता रहा हूं आ, आज मैंने आपको विजय माल्या किंग फिशर एयरलाइन की बातें बतानी है मैंने आज आपको एम एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बतानी है मैं आज आपको लॉजिक बताऊंगा तो लेक्चर इज इंपॉर्टेंट सो दैट इन लेक्चर नंबर फोर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकल कर पाए बेटे तभी तो हो पाएगा चलिए जल्दी से नहीं लिखा तो एक बार और लिख लीजिए तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आप सबको बता दिया Now the point is, मुझे अब चेक करना है कि मेरे में लिक्विडिटी कितनी है और मतलब प्रॉफिट खरीदते हो तो ऑरेंजेस लेते हो और पैसे देते हो यूर यू परचेज यूएसडी यूएसडी यू आर बाइंग एंड यू आर गिविंग आई एन आर इट मीन इट इज अ ट्रेड बिटवीन डॉलर एंड आई एन आर similarly you have to see a trade between profitability and liquidity. If you want to increase profitability, you have to sacrifice with the liquidity. And if you want to have liquidity, you have to sacrifice with profitability. बेटर दोनों चीजें नहीं मिलती, इसलिए आपको उनका आपस में optimum balance निकालना है. अब इसको निकालने के लिए नो डाउट देर आर सम समोज बट वो साइंस है वी कैन यूज दो मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट आर्ट भी है साइंस भी है मैं अब साइंस में आ रहा हूं तो बेटे बचपन से ना इलेवेंथ क्लास से आप एक रेशो पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है करंट रेशो जैसे एक ह्यूमन बींग है उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप बताइए हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या किया जाता है उस पेशेंट का सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में क्या करते हैं उसकी अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो बेटा सबसे पहले उसका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि उसका जो ब्लड का प्रेशर है जो हार्ट का दो हार्ट से जो खून का दौरा आ रहा है सब ठीक ठाक है क्या वो शूटअप तो नहीं कर रहा? बिकॉज उस ब्लड प्रेशर से मुझे बीमारी तो नहीं पता चलेगी बट आई कैन गेट सम इंडिकेशन सेकेंड पॉइंट इज हम उसका शुगर लेवल चेक करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शुगर कितनी है डायबिटिक लेवल कितना है कई बार शुगर लेवल बढ़ जाता है उससे भी प्रॉब्लम आती है तो पहले दो टेस्ट करते हैं बेटे उसके बाद वी कैन गेट ए आइडिया फिर हम धीरे धीरे आगे जाते रहते हैं टेस्ट करते रहते करते रहते हैं एक वे मिल जाता है कि हमें अब इस रास्ते में जाना है सिमिलरली

ट वेदर दिस कंपनी इज लिक्विड और नॉट तो मैं क्या करूंगा उस कंपनी के जेब में जाऊंगा अपना हाथ डालूंगा और उसकी पॉकेट में देखूंगा कितने पैसे पड़े हैं और उसकी दूसरी पॉकेट में भी हाथ डालूंगा और देखूंगा कितने पैसे कितनी पर्ची हैं जो उसको पेमेंट करनी है

रेनफॉल का रिलेशनशिप सेल ऑफ अंब्रेला से कैलकुलेट करना तो मैं कहूंगा रेनफॉल इज टू अंब्रेला दिस इज अ रेशो अच्छा किसी भी रेशो में क्या होता है बेटे एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है ये वैसे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा बताया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी बताया बट स्टिल बिकॉज यहां पर थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है रेशियोज का तो मैं हल्की सी आइडिया दे दूं वेन एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एनी डैम रेशो इट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स उन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल जो है ना डिपेंडेंट होता है वो एक वेरिएबल क्या होता है बेटे इंडिपेंडेंट होता है हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं शायद आपने आज तक P5 कर लिया F2 कर लिया बेटे लॉजिक्स पता ही नहीं थे आपको बस जुगाड़ करते गए तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं जो भी फिगर आती है उसको हम मैथमेटिक्स में अगर आप डिवाइड करें तो दैट इज नेम्ड एज कोफिशियंट उस कोफिशेंट से हम रिलेट करते हैं कि कोफिशंट कैसा है क्या होना चाहिए ठीक है जी? प्यार तो होना ही था तो आप पहले लिख लें फिर हम आगे चलेंगे मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आई कैन कैलकुलेट द लिक्विडिटी विद हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड द फॉर दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट डायबिलिटीज न्यूमरेटर में हम करंट एसेट्स ले रहे हैं करंट डायबिलिटीज डिनोमिनेटर में ले रहे हैं ऐसा देखा गया है कि एक ह्यूमन बींग का ब्लड प्रेशर इससे 80 से 110-15-20 तक होना चाहिए आप चाहे अमेरिका में चेक कराएं चाहे श्रीलंका में नेपाल में इंडिया में पाकिस्तान में मॉरिशियस में बहरीन में दुबई में कहीं पे भी यू नो ह्यूमन बीइंग इज ब्लड प्रेशर इज बिटवीन दिस टू दिस सिमिलरली डिसमिलरली ऑर्गेनाइजेशन इफ हैज अ करंट रेशो ऑफ टूज टू वन वी से दैट दिस कंपनी इज अ लिक्विड कंपनी बिकॉज करंट एसिड्स आर डबल देन करंट डायबिटीज ठीक है जी एक तो यह टेस्ट है दूसरा टेस्ट है लिक्विडिटी रेशो क्विक रेशो एसेट टेस्ट रेशो बेटे इन्वेंट्री जो होती है ना मैंने आपको बताया ना इन्वेंट्री इज़ ऑफ थ्री टाइप्स वन इज रॉ मटीरियल इन्वेंट्री सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री थर्ड इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो वी वांट टू फाइंड आउट क्विकली हाउ मच एसेट्स आर देयर विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इन कैश नाउ इन्वेंट्री कैन टेक सम मोर टाइम इन कन्वर्टिंग इंटू कैश तो जनरली हम क्या करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशो करंट एसेट्स में से वी एक्सक्लूड इन्वेंट्री बच्चा कहता है कौन से इन्वेंट्री मैंने कहा तीनों इन्वेंट्री रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो आप देखिए क्या लिख रहे हैं क्विक रेशो का फॉर्मूला भी हमें बताइए क्विक रेशो वन इज टू वन होना चाहिए तो बेटा इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा आपको पता ही था करंट एसेट्स अपॉन करंट डायबिलिटिस करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी तो न्यूमिनेटर क्या आ गया क्विक एसेट्स अपॉन करंट डायबलिटिस देखा गया कि वन इज टू वन होना चाहिए मैंने एग्जांपल दिया ब्लड प्रेशर का और शुगर लेवल का नाउ विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि ह्यूमन को को क्या उस problem, उस प्रॉब्लम पेशेंट क्या हो सकता है हार्ट अटैक तो नहीं हो गया ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो गया लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है किडनी में दिक्कत तो नहीं है पेन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तो वी कैन गेट अ प्राइमर फेस आइडिया सो सिमिलरली विद हेल्प ऑफ करंट रेशो एंड क्विक रेशो बेटा ये दो वानर हैं नल और नील जैसे थे ना हनुमान जी हनुमान जैसे भगवान राम जाने वाले थे लंका जी और वो पुल बनाना था सागर के ऊपर तो बेटे दो वानर थे नल और नील इनकी मदद से वो पुल बनाया गया उनको वरदान मिला था कि वो जो भी पा, पानी में फेंकेंगे वो वो डूबेगा नहीं ठीक है जी तो मैंने कहा नल का मतलब है करंट रेशो नील का मतलब है लिक्विडिटी रेशो विद द हेल्प ऑफ दीज टू रेशोस वी कैन फाइंड आउट द लिक्विडिटी अब सवाल आता है कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बताइए आपकी एज आप यंग एज हैं बिल्कुल जवान है ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं अचानक आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर भगवान ना करे मैं तो ये कहता हूं चलिए आप क्या क्या राम का एग्जाम्पल लेते हैं राम बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे नजर आता है ना अचानक उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन आ गया बेटे कोविड नाइनटीन के बाद आपने देखा ना कोविड नाइनटीन जो भी पेशेंट को हुआ इवन दे आर यंग बेटे उनकी डेथ हो गई सडन डेथ हो पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं हाउ व्हाट हैपन इट मींस जवान होना एक अलग बात है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होना एक अलग बात है गेटिंग अ पॉइंट यू कैन बी अ रिच यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी आप बड़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं यू कैन बी अ वेरी गुड यू नो जो मार्केट प्राइस पर्शर इज वेरी शूटिंग लाइक एनीथिंग बट द पॉइंट इज वेदर यू हैव लिक्विड फंड क्या आपके अंदर इम्यूनिटी है क्या आप रेगुलरली योगा करते हैं क्या आप रेगुलरली भ्रामी प्राणायाम करते हैं क्या आप रेगुलरली नेचुरल फूड खाते हैं क्या आप फ्रूट्स लेते हैं कि आप वेजिटेबल्स लेते हैं बेटे दैट इज इम्यूनिटी आई विल से दैट इज लिक्विडिटी आप यंग हैं पर अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो बेटे पूरी दुनिया में आपने देखा बड़े सारे यंग लोगों की कोविड नाइनटीन के बाद डेथ हो गई तो मैं कहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड यंग होना इज गुड बट अलॉन्ग विथ प्रॉफिटेबिलिटी यू शुड हैव इम्यूनिटी यू शुड हैव लिक्विडिटी नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज बेटे रातों रात बिक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर लिक्विडिटी जो मैं अभी बताने वाला हूं वो है बेटे किंगफिशर एयरलाइंस ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया they had, they सब कुछ बढ़िया था अच्छा काम चल रहा था बड़ी अच्छे सब खुश थे बट द पॉइंट इज उनकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ गई ड्यू टू दैट लिक्विडिटी दे आर नॉट एबल टू पे दैलरी यू नो टू देर इंप्लॉयज और, you know, और देखिए क्या हुआ आइए एक बार देखते हैं पहले उसके बाद हम जाएंगे वट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी ठीक है जी बटे किंग फिशर एयरलाइन है ये वीडियो बहुत पुराना है जो न्यूज में आया इसमें ये बताया गया है कि उनको सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे नो डाउट दे हैव गुड एसेट बेस बट दे डोंट हैव द लिक्विडिटी सो जस्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी किंग फिशर एम्प्लॉय आउट ऑन द दीट्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च्ड अगेंस्ट द मैनेजमेंट फॉर नॉट बी सैलरीज लास्ट 6 मंथ्स they do not have any confidence left in the authorities and which is why they do not want to hold any more meetings because meetings are not fruitful the lenders decision to release 60 crore rupees is a small relief but kingfisher says it's simply not enough the wage bill at king wage bill at kingfisher is 20 crore per month

कोविड नाइनटीन यंग पेशेंट्स जिनकी सडन डेथ हो गई डाइट बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी तो आप क्या करें इम्यूनिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग को रिलेट करें लिक्विडिटी ऑफ अ प्रोफिटेबल कंपनी ठीक है जी इंसॉल्वमेंट हो जाती है बैंक करप्ट हो जाती है आपको मैंने अभी अभी किंग फिशर एयरलाइन का एग्जाम्पल रिलेट करके बताया कि दैट वाई दैट लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट अच्छा लिक्विडिटी को निकालने के लिए आई है रेशोस करेंट एसेट करेंट रेशो तो करंट एसेट्स क्या होंगे कैश एंड कैश कैन बी कैश विद इन इक्वल शॉर्ट स्पैन जनरली हम बारह महीने बोलते हैं ठीक है जी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होना चाहिए एक्चुअली में तो आप आइए सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं मैं इस समय आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं वो बात अलग है कि आज आप थोड़ा सा सीरियस बैठे हुए हैं दैट इज वेरी गुड पॉइंट बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज वेरी टेस्टेबल एरिया टेस्टेबल टॉपिक इन द एग्जामिशन स्पेसिफिली फॉर ए सी सी ए बेटे इवन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट लेते हैं इन प्रोफेशनल लेवल दिस टॉपिक इज बिगाज तो आप ईमानदारी से मेरी बात को सुनेंगे मैंने कहा ऑपरेटिंग साइकिल आप खाली साइकिल की बात बताइए साइकिल क्या होता है बेटा पहिया होता है ना घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और आजकल आफ्टर कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के बाद लोगों ने साइकिल्स बड़ी परचेज कर लिया साइकिल में चलते रहते हैं तो साइकिल में क्या आप घूम रहा है ना आप अभी इस पॉइंट पे थे फिर घूम के फिर उस पॉइंट पे आ गए जैसे रिंग रोड होती है बेटे घूम रहे हैं घूम रहे हैं ना इट इज जस्ट लाइक अ रिंग रोड बट वी विल बी टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट व्हाट आई मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल तो मैंने इसके बारे में वैसे आपको बताया भी है लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं ये कहता हूं कि आपके पास सबसे पहले कैश था You are an entity. With that, you have purchased some raw material inventory. You have purchased that raw material inventory. And then you have started with the production work for that raw material inventory. So, you have to hold for some time work in progress inventory because it cannot be converted in a short span.

अच्छा अब कितनी होनी चाहिए वो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखेंगे गुड्स एंड आफ्टर दैट यू नो चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते कौन मिला आफ्टर दैट वर्क इन प्रोग्रेस इट विल बी कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स बेटे हंड्रेड की प्रोडक्शन हो गई हंड्रेड कंप्लीट कच्चा सामान जीरो परसेंट कंप्लीट और बेटा ये बीच में कहीं घूम रहे हैं बीच के आप समझते हैं बीच के है ना मेल और फीमेल के बीच के है ना तो जीरो परसेंट और हंड्रेड परसेंट के बीच के नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन को भी हम वर्क इन प्रोग्रेस कहने वाले हैं और 0.1 को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलने वाले जीरो कच्चा सामान दैट इज रॉ मटेरियल फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड इन बिटवीन दैट इट इज नेम्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस सो माय पॉइंट इज आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से सोचिए कि कैश रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स फिनिश गुड से चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते कौन मिला चलते चलते डेटर्स मिले अकाउंट रिसीवेबल्स मिले बेटे आई हैव टू गिव द क्रेडिट बिकॉज अभी हम कितना क्रेडिट दें दैट विल बी डिस्कसिंग इन रिसीवेबल्स डेटर्स मैनेजमेंट क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट चैप्टर है अलग से तो चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन चैप्टर टेन बेटे चारों चैप्टर्स इंटरलिंक्ट है तभी मैं इन चारों चैप्टर की लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं मेरी बात समझ रहे हैं बिकॉज इट समाइम्स आपका मन नहीं कहेगा तो क्रेडिट sure, दिया चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते कौन मिला चलते चलते फिर कैश मिला बट इस पूरे प्रोसेस में जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो कई बार यू विल गेट क्रेडिट आल्सो क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स तो बेटे इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे डेज में कैलकुलेट कर लेंगे फॉर अ फाइनेंस मैनेजर एवरीथिंग इज डेज और मनी वी विल कैलकुलेट इन टर्म्स यू नो इन मॉनिटरी टर्म्स और इन 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 डेज कैलकुलेशन और इन वीक्स और इन ईयर्स कुछ भी सो दैट वी कैन डिफाइन दैट दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल दिस इज अ पीरियड इन विच आई कैन कन्वर्ट यू नो कैश अगेन टू कैश तो इसका नाम कई जगह ऐसा भी है कैश कन्वर्जन साइकिल नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल या जस्ट कैश साइकिल कुछ भी कह सकते हैं आप उसमें टेंशन मत रहे लॉजिक आपको पता होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं इसको, इसको क्या करूंगा कि भाई ये मेरे पास इतनी इन्वेंट्री चाहिए इतनी इन्वेंट्री है यू नो आई हैव दिस मच इन्वेंट्री ठीक है ये इन्वेंट्री का बैलेंस होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा इस इन्वेंट्री के बैलेंस को डेज में कन्वर्ट करूंगा फिर वर्किंग प्रोग्रेस के इन्वेंट्री को डेज में कन्वर्ट करूंगा वो मेरा काम है आई लॉजिक कोई टेंशन मत लीजिए तो मैं क्या करूंगा आई विल बी कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन डेज क्या डेज मतलब आई विल बी कैलकुलेटिंग कि वो जो रॉ मटेरियल है वो कितने डेज का है मटेरियल आई विल बी कैलकुलेटिंग रॉ मैं क्या करूंगा रॉ मटेरियल इन्वेंटरी को कन्वर्ट करूंगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड मतलब वो कितने पीरियड की इन्वेंट्री है इन डेज में वीक्स में या किसी में भी टाइम इंटरवल में देन आई विल कन्वर्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री जो मैंने अभी ऊपर बताया उसको भी डेज में वीक्स में पीरियड में कैलकुलेट कर लेंगे कैसे करेंगे चर्चा का मुद्दा है नो नीड टू वरी हम देखेंगे भूपेश आनंद समझाएगा इसी तरह से फिनिश गुड्स को फिर को, पेबल्स को, और लास्ट में हम एक लगा देंगे, बेटे उस का नाम है, साइकिल उसमें का होल्डिंग देख लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का देख लेंगे फिनिश गुड्स का देख लेंगे अकाउंट का देख लेंगे और इसमें से जितना हमें मिला अकाउंट्स पेबल से वो देख लेंगे इस ड्रामे का नाम है जी क्या नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मुश्किल कुछ भी नहीं है मुश्किल आपके मन का वह मैं अभी आपको मैं एक गाना भी दिखाऊंगा गूगल में लेकर चलूंगा बट अगर आपके पास जूस बातों को बताने की कोशिश की है एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस यू नो नहीं भी है तो यहां पे नजर मार लीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर सेवन देखिए is working capital management Chapter eight is again working capital management, but we will be trying to find out how much is a balance we should have for inventory for raw material. that is inventory control management. Again, in chapter number nine if you sincerely see working capital management, receivables and payables that how much amount of credit we should give to debtors, to my customers, to my receivables because I have to do sometime credit sales.

दूसरों के साथ दया करो अपने लिए कठोर बनो तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी मैं आ गया जो भूपेश आनंद कंसेप्ट में ये हमने लास्ट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर मैं अभी आई थिंक आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस 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 एज वेल एज दिस बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं इसको फाइव स्टार्स लगा रहा हूं इसी में हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज लॉजिक भी देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज लास्ट पार्ट इवन आई विल से वर्किंग कैपिटल रेशियोस और ऑपरेटिंग साइकिल एक ही है देखेंगे कोई बात तो बेटे ये मैंने सब बता दिया आपको मैं सीधा ऑपरेटिंग साइकिल में आना चाह रहा था लेकिन स्टिल चलिए कोई बात नहीं मैं एक बार थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं ऑपरेट वर्किंग कैपिटल कैपिटल अवेलेबल और कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशन मैं वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं डे टू डे ऑपरेशन नीड फॉर वर्किंग कैपिटल टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में मैं अगेन की को हाईलाइट कर रहा हूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू तो मैं खाली की को हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि आई एम अंडरलाइन कीवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंने ये भी बताया था लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था बेटे लेक्चर नंबर वन में या टू में उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था और एक ऑप्टिमम बैलेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी को हम कैश फ्लो भी कह सकते हैं मैंने आपको किंग फिशर एयरल एग्जाम्पल दिया फॉर एक्सप्लेनिंग दिस एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट यू नो सो आई है आप ये पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा दीज आर जूस नोट्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटर्न माई क्लास नोट लिक्विडिटी कंटेक्स ऑफ वर्किंग मीन्स इनफ कैश और रेडी एक्सेस टू कैश टू मीट एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन वेयर दिस दिस ठीक है सर तो ये आपको पता ही है मैं आगे चला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट वर्किंग कैपिटल तो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पॉलिसीज यू नो सीजनिटी ऑफ ऑपरेशंस मार्केट कंडीशंस ऑपरेटिंग साइकिल आज हम ऑपरेटिंग साइकिल पे ही हैं अभी अब डिस्कस करना है सो दीज आर द फैक्टर्स कैन अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल जैसे आपकी पर्सनैलिटी जो भी बनी देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट दैट पर्सनैलिटी सिमिलरली फॉर वर्किंग कैपिटल देर आर सो मेरी फैक्टर्स वन कैन बी एग्रेसिव मैंने एग्जाम्पल दिया था मुकेश अंबानी का और कंजर्वेटिव में रतन टाटा का हाई रिस्क लो रिस्क हाई प्रॉफिट लो प्रॉफिट लोअर लेवल इंपॉर्टेंट है लोअर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल और इसमें बेटे हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल ठीक है जी एक बात मैंने अब आप आपको बतानी थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग कई बार आपको भूख कम होती है लेकिन आपकी मनपसंद सब्जी होती है तो आप ज्यादा खाना खा लेते हैं ठीक कह रहा हूं अब जब आप ज्यादा खा जैसे किसी की मैरिज में आप जाते हैं है ना अपने दोस्त की मैरिज में गए या रिलेशन में कहीं गए और आप पहले पहुंच गए तो बेटे पहले स्नैक्स पर टूट पड़ते हो सब खाते हो बेटे स्नैक्स में पाव भाजी मसाला डोसा चीला टिक्की जो भी कुछ मिलता है सब खा लेते हो फिर मेन मीनू में चले जाते हो वहां पे भी दाल मखनी शाही पनीर ये वो चटनी सब कुछ पराठा लच्छेदार ये सब कुछ फिर स्वीडिश खाते हो इसका मतलब आपकी स्टमक में इतना था नहीं कैपेसिटी बट आपने ज्यादा खा लिया फिर जब जैसे आप निकलने वाले होते हो ना तो उन्होंने चूरन के स्टॉक्स स्टॉल्स रखे होते हैं इनो हाजमोला है ना पुदीन हरा तो आप फिर वो खाते हो इसका मतलब आपने खाना ज्यादा खा लिया था उसको डाइजेस्ट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर दैट इसी तरह से अगर आप इसी चीज को रिलेट करो ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग में तो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि आपकी कैपेसिटी नहीं थी बट आप ज्यादा धंधा करते हो तो इसमें रिस्क फैक्टर है यू नो और आपको बहुत ज्यादा भूख थी बट यू वॉन्ट टू बिकम लाइक कैटरीना कैफ तो यू आर इन डाइटिंग आपको एटलीस्ट इतने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए बट आप नहीं ले रहे यू नो डाइटिंग में हो तो मैं कहूंगा आप अंडर ट्रेडिंग कर रहे हो आपकी कैपेसिटी ज्यादा थी बिजनेस करने की धंधा करने की बट यू आर डूइंग अंडर ट्रेडिंग तो दे आर दू कंसेंग्रेडिंग बेटे मैं क्या करता हूँ इन सभी चीजों को सारे कंसेप्ट को आपने नोट किया होगा रियल लाइफ से अटैच कर देता हूँ और जैसे मैं रियल लाइफ से अटैच करता हूं ना आपको बात समझ आनी शुरू हो जाती है तो आप पढ़ते हैं अंडर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग ठीक है जी तो आप इसको देख लेंगे मैं आगे आ गया, गया जी मेरे को आज अभी बताना था ऑपरेटिंग साइकिल सच्ची सी बात तो यह है। वो तो चार्ज की बात सारे कंसेप्ट आगे मुझे बताने पड़े मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था इट इज डिफाइंड एज अ टाइम ड्यूरेशन विच द फर्म रिक्वायर्स आप लिख चुके हैं क्लास नोट्स में अगर आपके पास जूस नोट नहीं भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है आप बस मेरी बात सुनिए एंड सेल दिस 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 द ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द एक्शन ऑफ दिस दिस और बेटे मैंने नीचे पांच स्टेजेस लिखी है उसमें आर डब्ल्यू एफ डी सी अब आप देखिए मैंने नीचे एक बड़ा सा प्यारा सा ये एक फार्मूला भी लिखा है फॉर्मूला एक बच्चा का था याद करना है मैंने कहा बेटा इतनी मेहनत करके मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कभी डोमिनोज की बात करता हूं कभी मुकेश अमानी की बात करता हूं कभी मारुति सुजुकी की बात करता हूं कभी अपनी बात करता हूं इसके बाद भी अगर आप फॉर्मूला रटने की बात करते हो तो मेरे लिए शर्म की बात है बेटे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यू आई बी वर्किन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस अकाउंट माइनस अकाउंट्स पेबल तो आप देखिए नीचे चित्र बड़ा प्यारा था बनाया मैंने कैश परचेजेस रॉ मटेरियल मैन्यक्चरिंग फिनिश गुड्स सेल्स रिसीवेबल्स आराम से बेटे पूरी फोटो आप देखिए आपको पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सभी एक्टिविटीज समझ आ जाएंगी ऐसे ही होता है ऐसे 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 ठीक है जी तो ये आप आराम से बना लीजिए वैसे आप बना चुके मैंने बनाया भी था अभी ठीक है जी एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटे अभी हम लिखेंगे रॉ मटीरियल होल्डिंग पीरियड अगर आप उस इन्वेंटरी को यू नो कैलकुलेट कर दें डेज में कैसे करेंगे अभी एक सेकेंड में देख रहे हैं लेस पेबल पेमेंट पीरियड प्लस डब्ल्यू आई पी वर्क इन होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड अच्छा यहां पर यह प्लस ही आना चाहिए गलती से आ गया प्लस रिसिवेबल्स होल्डिंग पीरियड कलेक्शन पीरियड दिस इज Named as cash operating cycle or the time required from converting cash again to cash. पॉइंट अच्छा अगर वो ट्रेडिंग फॉर्म है तो मैनुफेक्चरिंग नहीं करना भैया हमने सामान लाना है है हमने सामान लिया बेच दिया लिया बेच दिया हमें प्रोड्यूस नहीं करना ठीक है ना कॉलगेट पॉम्पले भी नहीं है हम हिंदुस्तान लेवर नहीं है कि हम साबुन बना रहे हैं पहले लक्स का फिर कैटरीना को कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर बन और क्या है कि मैं इससे नहाती हूं नहीं नथिंग डूइंग हमने सामान खरीदा हिंदुस्तान लेवर से बेच दिया तो बेटे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी तो होगी भी नहीं रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री भी नहीं होगी हमने फिनिश गुड्स खरीदे फिनिश गुड्स बेच दिए उसमें जो टाइम लगा दैट विल बी देयर तो देखिये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड यू नो लेस पेबल पेमेंट पीरियड वो तो होगा ही ये इन्वेंट्री जनरली हम फिनिश गुड्स ही परचेज करते हैं बट इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इन्वेंट्री वी आर नॉट गोइंग फॉर टू प्रोड्यूस इट तो लेस दिस प्लस क्रेडिट भी जितना दिया दिस इज अब एक बच्चा कहता है सर ये बताओ ऑपरेटिंग साइकिल अगर किसी कंपनी की टू मंथस है तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने मैं आपसे ये कह रहा हूं इफ इफ साइकिल इज टू मंथ्स और सिक्सटी डेज और और एट वीक्स नाउ यू कैन कैलकुलेट यू नो इन डेज इन वीक्स इन मंथ्स किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो इट इज इन बट अगर आपने रॉ मटेरियल स्टेज डेज में कैलकुलेट किया है तो यू हैव टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश बाकी सारे पीरियड्स भी होल्डिंग पीरियड्स भी यू हैव टू कैलकुलेट इन डेज मतलब गधे गधे एक साथ होने चाहिए देन ओनली यू कैन ऐड गधे विद गधे एंड यू कैन सबक्रैक्ट गधे विद गधे ऐसा ना हो कि एक चीज आपने मंथ्स में निकाल दी दूसरी वीक्स में निकाल दी तो गधे और घोड़े हो गए आई कैनोट डिडक्ट आई कैनोट सेट ऑफ यू नो गधे विद घोड़े यू आर गेटिंग अ पॉइंट वट आई वॉन्ट टू से

यहां से जर्नी किया चलते गए चलते गए चलते चलते कौन मिला चलते चलते सब मिले चलते चलते सब मिले और यहां दोबारा पहुंच गए सिक्सटी डेज में अब एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑपरेटिंग साइकिल सिक्स डेज है ऐसे कर रहे हैं सिक्सटी नहीं सिक्स सिक्स इसका मतलब वो सर्कल छः दिन में कंप्लीट कर लेती है बेटे आप जब स्कूल में थे ना तो आप एक रेस खेलते थे रिले रेस उसमें एक डंडा होता था डंडा लेके भागते थे वहां पे खड़ा होता था वो वो आप उसको डंडा देते थे वो पकड़ के रिले फिर आगे भागता था भाग मिल का भाग में देखिए आपने फिर वो आगे फिर हुआ इट मींस जो जल्दी से वो सर्कल पूरा कर लेगा वही जीतता था इट मींस लोअर 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 shorter shorter द ऑपरेटिंग साइकिल बेटर इट इज लॉजिक है बेटर हटना नहीं है बेटर इट इज जितनी ऑपरेटिंग साइकिल कम होगी उतना अच्छा बेटा तो आप आराम से उसको देख लें दो महीने हम कंपेयर करेंगे अभी देखेंगे रेशोस को भी देख लेते हैं मैंने अभी अच्छा चलिए वर्किंग कैपिटल रेशो करेंट एसिड मैं बता चुका हूं अब जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है वो ये है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग रेशो इसका मतलब क्या है इन सबका मीनिंग क्या है बेटा ये बताना है मुझे आइए मैं भूपेश आनंद इन सबको बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको लिख लेंगे ना बिकॉज मैंने इसके कैश क्लास स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए तो बेटे जब हम लिखते हैं ना तो कुछ बातें तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है अब पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आएगी बट लिखने से और फिर सुनने से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको लिखेंगे बेटे बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है वो क्लास लाइट आइए हम उसी में आ रहे हैं और थोड़ा सा लिखते हैं बेटे आइए आइए बेटे आइए आइए अच्छा उसको लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब क्योंकि अभी हमें फॉर्मूलेस करने हैं बेटे पांच स्टेजेस हैं पांच रेशो से हैं पांच पांडव थे कुंती माता के पुत्र तो आई हैव टू टेल यू द लॉजिक्स तो उस लॉजिक को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यू हैव टू प्रिपेयर अस्ट शीट बेटे एम में बनाई थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बनाई थी एफ फाइव में बनाई थी आपने नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज कॉस्ट शीट आपको सब पता है बट आप एक बार बना लेंगे तो मैं इसी से आपके सारे फॉर्मूले रिलेट कर दूंगा चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन आप सब बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल हेडिंग क्या लिखी है पीरियड हेडिंग लिखी है आपने कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग हमेशा फॉर द पीरियड बनती है या मंथ बनती है जो भी पीरियड है फॉर द पीरियड बनती है बेटे आप ये बताइए जब आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने घर में आपको चाय पीनी है तो आपका अभी मिल्क नया भी आ गया फ्रेश मिल्क भी आया और कल जो रात को बचा था वो भी पड़ा हुआ है आप घर में कभी देखें हमारी मदर हमारे पेरेंट्स पहले कौन से मिल्क को कंज्यूम करते हैं जो पहले कल रात को पड़ा था उसी को रहने देते हैं पहले फ्रेश मिल्क ले लेते हैं नहीं बेटा वी ऑलवेज कंज्यूम जो हमने पहले खरीदा था क्योंकि वो खराब हो जाएगा ना फिर इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आपने जो पहले परचेज किया है हम उसको पहले से पहले कंज्यूम करेंगे दिस इज द लॉजिक और आप जैसे एज्यूम करते हैं आप मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लिया था मैंने आपके सामने और मैंने आपको यह कहा था कि मारुति सुजुकी का एक अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर और दिसंबर रात को 12 बजे कुछ अभी गाड़ियां बननी बाकी हैं कुछ अधूरी हैं मतलब 60-70 परसेंट कंप्लीट हो गई थी आप बताइए फर्स्ट जनवरी जो नया अकाउंटिंग पीरियड होगा फर्स्टली दे विल स्टार्ट विद न्यू कार्स और पहले वो सेवेंटी परसेंट जो कार थर्टी फर्स्ट डिसंबर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में जो कंप्लीट अभी इनकंप्लीट थी फर्स्टली दे विल कंप्लीट दो बड़ी सिंपल सी बात है तो बेटे वी आर ऑलवेज अस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो इसी तरह से फिनिश गुड्स में भी हम फिफो लेते हैं इवन इफ नथिंग इज गिवन मैं हमेशा मानूंगा कि मैं फिफो अजम्शन ले रहा हूं एक बच्चा कहता था ये कहना क्या चाह रहे हो बेटे अभी कॉस्टशीट में आप देखना आपको दो दो बैलेंसेस दिए होंगे एक होगा ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एक होगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एक होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी एक होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी एक होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एक होगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी तो मुझे अज्यूम तो करना पड़ेगा बताना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि ये जो ओपनिंग है ये पिछले साल का बैलेंस है या इस साल का है तो मैं अज्यूम करूंगा कि जो लास्ट ईयर रह गया था क्लोजिंग स्टॉक इस बार का ओपनिंग बन गया है तो पहले मैं उसको कंज्यूम करूंगा पहले मैं उसी को प्रोड्यूस करूंगा पहले मैं उसी को बेचूंगा कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश बेचने का मतलब फिनिश गुड्स इट मीन्स आई विल बी फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटे अब ये कॉस्टशीट आपके कैपलॉन में नहीं बताई बट यकीन मानिए भूपेश आनंद सीए सीएस सीएमए अमेरिका लंदन सब है मैं आज भी बड़े बड़े पेपर्स दे रहा हूं और आपको मैं यकीन से बता सकता हूं व्हेन आई प्रिपेयर अस्ट शीट और उसके बाद मैं वर्किंग कैपिटल जब करता हूं ना तो मुझे ज्यादा लॉजिकली काम जल्दी भी होता है और समझ भी आता है तो आप सब मेरे सामने कसम खाएंगे हाथ ऊपर करें मैं जैसे बोल रहा हूं जैसे मेरा नाम है भूपेश आनंद तो मैं बोलूंगा मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं कि मैं कॉस्ट शीट जरूर प्रिपेयर करूंगा बिफोर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल्स तो हम सब खाएंगे जैसे आपका नाम है रामलाल तो बोलिए जी मैं रामलाल ये कसम खाता हूं दैट आई विल फर्स्टली प्रिपेयर शीट बिफोर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल ठीक है जी नीचे कर लीजिए आपने कसम खा ली हैस्टशीट बनाइए ये बेटे मैंने जो ओपनिंग एड किया और ये जो क्लोजिंग लेस किया इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है जी तो जो पिछली बार का ओपनिंग पहले उसको यूज करेंगे इस बार जो खरीदा मान लिया वाई है और क्लोजिंग स्टॉक है इस बार का जेड तो बेटे मैं क्या करूंगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इसको हम बोलेंगे रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड बड़ा सिंपल लॉजिक है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका रॉ मेटीरियल का कच्चे सामान का जिसमें अभी जीरो परसेंट प्रोसेसिंग हुआ बेटे हुआ ही नहीं आप मान के चलिए हुआ अभी तो स्टार्ट होना है तो सबसे पहली बात आप जब कॉस्टशीट बनाएंगे तो यू विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उसमें क्या करेंगे बेटे डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यू नो जो आप जो फैक्ट्री में होते हैं डायरेक्ट लेबर अब हमने एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया तो मैं नहीं आ रहा ज़्यादा डीप में प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ऐड कर दूंगा इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ आई ऐड दीज थ्री वन ड्रामा विल बी कमिंग एंड दैट ड्रामा इज नेम्ड एज प्राइम कॉस्ट सभी लिख रहे हैं आप सब लिख रहे हैं आप कसम खा चुके हैं हेडिंग लिखी कॉस्ट शीट फिर लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री फिर रॉ मेटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री लेट इट बी जेड सो कंज्यूम्ड विल बी एक्स प्लस वाई माइनस इज सो दिस इज द फॉर रॉ फॉर्मूलाल कंज्यूम्ड एंड देन आई हैव एडेड टू थिंग्स डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इफ आई एड दो प्राइम कॉस्ट अब बेटे प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन कहां होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फैक्ट्री डिपार्टमेंट में वहां पे क्या होती है मशीन्स होती है कभी आपने देखा बेटे फैक्ट्री में आवाजें आ रही होती है बेटे फैक्ट्री ओवर हेडसिंग कर हो रहे होते हैं तो एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री दैट इज इन डायरेक्ट मटीरियल दैट इज इन डायरेक्ट लेबर दैट इज इन डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द फैक्ट्री डिपार्टमेंट उसको हम कहते हैं बेटे क्या क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो अगर आप हाँ प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें तो एक ड्रामा आता है उसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा भी कह सकते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं

बेटे जो लॉजिक्स मैं बता रहा हूं इस तरह के लॉजिक्स आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलने वाले उनको पता ही नहीं ऐसा फिरंगी है कुछ लोग इंडियंस भी हैं मेरे को तो लगता नहीं कि, कि वो समझा भी पा रहे हैं बेटे ऐसी कोई कंट्री नहीं है बहरीन मॉरिशियस नेपाल पाकिस्तान इंडिया सब जगह हम सेल कर रहे हैं अपनी लेक्चर्स प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है जी तो ये आ गया नेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन अब आप सोचिए आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस एड किए प्राइम कॉस्ट आ गई फैक्ट्री ओवर एड कर दिए फैक्ट्री कॉस्ट आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई इसके बाद सामान कितना बना कैसे बना ऑफिस डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट का रोल आ जाएगा एसीसी एडमिन डिपार्टमेंट में बैठेगा वो कैलकुलेशन करेगा कितना रॉ मटेरियल है कॉस्ट पर यूनिट कितनी है एंड देयर विल बी एड एडमिन ओवरहेड्स, तो मैं एड कर रहा हूं बेटे एक नया खर्चा एड हो गया एडमिन ओवरहेड्स, किसमें एड किया नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिया तो ये जो फिगर आएगी इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस इज नेम्ड एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आराम से मतलब हमने कितने यूनिट बनाए उसको बनाने की लागत उसको बनाने का खर्चा उसको बनाने की कॉस्ट अभी हमने बेचने की बात नहीं की बट हाउ मच वी हैव प्रोड्यूस वेदर शोल्ड और नॉट दैट द मटीरियल दिस आलिया भट्ट को बुलाएंगे वो हमारे ब्रांड को प्रमोट करेंगे शाहरुख खान बैजूस क्लासेस के लिए आएगा तो बेटे उसके बाद सेलिंग ओवर करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेटा ये तो पता ही है फर्स्ट फर्स्ट इन आउट ये तो बार बार क्या बताना है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ इन गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ इनज गुड्स मतलब जो पिछली बार सामान बना रह गया था पहले उसको बेचेंगे ठीक है जी प्लस उस उस फिगर को बेच देंगे प्लस माइनस कर देंगे तो फिगर इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं आ गया जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऐड कर देंगे इट मीनस ऑल शाहरुख खान ऑल सेलिंग आर आर दैट वी विल विद कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ सोल्ड एंड दिस फिगर इज सेल्स लिखना है एक बच्चा मजे ले रहा है वो लिख ही नहीं रहा वो बेवकूफ है उसको भी दोबारा पैसे पे करने हैं उसको लग रहा है फ्री में मिल रहा है बेटे लाइव लेक्चर से प्राइवेट कर देंगे थोड़े दिनों में थोड़े दिनों क्या आई थोड़ी देर भी कर दूंगा मैं अगर आपने अभी ध्यान से नहीं किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफेंच गुड्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया सेल्स में से लेस कर देंगे प्रॉफिट आ जाएगा आराम से मैं रुक गया हूं एक बच्चा कह रहा है सर ऑपरेटिंग साइकिल करना है ये कॉस्ट करा रहे हो बेटे ऑपरेटिंग साइकिल लॉजिकली तभी समझ आएगा व्हेन यू आर अवेयर ऑफ कॉस्ट शीट ठीक है जी तो आराम से दोबारा से देख लो एक बार कॉस्ट शीट मैंने कहां से स्टार्ट किया था रॉ मटेरियल से उसके बाद प्राइम कॉस्ट में आ गया था प्राइम कॉस्ट के बाद फिर मैं प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया था ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यू में आ गया था क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यू में आ गया था एडमिन ओवर में आ गया था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया था एंड देन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ इनज गुड्स वगैरह 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 ठीक है जी अब सुंदरा जी ध्यान से आप अभी नोट्स में देख भी चुके हैं फिर भी लिख लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो आपको लॉजिकली समझ आ चुका है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अभी पीरियड कैसे निकालते आ रहे हैं उसी में तो आ रहे हैं माइनस पेबल्स पेमेंट पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कोलेक्शन पीरियड ठीक है जी मतलब एक चीज माइनस होती है बाकी प्लस करके ये जो पीरियड आ गया इसका नाम है कैश ऑपरेटिंग साइकिल और जस्ट ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल और जस्ट कैश साइकिल कुछ भी तो आराम से आप पहले लिख लें ठंड रखकर बेटे लॉजिक मैं बताने वाला हूं भूपेश आनंद का नाम ही लॉजिक है बेटा रॉ मेटेरियल होल्डिंग पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इसका मतलब मुझे रॉ मटेरियल कितने पीरियड तक होल्ड करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस कितने पीरियड तक उसकी इन्वेंट्री मुझे होल्ड करनी पड़ेगी या कितना समय लग जाएगा फ्रॉम कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स फॉर हाउ मच टाइम पीरियड आई विल रिक्वायर टू सेल माई फिनिश गुड्स यू नो ट्री हाउ मच बैलेंस आई हैव टू की लॉजिक आपको बताना है मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह जो आपने क्वास्टशीट प्रिपेयर की है ना बनाई ना क्वास्टशीट एज्यूम करते हैं आपने एनुअल बनाई बारह महीने की क्वास्टशीट बनाई ठीक है जी आपने बारह महीने की क्वास्टिट प्रिपेयर की ट्वेल्व मंथस की क्वास्टश प्रिपेयर की इट मीन इट मीन रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड मैंने यहां पे पांचों पीरियड पहले लिख रहा हूं फिर आपसे कुछ पूछूंगा वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड अकाउंट रिसिवेबल कोलेक्शन पीरियड अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड आराम से बैठे मुझे आपने ये बताना है कि ये जो पांच पीरियड्स हैं यू नो ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स हैं रॉ मटेरियल की आपने मुझे बताना है कि इसकी किसके साथ आपके हिसाब से रिलेशनशिप हो सकती है ये ये होल्डिंग पीरियड है ठीक है जी और ये रिलेशनशिप है आपने ये रिलेशनशिप ढूंढनी है कॉस्ट शीट में कहां पर है कौन सी आइटम के साथ इसका रिलेशनशिप है जैसे मैं एक तरफ लिख दू सपोजिंगली यहां लिखता हूं मैं कैटरीना कैफ यहां लिखता हूं आलिया भट्ट यहां लिखता हूं दीपिका पादुकोण यहां लिखता हूं करीना कपूर ठीक है जी ये चार हीरो ने लिख दी और मैंने यहां पे लिख दिया सैफ ठीक है यहां लिख दिया रणबीर ठीक है सर और यहां लिख दिया सनी देवल और यहां लिख दिया यहां पे लिख दिया कुछ भी मैं आ, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं इसलिए कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है रणवीर एक ऊपर वाला रणबीर है यह रणवीर है ठीक है जी आपको मैच करना है मैच द फॉलोइंग तो बताइए जी कैटरीना कैफ का तो कोई मैच मुझे दिखता नहीं ठीक है आलिया भट्ट का आलिया भट्ट का आंख का किसके साथ है रिलेशनशिप किसके साथ है रणबीर के साथ दीपिका पादुकोण बेटे ये तो हसबैंड वाइफ है रणबीर और ये करीना कपूर बेटे सैफ के साथ इसकी वैसे ही शादी हो चुकी है इसका मतलब आपको अगर मैं एक चीज दूं लेफ्ट हैंड साइड में और थोड़ा सा आप माइंड यूज करो तो आप उसकी रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हो बोलो हाँ या ना बिल्कुल कर सकते हो मैं इसी तरह से आपको अब यहां पर पांच पीरियड्स दे रहा हूं मुझे नहीं पता भी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया भी नहीं हाउ आई विल कैलकुलेट बट मैं आपसे ये कहता हूं कि मोटा मोटी प्राइमा फेजी आपको क्या लग रहा है दैट विद विच फिगर इट इज बींग रिलेटेड इट मीनस रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड मोहब्बत का इश्क के ढाई अक्षर किसके साथ हो सकते हैं और ये सारे के सारे पांचों चीजें जिसके साथ हो सकते हैं ना ये जिसके साथ भी हो सकते हैं ये यहां पे घूम रहे हैं कहां घूम रहे हैं कॉस्टील्ड में घूम रहे हैं आई आई रिपीट रॉ रहेटीरियल होल्डिंग पीरियड रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एवरेज अकाउंट कलेक्शन पीरियड अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड इसकी जिन इनकी जि, जिनके साथ भी मोहब्बत है अब इनका मतलब क्या देखेंगे बट वो सारी मोहब्बतें यहाँ घूम रही हैं है कॉस्ट शीट में तो आपको ये बताना है कि ही आपके हिसाब से रॉ मटेरियल स्टेज या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किसके साथ रिलेट करेगा करता होगा आपके हिसाब से तो बेटा बड़ा ही सिंपल है मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे पास कितना रॉ मटेरियल है वो रिलेट करेगा कि मैं कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूं बड़ी सिंपल सी लॉजिकल सी बात है आपके घर में कितने लीटर दूध पड़ा है वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और वो कितना कितना दूध पीते हैं एक दिन में टोटल उसके अकॉर्डिंगली ही आपके घर में इतना बैलेंस ऑफ मिल्क पड़ा है इट मीनस रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मोट इजी बात होना चाहिए ना वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कितना मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है या पीरियड है उसकी मोहब्बत किसके साथ होगी साहब वर्क इन प्रोग्रेस होता कहां पर है कौन से डिपार्टमेंट में होता है बेटे आप बताओ क्वेश्चन आपके सामने है आप बताइए वर्क इन प्रोग्रेस की मोहब्बत वर्क इन प्रोग्रेस कहां से आया बेटे बेटे कहाँ आया बेटे प्रोडक्शन में फैक्ट्री डिपार्टमेंट में इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो दिस इज रिलेटेड विद दिस इज रिलेटेड विद दिस इज रिलेटेड विद फैक्ट्री बोलो हाँ या ना तो बोल दो और बेटे फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्ट प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और आई विल से प्रोडक्शन कॉस्ट और आई कैन से फैक्ट्री कॉस्ट कुछ भी कह दें आप अच्छा अब ये बताइए फिनिश फिनिश गुड्स गुड्स ये जो हमने ऊपर प्लस माइनस किया इसकी रिलेशनशिप किसके साथ ही बेटे पहले मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया क्लोजिंग बैल इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया बिकॉज एज फिफो नेट रिजल्ट जो आया दैट इज टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आपको क्या लगता है फिनिश गुड्स के आंख मटक्का इसकी मोहब्बत किसके साथ है एक बच्चे थोड़ा प्रेशर डाल रहा है बेटा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है आपने क्वाशियर बनाई नहीं होगी इसलिए आपको दिक्कत आ रही है तभी मैंने कहा था क्वाशियर बनाना जरूरी है बेटा लॉजिक समझ लेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको मछली नहीं खाने को दे रहा आई एम गिविंग यू आर्ट हाउ टू कैच अ फिश कहीं पर भी, भी होंगे फिश को कैच करिए और खा लीजिए इसी तरह से एवरेज रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड बेटे क्रेडिट सेल से रिलेट करेगा एवरेज पेबल्स पेमेंट पीरियड बेटे ये से रिलेट करेगा कंज्यूम से नहीं परचेजेस से आपने कितना परचेज किया दैट इज रिलेटेड विद पेमेंट तो आराम से पहले ये पांच रेशोस लेफ्ट हैंड साइड में होल्डिंग पीरियड्स और पांच उनकी मोहब्बतें रिलेशनशिप लिख लें उसके बाद फॉर्मुला ऐसे समझ आएगा बेटे दो मिनट के अंदर आप काम खत्म होने वाला पूरी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये लिख लिया रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ होल्डिंग पीरियड एंड इवन आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज रॉ रॉमेट्रल होल्डिंग पीरियड एंड इट इज रिलेटेड विद रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आई कैन गेट इट फ्रॉम कॉस्ट शीट सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री यू नो होल्डिंग पीरियड आई एम नॉट अवेयर वट आई मीन होल्डिंग पीरियड वर्क आई मीन माई वर्किंग बट द पॉइंट इज प्राइमर आई कैन से दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड विद फैक्ट्री कॉस्ट विद प्रोडक्शन कॉस्ट सिमिलरली फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल आर रिलेटेड विद क्रेडिट सेल्स बेटे आप बताइए ना खुद ही ठीक है जी अब मैं आ रहा हूँ अब मैं आ रहा हूं कि इनका मतलब क्या है बेटे अब ये मतलब समझना है और फिर फॉर्मूला हमारा अपने आप बन जाएगा ठीक है जी मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझा रहा हूं रॉ मेटीरियल रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड आराम से अब समझना बस ये लॉजिक समझ आ गया ना तो बाकी सब के लिए आप यूज कर सकते हैं रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी कंपनी में मैं अज्यूम करता हूं मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने आप उस कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर हैं फाइनेंस मैनेजर हैं एंड यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल इन एडवांस बेटे एडवांस भी लेना पड़ेगा आप मिल्क पहले ही एडवांस में ले लेते हैं थोड़ी सुबह पीना शुरू कर देते हैं सब लेकिन सुबह ही ले लेते हैं क्योंकि सारा दिन आपको कंज्यूम करना है लेकिन सुबह दूध लिया छह बजे सुबह मॉर्निंग में और कंजम्पशन स्टार्ट हुई दस बजे ब्रेकफास्ट के समय सबने पिया तो बेटे छह बजे से लेकर दस बजे तक आपने दूध खरीद तो, तो लिया बट उसको होल्ड करना पड़ा क्योंकि एक्चुअली में टेन ओ क्लॉक जब ब्रेकफास्ट टेबल में सब लोग बैठे मेंबर्स फैमिली मेंबर्स एट दैट मोमेंट यू द टाइम पीरियड इट मीन द टाइम पीरियड इन विच यू हैव यू नो होल्ड दैट इन्वेंट्री बिफोर प्रोडक्शन बिफोर कंजम्पन उस पीरियड का नाम है रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड ठीक है जी अब आप सुनना आपने यू हैव परचेस्ड अ स्टॉक यू नो यू यू हैव परचेस्ड आपने यहां पर, पर परचेज किया तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अज्यूम करते हैं

तीन सौ पैंसठ दिन का अब एक बच्चा ना बड़ा ध्यान से देख रहा है अच्छी बात है बेटे फिफ्टी टू वीक्स का आपने कंजम्पशन किया बारह लाख मैं अब आपको दूसरी स्टेटमेंट कहता हूं ठीक है जी हमने कॉस्ट बनाई बारह महीने की बनाई बारह लाख रुपए कंजम्पशन आ गया बारह महीने का कह दें तीन दिन का कह दें 52 वीक्स का कह दें मैं अब आपसे ये कहूं कि ओन एन एवरेज देखिए मैं क्या बोल रहा हूं ओन एन एवरेज आई ऑलवेज हैव एवरेज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी ओन एन एवरेज आई ऑलवेज हैव अ रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी बैलेंस ऑफ वन लैख आराम से बैठे कोई जल्दी है ही नहीं मैं इसको नेक्स्ट शीट में दोबारा से बताता हूं पहली बात हम सबको यह समझ आ गया दैट वट आई मीन बाई रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड इट मीन द टाइम ऑफ परचेज अपन दै पीरियड इन बिटवीन दैट इज ने होल्डिंग सेकेंड पॉइंट विच आई हैलकुलेट दैट होल्डिंग पीरियड सो आई हैव रिलेटेड यू नो दिस पीरियड इज रिलेटेड विद रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड यह बात भी समझ आ गई फिर मैंने फिगर्स यूज की मैंने कहा लेट let raw material consumed let raw material consumed be 12 lakhs in a year in 12 months in 12 months because accounting period is of 12 months so let raw material consumed is 12 lakhs and then i said that if i have a average raw material inventory level अगर मैं ये आपको कहता हूं कि मेरे पास हमेशा एवरेज इन्वेंटरी लेवल एंड एवरेज इन्वेंट्री लेवल इस, इस, इस वन मेरे पास हर एक लाख का स्टॉक तो पड़ा ही रहता है या मैं ऐसे कहूं कि आप के पास वन लीटर ऑफ मिल्क रहता ही है हमेशा इन द रेफ्रिजरेटर और मैं आपको यह कह दूं कि पांच मेंबर्स हैं फैमिली के और सब आधा आधा लीटर दूध पी लेते हैं तो मैं ये कहूंगा 2.5 पॉइंट लीटर मिल्क उन्होंने कंज्यूम कर लिया एक दिन में इसी तरह से 12 लाख रुपए का स्टॉक 12 लाख रुपीज कंजन रॉ मेटेरियल कंज्यूम अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाख देन इट इज इक्वल टू हाउ मच पीरियड देन इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स तो बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 लाख का स्टॉक अगर 12 महीने के बराबर है तो एक लाख का स्टॉक कितने महीने के बराबर होगा इतने में इतना तो इतने में कितना आई थिंक यू आर गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं क्या करूंगा वन लैख अपॉन ट्वेल्व लैक्स इन टू ट्वेल्व क्यू बिकॉज मंथ में दिया था अब ये वन लाख क्या बेटा मैंने कहा जी वन लाख इज 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 एवरेज एवरेज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी एंड वट इज दिस ट्वेल्व लैक्स दिस ट्वेल्व लैक्स इज रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड एंड वट इज दिस ट्वेल्व दिस इज टाइम पीरियड बेटा फॉर्मूला बन गया अब आपको रटना भी कुछ नहीं है आप देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनिएगा अगर आपने अगर अभी एक मिनट वाली बात सुन ली तो पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको अभी समझ आ जाएंगे रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड अगर निकालना है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड निकालना है अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड निकालना है तो बेटे बड़ा ही ईजी है आप क्या करेंगे आप कोई भी पीरियड निकालना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही करते हैं रेशो तो तभी तो तो निकलती है तो मैंने एक चीज़ लिखनी है न्यूमरेटर में एक चीज़ लिखनी है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर लिख देना है टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट द टाइम भी इन मंथ तो मैंने इन टू ट्वेल्व कर दिया इन टू ट्वेल्व कर दिया इन टू ट्वेल्व कर दिया इंटू ट्वेल्व कर दिया इंटू ट्वेल्व कर दिया इंटू ट्वेल्व कर दिया एज्यूम कर रहे हैं दैट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इन मंथ्स अब बेटे ऊपर रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री है रॉ मेटेरियल होल्डिंग पीरियड है तो मैं देखूंगा हाउ मच इज एवरेज बैलेंस ऑफ रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री अगर वर्किंग प्रोग्रेस निकालना है वो लॉजिक एवरेज बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी बेटे कोई लॉजिक्स नहीं बताएगा मैं टाइप लगा रहा हूं समझाने के लिए फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड निकालना है तो एवरेज बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एवरेज अकाउंट रिज्यूबल्स कलेक्शन पीरियड निकालना है तो एवरेज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिज्यूएबल एवरेज पेएबल्स पेमेंट पीरियड निकालना है तो एवरेज बैलेंस ऑफ एवरेज पेबल आराम से न्यूमरेटर में तो वही लिखेंगे जो निकालना है नीचे क्या करेंगे बेटे उसकी मोहब्बत उसकी रिलेशनशिप जो अभी, अभी हमने देखी मोहब्बत किसके साथ है रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ इसकी मोहब्बत किसके साथ है बेटे इसकी मोहब्बत है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ या फैक्ट्री कॉस्ट के साथ बेटे फिनिश गुड्स की मोहब्बत किसके साथ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह दें गुड सोल्ड कह दें इसकी मोहब्बत किसके साथ है क्रेडिट सेल्स के साथ और इसकी मोहब्बत किसके साथ है बेटे क्रेडिट परचेज के साथ मैं फिर रिपीट करता हूँ लॉजिक वही है अभी मैं सबका लॉजिक्स बताऊंगा आई द लॉजिक ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इट मीन for how much period i have to hold that balance of raw material before consumption that is a time period between purchase and consumption it means receipt of that inventory and issue of that inventory from the stores department that gap is named as raw material inventory holding period Working in progress inventory period means factory mein chala gaya ho saman aur factory se bahar kab nikla it means how much time period it will require to कन्वर्ट फ्रॉम रॉ मेटीरियल टू फिनिश गुड्स उतने पीरियड तक मुझे वो डब्ल्यू आई पी होल्ड करके रखना पड़ेगा फैक्ट्री से निकल गया बट अभी बिका नहीं हाउ मच पीरियड फॉर विच आई हैल्ड फिनिश गुड्स टू सेल टू दस्टमर्स उस पीरियड को हम बोलते हैं फिनिश गुड्सिंग so मैंने बेच दिया तो मुझे कैश कितने पीरियड के बाद मिलेगा एवरेज कोलेक्शन पीरियड और मैंने पेमेंट कितनी की रॉ मेटीरियल की कितने दिनों के बाद ज द लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने मेहनत की अब आप पहले लिखें मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा बट पहले आप इसको लिख लें उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी तक बताया आपने लिखा होगा बेटे लिखना तो चाहिए आगे आप समझदार हैं तो यहां लिख रहे हैं बेटे ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोस लिखेंगे सभी लिखेंगे और वर्किंग कैपिटल रेशियोस बस बेटे दो तीन मिनट की बात रह गई मुझे बताया लंबी होगी क्लास क्या करें वो कंसेप्ट चल रहे थे तो जब तक हम पूरी रिलेशनशिप नहीं बताऊंगा आपको फिर लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा ना इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप लॉजिक बताने के लिए टाइम लगा ऑपरेटिंग साइकिल रेशोस अब एक बच्चे ने कमेंट किया सर बहुत बढ़िया समझ आया अच्छी बात है बेटे ऑपरेटिंग साइकिल रेशोस दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशोज भी कह सकते हैं पहली रेशो है रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड का नाम है इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ टाइम ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे ये जो मैंने लॉजिकली अभी लिखी है इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ टाइम रॉ मटेरियल आर हेल्ड बटवीन मैंने दो पी लिखे हैं टाइम ऑफ परचेस अप टू टाइम ऑफ इशू फॉर प्रोडक्शन उस पीरियड का नाम है रॉ मेटीरियल क्योंकि वो हमेशा हमारे पास तैयार होनी चाहिए अदरवाइज स्टॉक आउट हो जाएगा ठीक है जी इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपने समझ ही लिया एवरेज बैलेंस ऑफ रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री को प्रेफरेंस वन देंगे सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन में एवरेज बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री नहीं दिया तो मैंने उसके नीचे लिख दिया वी कैन यूज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑल्सो मेटेरियल इन्वेंट्री ऑल्सो तो घबरा नहीं है पहले लिख लो अभी समझाऊंगा नहीं तो यह कर देंगे अपॉन मेटीरियल कंज्यूम्ड और मेटीरियल यूसेज इन टू मैंने डी डेज डब्ल्यू वीक्स एम मंथ कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है जी अब मैंने कहा कि अगर कंज्यूम्ड आपको बताया भी दिया कौशिक में हाउ वी कैन कैलकुलेट कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट डाउन बेटा ये प्यार है दिल खोल के दे रहा हूं आपको अब कहते हैं ना कि सुनार ही सोने की कदर देख सकता है अब अगर आप सुनार हैं तो शायद आप इसकी कदर समझ पाएंगे ठीक है जी नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड अब ये जो दो लाइंस लिखी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंप्लाइज लेंथ ऑफ द टाइम गुड्स स्पेंड इन प्रोडक्शन इट मीन जीरो परसेंट से हंड्रेड परसेंट आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड तो इसको लिख लें जैसे नैनो कार है जैसे मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया तो आपकी आपको पता है इट इज रिलेटेड विद फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है ना तो हमने किया इतनी फैक्ट्री कॉस्ट है बारह महीने में अगर इतना बैलेंस है तो ये कितने महीने के बराबर होगा नाउ हाउ मच इज अ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ट्वेल्व मंथ दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम कॉस्ट शीट that this much is the factory cost because we know that work in progress is related with factory cost and i am given with annual factory cost annual production cost now this annual production cost is for 12 months and if this is a work in progress then it is equal to how many months we can use cross multiply and i have just derived the formula so first preference which i will be giving is on average balance of wib if it is not given i can use closing balance of wib but the relationship is in the denominator फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट विच आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू डिराइव इट इन टू टाइम पीरियड वो देख लेंगे अच्छा ये बात लिख अगर मान लेते हैं आपको फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया है ना कॉस्ट शीट है अब जैसे कॉस्ट शीट है सर आपको यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे आगे जाएंगे इसीलिए मैंने आपको कहा था कॉस्ट शीट को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है यू आर गेटिंग सपोजिंगली यू रिक्वायर फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट इज नॉट गिवन टू यू आर इवन की इधर गिवन प्राइम कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मैं पीछे जाने की बजाय आगे जाऊंगा वही बात लिखिए है लिखे लिखे इनकेस फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड और कैलकुलेटेड देन वी कैन यूज फॉरवर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेंगे बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इट मीन एसीसीए बनने के बाद और जॉब लगने के बीच में कितना टाइम पीरियड लगा इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ द टाइम फिनिश गुड्स आर हेल्ड बिटवीन कंप्लीशन एंड सेल बन गए जब स्टार्ट किया तो लगा था जॉब मिल जाएगी लेकिन कुछ टाइम लग गया मिलेगी तो सही लेकिन इट टेक इट विल टेक सम टाइम सो दैट टाइम बिटवीन एक्चुअल सेल एंड द प्रोडक्शन यू नो दैट इज नेम्ड एज फिनिश गुड्स होल्डिंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एवरेज बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड And that cost of goods sold supposedly is for 12 months. So, if this is the cost of goods sold for 12 months, if this is the balance of inventory of finished goods, then it is equal to how many months, how much period that is finished goods inventory period. Please write on the formula. First preference will be giving to average finished goods inventory held. If not given to me, I will use closing balance of finished goods inventory or is kim hai cost of goods sold ke इनटू वो तो थो छोड़ दीजिए आप अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बेटे आप कितने पीरियड का उधार देते हो उस पर डिपेंड करता है तो मैं ये कहता हूं कि भाई पूरे ईयर इट बी एनी पीरियड क्रेडिट सेल्स इतनी है इन फो ट्वेल्व मंथ्स एंड इफ दिस इज द एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिस इट इज इक्वल टू हाउ मच पीरियड यू नो तो मैं उसको मंथस में डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो लिखिए एवरेज बैलेंस ऑफ रिसीवल्स पहली प्रेफरेंस तो एवरेज को ही देनी है एक बच्चा कहता है सर एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा सिंपल एवरेज नहीं सुना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज एवरेज बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स स्लैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स अपॉन टोट क्रेडिट सेल्स फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल गिव टू क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन है टोटल सेल्स इट मींस हाउ मच क्रेडिट इज बीइंग ग्रांटेड टू कस्टमर्स फॉर्मूला आपको पता चल गया है अभी नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा आप इस बात को लिखिए हाउ मच क्रेडिट इज ग्रांटेड टू कस्टमर्स लास्ट है जी कंप्लीट हो रहा है ट्रेड पेएबल और पेमेंट पीरियड कि आप कितने पीरियड के बाद परचेस आज किया पेमेंट कब की कितने पीरियड का आपने क्रेडिट उधार लिया कहां से सप्लायर से तो परचेजेस कितनी है क्योंकि सप्लायर्स आर रिलेटेड विद परचेजेस आपने कंज्यूम कितना किया हमें मतलब नहीं है क्या पता है आपके पास पहले से स्टॉक को कंज्यूम ज्यादा की परचेज कम है या परचेज ज्यादा है कंज्यूम कम है

तीन सौ पैंसठ फिफ्टी टू आज के लिए इतना ही मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर फोर में प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूं ठीक है ना कैपलन अपने पास रखिएगा कैलकुलेटर बाहर निकाल के रखिएगा और आज का लेक्चर ईमानदारी से एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा गेटिंग पॉइंट बी हैप्पी बी जॉली वैसे मैं आपको बता दूं मैंने आपके लिए बड़ा सारा गूगल से कुछ साइट्स निकाली हैं मैंने कहा लगा कि आप देखेंगे बेटे ये प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी बताया था मैंने आपको ठीक है जी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने आज का लेक्चर इसी से स्टार्ट किया फिर मैंने आज मुख्य जो आप देखें लास्ट 15, 20, 25 आधे घंटे में जो मैंने बताया दैट इज इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज इन रिलेशन टू विकीपीडिया मैं जनरली विकीपीडिया को बहुत लाइक करता हूँ तो आप देखिए विकीपीडिया में पूरा बताया हुआ है वट इज कन्वर्जन साइकिल एंड हाउ इट इज लिक्विडिटी एंड रिस्क रिलेटेड विद डैट पूरा बेटर समझाया हुआ उन्होंने तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा विकीपीडिया रिलेट कर देते हैं तो आपको बड़े ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं फिर मैंने आपको डोमिनोज पिज्जा एक एग्जाम्पल बताना था कि विकीपीडिया ने बताया कि हाउ मच इज द ऑपरेटिंग साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ डोमिनोज पिज्जा इसको अगर हम कंपेयर करें विद विध लार बेटे टॉर्बो बताइए कौन सी कंपनी है क्या बनाती है बेटे कॉन्ट्रैक्ट करती है बड़े बड़े ब्रिजेस फ्लाईओवर पोर्ट्स एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इफ आई कंपेयर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ डोमिनोज विद लार्सन टॉर्बो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ डोमोज विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू लार्जर एंड इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस उसके बाद फिर मैंने बताने की कोशिश की दैट वट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ दैट ऑपरेटिंग साइकिल हाउ वी कैन कैलकुलेट दैटोनेट्स एंड फॉर दैट आई शुड नो कास्ट शीट एंड कॉस्ट शीट के बाद फिर मैंने होल्डिंग पीरियड की रिलेशनशिप बताई फ्रॉम द कास्ट शीट दैन आई हेव टोल्ड यू वट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट लॉजिकल वे ऑफ टू कैलकुलेटिंग दैट फॉर्मूला फिर हमने उसके फॉर्मुलाज को लिखा और आपने जब लिखा तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेक्चर नंबर फोर में हम देखेंगे हमें सब याद ही है इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल ग्रेड मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद बेटा मैंने आज आपके लिए एक पोस्टर ही ड्रॉ कर दिया कि बिकॉज यू आर डूइंग स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ नाइन बेटे इस तरह से बैठ के पढ़ना है आप सब लेट के पढ़ते हैं आपको टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है बेटा कहते हैं सरस्वती जी विद्या की देवी ज्यादा आती है जब आप बिल्कुल बैठ के सीधा स्ट्रेट, स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड सीधी एनर्जी विल फ्लो लाइक एनीथिंग तो प्लीज आप ऐसे ही पढ़ें रजिस्टर अपना ओपन कर लें आज लेक्चर नंबर फोर टुडे आई एम टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर फोर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज एफ एंड दैट इज चैप्ट मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस थ्री लेक्चर्स मैंने आपको तीन लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातें बताई यकीन मानिए अभी मैं दो तीन लेक्चर्स लेने वाला हूं एंड दिस टूडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर फोर एंड लेक्चर फाइव आई विल से लेक्चर थ्री लेक्चर फोर लेक्ट आर सो इंपॉर्टेंट पीटे अगर आपने इनको सिंसियरली अटेंड कर लिया एग्जामिनेशन किट के सभी क्वेश्चन ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बीबीबी कैपलॉन इलस्ट्रेशन ईजिली कर पाएंगे बिकॉज मैं यहां पर आपके सामने आई विल बी सॉल्विंग ऑल दैट बट द पॉइंट इज कि यू शुड नो द लॉजिक द कंसेप्ट बट उन कंसेप्ट को बताने के लिए तो मैं लेक्चर्स ले रहा हूं तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से मेरे साथ बोलें बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल जल्दी से यू नो रजिस्टर ओपन कर लें कैलकुलेटर अपने पास रख लें कैपलॉन का मेटेरियल है तो रख लें मेरे जूस नोट्स से तो उनको निकाल लें और रजिस्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने मोटे वाला रजिस्टर थिक रजिस्टर सब कुछ नोट करना बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू इन प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में लेना एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट टैक्स और ऑडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आपको सबको ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं और एक बड़ी प्यारी कोटेशन लिखी है यू कैन डू एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो कल युग में रहते हम आप कुछ भी कर सकते यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी बिलीव इन दैट उसमें विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं जब आप बहुत छोटे से थे ना तो आपको विश्वास था अपने ऊपर आप अचानक ही वो काम करना शुरू कर देते तो थे कोशिश करते थे नए नए काम करने की अब जैसे ही आप बड़े होते यार हो पता नहीं मेंटल ब्लॉक्स बना लिए आपके माइंड में आ गए ये नहीं कर सकता मैं ये कर सकता हूँ ये नहीं होगा ये ऐसे होगा इसमें ये मुश्किल आएगी बेटे जब छोटे थे तो चलना सीख रहे थे छलांग मारते थे आप कभी सोचते थे कि मेरे को कुछ लग जाएगी ये होगा और कर लेते थे बिकॉज नाउ आपने मेंटल ब्लॉक्स बना लिए हैं कि मेरे से ये नहीं होगा तो बेटे भगवान कहता है तथास्तु नहीं होगा अल्लाह मिया कहते नहीं होगा आपको पहले खुद अपने आप कोशिश करनी यू हैव टू डू एफर्ट्स यू कैन डू एनी थी बिलीव इन दैट उसमें विश्वास करें और मैं चाहता हूं कि आप एफ नाइन ए सी सी फोर चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आ जाए मैं भूपेश आनंद आज आपको पांच मिनट रिवाइज करा रहा हूं बट दिस रिविजन में स्टेटमेंट विच आई विल बी रिलेटिंग यकीन मानिए पहले नहीं होगा पहले मैंने यही चीज बताई so you know, है दूसरे ढंग में बट टूडेट वे सो यू है उसको कैच करना वी हैव डिस्कस आई आई थिंक दिस चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अभी हम दिखाएंगे मैं जूस नोट सिखाऊंगा मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाए थे इन दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देर आर टू बिग क्वेश्चन विच आई हैव टू आंसर मुझे दो बिग बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर करना है बेटे फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फंड आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल पहली बात मुझे कितने पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए दूसरी बात फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दो मैं वो पैसे कहाँ से ले सकता हूं देर आर टू बिग क्वेश्चन अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो आई थिंक यू कैन बिकम अ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजर सो वी आर डूइंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वी आर टेकिंग डिसीजन इन इन दिन ऑफ वर्किंग कैपिटल सो देर आर टू बिग डिस फर्स्ट इज हाउ मच फंडर इज अ ट्रेड ऑफ एंड फ्रॉम वेयर कितने चाहिए और कहा से आएंगे कौन देगा वो मुझे पैसे फ्रॉम वेयर आई शुड गेट द फाइनेंस

फर्स्ट इज फैक्टर्स यू नो दिस दिस इज द मेन important पॉइंट which आई हैव टू consider एंड दिस इज named एज फैक्टर्स टू बी टेकन into account. अकाउंट मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान से अगर आप देखें तो यू नो वी हैव डिस्कस फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी अ फैक्टर Seasonality of operations can be a factor, operating cycle can be a factor.

वर्किंग कैपिटल कैपिटल आज के इस लेक्चर में मैं अभी की एस्टिमेशन नहीं करा रहा but मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा उसके बाद जब हम लॉजिक्स तो ज्यादा क्लियर होंगे आई एम नॉट डूइंग एस्टिमेशन बट आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट मोर अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल हाउ टू गिव कमेंट ऑन दैट What are the interpretations for that? How to analyze the working capital position of a company? How to how to comment on the liquidity ratios? What is the meaning of overtrading? And what are what are the comments on holding periods? But lecture most important. Hai. So today for estimating working capital, I will be taking, I will be joining, I will be I will be combining these dots that is liquidity, profitability, factors, operating cycle. ट और आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बेटे आप यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं मैं बताऊंगा दैट इन केस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू मी फुल इंफॉर्मेशन आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर अस्ट शीट मैं कॉस्ट शीट भी बना सकता हूं और आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर यू नो क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं आप आराम से देखे एंड एंड द साइकिल विच वी हैव सीन रॉ मेटीरियल स्टेज होल्डिंग पीरियड इन्वेंट्री पीरियड वर्क इन इन्वेंट्री पीरियड फिश इन्वेंट्री पीरियड प्लस 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 अकाउंट व्यूबुल को मैंने डी लिख दिया

along with me ठीक है जी तो मैं आ गया जी सबसे पहली बात फॉर एस्टीमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आज हम नहीं कर रहे स्टिल एक बात लिख लीजिए लिख कर छोड़ रहे मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा है मैंने यहां पे लिखा कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए एस्टीमेट करना है कि कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं वर्किंग कैपिटल के लिए तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल यू नो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सपोजिंगली मैं थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की बात करता हूं यू हैव यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट तो आप बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट है वट आर द प्री रिक्विजिट फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट तो बेटा उसका प्री रिक्विजिट ये हो सकता है कि आपको एक तो प्रिंसिपल का अमाउंट चाहिए सेकेंड इज द टाइम पीरियड एंड दर्ड इज इंटरेस्ट रेट कितने परसेंटेज है अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट मीन देर आर समी रिक्विजिट सिमिलरली फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आज हम नहीं करें लेक्चर पांच में करेंगे देर आर समी रिक्विजिट एंड द फर्स्ट प्री रिक्विजिटेड रिक्विजिट इज

It is important to know the relationship. Second point is, I should know the principle. For example, I want to calculate the interest, so I should know the amount of principle. Second is, I should know for how much period the, that amount is invested and the interest rate. It means relationship. It means which item is related with which. For example, raw material inventory is related with raw material inventory is related with raw material consumed. Work in progress inventory is related with production cost. Finished goods inventory is related with cost of sales. Accounts, viewables, balance, collection period is related with credit sales. ट्रेड पेबल पीरियड इज रिलेटेड विद क्रेडिट परचेजेस तो ये मोहब्बतें पता हो बेटे इश्क पता हो किसकी मोहब्बत किसके साथ है पाँच ही तो रेशोज हैं पाँच ही तो स्टेजेस हैं पाँच ही तो होल्डिंग पीरियड है बेटे अगर इफ आई एम अवेयर ऑफ दीज फाइव स्टेजेस फाइव होल्डिंग पीरियड्स और इनका आंख मटक्का यू ना इनका इश्क इनके ढाई अक्षर किस किसके साथ हैं वेरी ईजी एंड फॉर दैट ओनली आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड प्रिपेयर कॉशीट यू शुड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिकॉज वो सारी हीरोइने शीट में कहीं ना कहीं घूम रही हैं पांच हीरोज हैं बेटे फर्स्ट हीरो इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सेकेंड हीरो इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड थर्ड हीरो इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फोर्थ हीरो इज एवरेज कोलेक्शन पीरियड पीरियड फिफ्थ इज ट्रेड अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल कोलेक्ट पेमेंट पीरियड बेटे ये पांच हीरो हैं इनकी पांचों हीरोइंस जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या कॉस्ट शीट में घूम रही हैं तो आपको पहले वो एज ए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जब हम एस्टिमेट करेंगे उसके बाद आप रिलेशनशिप देख सकते हैं आप बस लिख लें बाकी का काम लेक्चर नंबर पांच में करेंगे बिकॉज टुडे आई विल बी डिवोटिंग टू कमेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल इट इज इंपॉर्टेंट नो द रिलेशनशिप इट इज इंपोर्टेंट नो द लॉजिक द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड आपको पता होना चाहिए होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है मैंने बहुत बार बताया है स्टिल मुझे लगा कि ये तीन बातें अगर आपको पता होंगी तो हम लेक्चर नंबर पांच में इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे वर्किंग कैपिटल तो अब मैं आ गया जी भूपेश आनंद बेटे आप सबको अपना कैपलॉन मेरे पास आज कैपलॉन ओपन नहीं है आप अगर आपके पास कैप्लॉन है एफ नाइन स्किल और सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है मेरे पास तो अभी आज वैसे अवेलेबल है आज अवेलेबल नहीं है वन पेज नंबर वन निकाल लीजिए आप सभी बेटे पेज नंबर वन नाइन जीरो में आपको एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग चलिए पहले वन एटी एट निकाल लेते हैं पेज नंबर वन एटी एट या पेज नंबर आगे पीछे होगा देख लीजिए तो फर्स्ट पेज नंबर वन एटी एट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटे आज बस एक ही ये लेना था तो इसलिए फिर मैंने ओपन नहीं किया अपना कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं जी एक कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई आपको कुछ बातें बताई अच्छा पहले वो बातें बताएंगे उसमें उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप ये निकाल के दिखाओ और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इनके ऊपर कुछ कुछ अपने कमेंट्स दो ठीक है फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वह है बेटे रिसीवेबल्स कोलेक्शन पीरियड फिफ्टी डेज इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है 56 डेज का है इसका मतलब इट मीन इट मीन वी जनरली गिव अ क्रेडिट ऑफ 56 डेज टू कस्टमर्स बिकॉज आई सेल गुड्स ऑन क्रेडिट नो वाई आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वो अलग चैप्टर नंबर एट नाइन में करेंगे मैं आज उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहा मैं ये कहता हूं कि मुझे एक हॉट केक दिया हुआ है मुझे खाने का काम करना है कैसे बना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में है इट मींस द क्वेश्चन इज रिसीवेबल्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियड इज 56 सिक्स डेज इट मींस आई एम गिविंग आई एम कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम माय क्रेडिट कस्टमर्स आफ्टर अ गैप ऑफ 56 सिक्स डेज इसका मतलब मुझे वो रिसीवेबल्स अपने पास होल्ड करके रखने पड़ेंगे अपने पास बना कर रखने पड़ेंगे फॉर फिफ्टी फिफ्टी सिक्स डेज बिकॉज आफ्टर फिफ्टी सिक्स डेज गिव मी कैश अच्छा जब वो कैश देंगे तो एट फिफ्टी सिक्स डे एंड माय अकाउंटेंट विल पास अ एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल्स। वो अकाउंट रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे पुराने खत्म हो जाएंगे नए आ जाएंगे पुराने फिर चले जाएंगे फिर नए आ जाएंगे आप ऐसा मान के चलिए कि हर छप्पन दिनों के बाद हर 56 सिक्स आफ्टर अ गैप ऑफ 56 सिक्स डेज माई ओल्ड कस्टमर्स आर गिविंग मी कैश एंड न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग इट मींस आई एम टर्निंग माई ओल्ड कस्टमर्स विद न्यू कस्टमर्स आफ्टर 56 सिक्स डेज और आई एम गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 56 सिक्स डेज अब 56 डेज अच्छा है या गंदा है अभी हम उस उसपे ऊपर भी टिप्पणी नहीं कर रहे वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट फर्स्टली वी शुड लर्न दैट हाउ और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल होप आप सबको एटलीस्ट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड एंड फिफ्टी डेज का मीनिंग समझ आ गया होगा ठीक है सर सेकेंड आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड

होल्ड करनी पड़ती है इसका मतलब आपके पास कम से कम 21 दिन के हिसाब से इन्वेंट्री होनी चाहिए इस मींस इफ आई कंज्यूम इफ आई कंज्यूम एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन द होल ईयर देन इक्वल टू 21 डेज ऑफ इन्वेंटरी आई शुड ऑलवेज हैव दैट इन्वेंटरी इन माई स्टोर्स। देखिए अलग ढंग से मैंने इंटरप्रेट किया देखिए दो तीन इंटरप्रटेशन दे रहा हूं पहला इंटरप्रटेशन ये है कि आपने जिस दिन परचेस किया और जिस दिन इश्यू किया उसके बीच में ट्वेंटी वन डेज का गैप है ये बात तो सबको समझ आ गई ये तो बात पहले भी पता ही थी बट आज मैंने आई हैव गिवन गि न्यू इंटरप्रटेशन जस्ट लिसन टू मी इट मीन्स इफ आई कंज्यूम बिकॉज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी इज रिलेटेड विद रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड सो अगर मैं पूरे बारह महीने में तीन सौ पैंसठ दिन में दस या वन लाख डॉलर्स का इन्वेंट्री कंज्यूम करता हूं तो तीन दिन में अगर एक लाख का कंज्यूम करता हूं तो 21 दिन में मैं जो भी अमाउंट कंज्यूम करूंगा वो इन्वेंटरी आपके पास हर समय हमेशा स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा होना चाहिए अगर नहीं होगा तो स्टॉक आउट की पोजीशन आ सकती है देर विल नॉट बी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब ये बातें किसी भी यूट्यूब लेक्चर में आपको मिलने वाली नहीं है आप किसी से पर्सनल कोचिंग ले ले तब भी नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ काफी सारे टीचर्स ये कंसेप्ट ही नहीं बताते अब बेटे अगर आपको ये माइंड में क्लिकिंग स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया जो मैं बोल रहा हूं आई एम गिविंग यू डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रटेशन फॉर द सेम थिंग सो यू कैन यू यूर थॉट प्रोसेस विल बी लाइक दैट ओनली यू गेटिंग पॉइंट प्रोडक्शन पीरियड 14 डेज आगे उसने लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस नहीं भी लिखता था नो दैट वर्क इन प्रोग्रेस सेबी फिनिश गुड्स अभी डोमिनोज पिज्जा वाले कहते हैं जी हम एक घंटे में या आधे घंटे में आपको पिज्जा देंगे इसका मतलब उनका समय बनाने में लगभग आधा घंटा लग जाता होगा एवरेज इट मींस इट मींस दिस कंपनी दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस एंटिटी जैसे ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स को इंट्रोड्यूस करती है लेबरर्स आ जाते हैं मशीन स्टार्ट हो जाती है चौदह दिन फिर लग जाते हैं इस इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए You're getting a point. By that I mean work in progress holding period that is 14 days. Next is suppliers payment period. But the supplier कौन होते हैं जिससे आप सामान खरीदते हैं आप उधार में सामान खरीद रहे हैं because because uh, you are purchasing the goods from that from that supplier तो supplier आपको उधार दे रहा है आप जो आगे दे रहे हैं वो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं तो आप भी तो किसी के कस्टमर हैं बिकॉज यू आर रॉ फ्रॉम दैट दैट सप्लायर सप्लायर एंड इज गिविंग यू क्रेडिट टू यू सो दैट इज पेमेंट पीरियड दैट इज फोर्टी टू डेज इसका मतलब आप जिस दिन गुड खरीदते हो डेट ऑफ परचेज और जो एक्चुअली में पेमेंट करते हो उन सप्लायर्स को उसके बीच में गैप फोर्टी टू डेज का है ऐसा समझ लीजिए कि आप 42, 40, 42 40, दिन ऑन एन एवरेज के बाद ही पेमेंट करते हो उससे पहले पेमेंट करते नहीं आप 42 दिन उनके पैसों में मजे करते हो ऐसा समझ लीजिए फिनिश फिनिश गुड्स गुड्स होल्डिंग होल्डिंग पीरियड पीरियड बेटे का मीनिंग है रॉ मटेरियल था रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस हुआ वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स हुआ आज यहां पे हम खड़े हैं फिनिश गुड्स में लेकिन फिनिश गुड्स से सेल होने में के बीच में भी तो किधरे से गैप अब बेटे जितने पीरियड तक ये होल्ड रहेगा एंटिटी के उसमें पैसे इन्वेस्टेड हैं बिकॉज एंटिटी हैज़ इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल एंटिटी हैज़ इन्वेस्टेड इन लेबर एंटिटी हैज़ इन्वेस्टेड इन वेरिएबल ओवर हैड्स एनटीटी हैज़ इन्वेस्टेड इन यू नो सेलिंग ओवर हैड्स इन सभी में उसने खर्च कर दिए हैं तो फिनिश गुड्स जब तक खड़े रहेंगे वी हैव माई फंड्स इन्वेस्टेड इट मीन्स ऐसा समझ लीजिए कि अट्ठाइस दिन लग जाते हैं बनने और बिकने के बीच में I repeat, I have used two words: banne and bikne. Banne means 100% it has been completed. And when actually we are selling it, the gap between that is 28 eight days. अब मुझे एक बात बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा। अब comments हैं ना आज के lecture ही तो comment के ऊपर है। मुझे comments ही तो बताने हैं। मुझे इतना बता दीजिए inventory holding period। जैसे यहाँ पर है 21 days। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड फोर्टीन डेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ठीक है इक्कीस दिन चौदह दिन अट्ठाइस दिन ये मेरे को तीन पीरियड्स गिवन है 21 वन डेज फोर्टीन डेज ट्वेंटी एट डेज रॉ मेटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स अब यहीं पर ध्यान देते हैं अभी भूल जाइए वेदर इट इज सुपर मार्केट वेदर इट इज a वेदर इट इज एनी कंपनी वेदर इट इज एफ एम सी वेदर इट इज डोमिनोज इट इज बर्गर किंग वेदर इट इज मैं अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा जनरल ओवर आपसे पूछ रहा हूं कि होल्डिंग पीरियड में एक जनरल कमेंट क्या पास करेंगे आप मैं एक क्वेश्चन करता हूं करता हूं आपसे जस्ट लिसन टू मी लॉन्गर द इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड बेटर इट इज ऑप्शन है ट्रू फॉल्स

विद इन सेवेंटी सेवन डेज तो इफ आई वॉन्ट टू सेटिंग साइकिल इज शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ट्रू और फॉल्ट मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं शॉर्टर एक बच्चों को नींद आ रही थी थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है एक तो आंसर नहीं बता रहा ऊपर से सो रहा है शॉर्टर दर्क शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल लेस विल बी द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लेस विल बी द ब्लॉकेज ऑफ फंड इन वर्किंग कैपिटल ट्रू आर फॉल्स ट्रू इट मींस शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल उतनी जल्दी तो कैश कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बेटर इट इज लो विल बी माई इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल अब मैं आपसे आज का जो लेक्चर है ना मैंने इसलिए डिबोट किया है कि बेटा ये इक्कीस दिन ये चौदह दिन ये अट्ठाईस दिन ये अट्ठाइस दिन जो हैं कुछ और भी हमें बताते हैं इक्कीस दिन भी कुछ और बताते हैं ये 56 डेज भी कुछ और बताएंगे और 42 डेज भी कुछ हमें बोलते हैं बेटे ये भूत है आप, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही बट दे आर टेलिंग मी समथिंग तो मैं आज इन सभी का एनालिसिस करने वाला हूं दैट रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 21 डेज देन व्हाट आई मीन बाय दैट

क्या वो पूरे मोटिवेटेड हैं क्या मैं उनको कुछ इंसेंटिव स्कीम्स देता हूं क्या वो जो सुपरवाइजर है बढ़िया काम करता है बेटे ओनली आई कैन से बिकॉज फोर्टीन डेज मुझे बहुत कुछ बता देंगे मैं कहता हूँ जी एक बॉडी एक टेम्परेचर एक ह्यूमन बींग का ब्लड प्रेशर मुझे पता चल जाए बस तो मैं बेटे ऐसे लिख सकता हूँ और आप भी लिख सकते हैं डॉक्टर ऐसे लिख देगा कि इफ ब्लड प्रेशर इज दिस देन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा ये खाता होगा ये करता होगा ये गुस्सा आता होगा ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें खाता है ज्यादा ज़्यादा ऑयली खाता है अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर लो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली इन ऑपरेटिंग साइकिल इफ आई एम अवेयर विद द साइकिल्स कैन यू नो राइट अक्स लाइन कमेंट्स ऑन दैट तो आज हमने उनके ऊपर कमेंट्स लिखने हैं बट कमेंट्स लिखने से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग में वी विल बी डूइंग कैपलॉन एंड बीबीबी क्वेश्चन उन सब कमेंट्स पूछे हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कमेंट्स क्लियर होने चाहिए तभी आज का लेक्चर मैंने कमेंट्स में दिया है तो आज टुडे आई विल बी कमेंटिंग ऑन दीज डेज़ 14 डेज 28 डेज 56 डेज 42 डेज एंड आई विल बी टेलिंग यू शॉर्टर द पीरियड बेटर इट इज और लॉन्गर द पीरियड बेटर इट इज एक बात मैं आपको बता दू बेटे करंट एसेट्स का जितना पीरियड शॉर्टर होगा होल्डिंग पीरियड एंड कलेक्शन पीरियड ऑफ अकाउंट रिसीवल बेटर इट इज बड़ी सिंपल सी बात है वाई इट इज बेटर बिकॉज क्विकली दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश तो जितने कम पीरियड के लिए मैं होल्ड करूंगा उतना अच्छा है और अगर आप कलेक्शन पेमेंट पीरियड की बात करें वेन आई वॉन्ट टू पे टू पेबल्स लॉन्गर द पीरियड बेटर इट इज क्योंकि जब पैसे, जहां से पैसे आने जल्दी आए वो अच्छा ड्रैग इन फुल आउट एंड जहां पर पेमेंट करनी है जितनी लेट करें तो अच्छा लेकिन इट हैज हाँ सम अदर रेपरकेशन ऑल्सो वो आज हमने देखने हैं तो मैं भूपेश आनंद आपको एक बात ये कहता हूं दैट इन एफ थ्री एंड एफ टू एंड पी एफ फाइव यू नो इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने आपको टर्न ओवर रेशोज बताई हुई है और परफॉर्मेंस रेशोस की हेल्प से हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वेदर दिस कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू डेटस्ट टर्न ओवर रेशो और अकाउंट्स टर्न अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्न ओवर रे और बेटे किसी भी टर्न ओवर रेशो में आपको पता ही है कि हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं और डिनिनेटर में क्या लिखते हैं आई विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसकी रिलेशनशिप जो होती है वो ऊपर लिख देते हैं और उसके नीचे डिनोमिनेटर में वी राइट डाउन दैट वेरिएबल ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसिवेबल्स टर्न ओवर रेशो अब बच्चा कहता सर ये कहाँ पहुंच गए बेटे मैं कमेंट्स में ही आ रहा हूं मैं कमेंट्स में आने से पहले आपको कुछ हल्का सा आपका लोहा गरम कर रहा हूं बेटे तब चोट मारूंगा ना तो आपको मैंने जान के टर्न ओवर की बातें बता दी बिकॉज टर्न ओवर की हेल्प से आप होल्डिंग पीरियड भी निकाल सकते हैं या होल्डिंग पीरियड की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट टर्न ओवर बेटे एक ब्रिज है आप यहां खड़े हैं ब्रिज के तो आप यहां से चल के यहां जा सकते हैं यहां पे खड़े हैं तो यहां से चल के यहां जा सकते हैं तो मैं भूपेश आनंद आपको यही बात कहने जा रहा हूं दैट दैट आई कैन इधर कैलकुलेट रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड एंड इट हैज अ रिलेशनशिप विद रॉ material Turnoverish also, आई I can say if I am aware of accounts receivable, accounts receivable collection period, रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड अब एक बच्चा ढीला पड़ गया उसको पता ही इतना इंपॉर्टेंट काम शुरू हो चुका है समय दैट इज रिलेटेड विद accounts रिसीवेबल अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एक बच्चा कहता है सर आप कोई भी एक एग्जांपल लेके बताइए कि हाउ इट इज रिलेटेड बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो अच्छा किसी भी टर्नओवर रेशो की एक स्पेशलिटी होती है पहले ये समझ लीजिए नो डाउट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन एफ थ्री एफ फाइव एफ सिक्स मैं अब लेकिन जस्ट क्योंकि आप कर रहे हैं तो एक बार बताना चाहता हूं टर्नओवर रेशो की एक स्पेशलिटी है बेटे किसी भी रेशो में एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है ठीक है सर टर्न ओवर रेश स्पेशलिटी है टर्न ओवर एक्चुअली मीनिंग होता है सेल्स तो हम सब कुछ सेल्स से रिलेट करते हैं जनरली अगर कुछ हमें पता नहीं है जैसे अकाउंट रिसीवेबल डेटर टर्न ओवर रेशो है तो वी रिलेट विद सेल्स एंड बिकॉज दे आर अकाउंट रिसीवेबल तो मैं यहां पर न्यूमिनेटर में लिखूंगा क्रेडिट सेल्स और डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल और एवरेज डेटर्स कुछ भी इस ratios, ratios समय ढीले मत पढ़ना बेटे बिल्कुल व्हाट्सएप मत देखना बेवकूफ हो आपको इस समय में कोहे नूर का हीरा दे रहा हूं सपोजिंगली आपकी टर्न ओवर रेशो आ गई ट्वेल्व टाइम्स इसका मतलब समझ लीजिए क्या है बारह बारह टाइम्स का मतलब क्या यह समझ लीजिए इट मींस ये जो डेटर्स है ना आपके 12 बार एक साल में तीन सौ दिन में 12 टाइम्स टर्न करते हैं जैसे सांप टर्न करता है ना स्नेक टर्न करता है इसका मतलब पुराने कस्टमर्स चले जाएंगे नए आ जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे पुराने चले जाएंगे नए आ जाएंगे पुराने चले जाएंगे नया आ जाएंगे पुराने चले जाएंगे नए आ जाएंगे बारह बार ऐसा होगा ये ऐसा समझ लीजिए कि अगर तीन दिन में इफ इन 365 सिक्सटी फाइव डेज ट्वेल्व टाइम्स ऐसा हो रहा है है ना तो एक बार वन टाइम कितने डेज में होगा नो इफ 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 आई इफ आई इफ आई रिलेट विथ मंथ्स तो थोड़ा तो सा तो 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 जल्दी समझ आ जाएगा मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी मैं इसको कह रहा हूं बारह महीने इफ इन ट्वेल्व मंथस अगर बारह महीने में बारह बार टर्न करते हैं तो एक बार कितने गैप में टर्न करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इतने में इतना तो इतने में कितना कैसे आएगा बेटे वन इन ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व इट मींस वन मंथ इट मींस माय डेटस आर चेंजिंग देयर शेप और दे आर टर्निंग और ओल्ड आर गोइंग एंड न्यू आर कमिंग आफ्टर अ गैप ऑफ वन मंथ इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट माई अकाउंट रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड इज वन मंथ इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट आई एम गिविंग अ क्रेडिट ऑफ वन मंथ तो बताओ बेटे अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की मोहब्बत अकाउंट्स रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड से हुई या नहीं हुई बिल्कुल हुई इट मीनस इफ इन एनी क्वेश्चन आई एम नॉट गिवन होल्डिंग पीरियड रादर आई एम गिवन विद्सबल टर्न ओवर आई कैन कैलकुलेट द होल्डिंग इफ आई एम नॉट गिवन विदेंट्र इनवेंट्री होल्डिंग पीरियड राधर आई एम गिवन विदेंट्री टर्न ओवर रेशो विद्पेंट्री टर्न ओवर रेशो आई कैन कैलकुलेट इनवेंट्री होल्डिंग पीरियड बात समझ आ रही है बेटे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की पेमेंट की पेबल्स की पेमेंट की पेमेंट तो पीरियड नहीं गिवन है और आपको उसके बदले में टर्नओवर टर्नओवर है तो बेटे से से इसी से, आप उसका पीरियड भी निकाल सकते हैं मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया भाई साहब इट मींस पीरियड का और टर्नओवर का एक माँ है ऐसा समझ लीजिए टर्नओवर रेशो मां है मदर है और होल्डिंग पीरियड उसके बच्चे टर्नओवर रेशो दिया हो तो बच्चों तक पहुंच सकते हैं बच्चे दिए होंगे तो माँ तक पहुंच सकते हैं आपने देखा होगा कुछ मूवीज में भाई बहन अलग हो जाते हैं फिर 25 साल के बाद मेले में मिलते हैं इट मीन्स दे हैव समथिंग इन कॉमन उन्होंने कुछ ना कुछ कॉमन होता है लॉकेट बहन है लॉकेट से पता चलेगा ये मेरा भाई है सिमिलरली विद हेल्प ऑफ टर्न ओवर रेशोज वी कैन कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड और विद हेल्प ऑफ होल्डिंग पीरियड वी कैन कैलकुलेट टर्न ओवर रेशोज तो पहले तो उसको लिख लेते हैं फिर मैं आज के लेक्चर में मुझे बताना क्या है कि होल्डिंग पीरियड्स की इंटरप्रटेशन क्या है होल्डिंग पीरियड के कमेंट्स क्या है बेटे वो तो मेन है ना आज तो आइए आइए दोस्तों में भावनाओं में बह जाता हूँ बताना तो बहुत कुछ है मुझे लेकिन आप बस ध्यान से अगर आप सुनने वाले बनेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफी कुछ सीख पाएंगे आज के इस लेक्चर में दिस लेक्चर इज कि भाई होल्डिंग पीरियड की मोहब्बत टर्न ओवर एशोज के साथ है अब बताना है कि होल्डिंग पीरियड के ऊपर कमेंट कैसे लिखेंगे अभी बता रो ठंड रख लो जरा पहले लिख लो इसको लिखो लिखो अब एक बच्चा कहता है पी फाइव लो यार इसमें लिखा था उसमें लिखा था टर्न ओवर स्लैश परफॉर्मेंस रेशोस बेटे जूस नोट्स में भी ये नहीं है क्लास नोट्स और जूस नोट्स अगर जब आप कंपेयर करेंगे ना दोनों में डिफरेंस पाएंगे आप बातें एक ही हैं बट कहने का ढंग अलग है तो आपको दोनों लिखने हैं यू गेटिंग पॉइंट जूस नोट्स खाली मैं बोलता जाऊं बोलता हूं जो जैसे बाकी टीचर कर रहे हैं आप लिखे भी कुछ ना सुनते रहे कुछ देर के बाद तो आप मेरी बात को सुनना बंद कर देंगे यार मैं ड्रामे कर रहा हूं नाच रहा हूं गा रहा हूं आपको कहता हूं, ये करो वो लिखो मैकडोनल्ड बर्गर किंग रहता है तो आप लिखिए स्लैश परफॉर्मेंस रेशोज में पांच रेशोज लिखनी है पांच हीरोज हैं चलिए कोई बात नहीं आपको समझ आ गया है, तो मैं स्टॉक की बात करता हूं अब इसमें स्टॉक में मैंने इन्वेंट्री भी ले लिया मान लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लिया फिनिश गुड्स भी ले लिया तो तीन ये हो गई चार पांच चलिए लिखिए फर्स्ट लिखिए ऐसे ही बेटे पेज को डिवाइड करना है। अब एक बच्चों को लग रहा था YouTube लाइव है फ्री के लेक्चर्स हैं सर यहीं रखेंगे हम आराम से रजिस्टर ले लेंगे वो मंद बुद्धि का बेवकूफ है क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो ये खत्म कर रहा हूं मैं बैचेस सारे सारे ये लेक्चर्स मैं प्राइवेट कर दूंगा और बेटे अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे यार सोचो ना आप अभी भी डिले कर रहे हो है? मैं सामने खड़ा हूं और मेरी शर्म नहीं है आपको कुछ तो शर्म होनी चाहिए यार लेफ्ट हैंड साइड में लिखो रेशोस टर्न ओवर रेशो और उस तरह लिखो उसका फॉर्मूला जैसे स्टॉक टर्न ओवर रेशो पहले लिखा फिर अकाउंट टर्न ओवर रेशो दूसरा रेशो लिखा ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो तीसरा लिखा वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो चौथा लिखा चार रेशोस मैंने बताने हैं फर्स्ट इज स्टॉक टर्न ओवर रेशो सब बच्चे लिख रहे हैं अगर आप इनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर देखे पहले डिनोमिनेटर देखो स्टॉक टर्न ओवर रेशो में है एवरेज उंट रिज्यूबल टर्न ओवर में है एवरेज रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो में है डिनोमिनेटर एवरेज पेबल्स आप समझ रहे हैं देख रहे हैं आप बात को और वर्किंग कैपिटल टर्न में है एवरेज वर्किंग कैपिटल इट मींस जो भी टर्न होती है दैट इज इसोमिनेटर दैट विल कम इन अ डिनोमिनेटर जैसे मैंने कहा स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो स्टॉक नीचे आ गया अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो है डिनोमिनेटर में आ गया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो है पेबल्स डिनोमिनेटर में आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो डिनोमिनेटर में आ गया अच्छा उसके ऊपर न्यूमरेटर में उसकी मोहब्बत लिखते हैं रिलेशनशिप लिखते हैं इट मींस रॉ मटेरियल इज रिलेटेड विद कंज्यूमड वैसे तो कंज्यूम पे लेना चाहिए आप कंज्यूम नहीं दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेंगे बिकॉज यहां पर इन्वेंट्री तीनों ले रहे हैं ना रॉ मेटीरियल रॉ मेटीरियल इवेंट्री भी ले रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस भी ले रहे हैं फिनिश गुड भी ले रहे हैं तो वी विल नॉट राइट डाउन रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आई एम नॉट कैलकुलेटिंग रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आई एम कैलकुलेटिंग ओवरऑल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सो आई विल बी टेकिंग इट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द इनमिनेटर गेटिंग माई पॉइंट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री तो बेटे टाइम्स में आ जाएगा

And in this also, my answer will be in time. Similarly, in case of working capital turnover ratio, I will be writing down again my answer in times. And I have already told you higher, higher, higher the, the, the turn over ratio, better, better, better it, it is. वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो वीर तुम किए चलो बेटे हायर दर्न ओवर रेशो बेटर इट इज चार रेशो बताई है होल्डिंग पीरियड बताया है ऑपरेटिंग साइकिल बताया है अब बस मुझे उनके ऊपर कमेंट्स बताना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चाहता हूँ आप समझ लीजिए इलास्टेशन को अभी नहीं कर रहे ठीक है जी ये भी नहीं कर रहे ये भी नहीं कर रही नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर फाइव में करेंगे पहले मुझे लगा कि मैं इस लेक्चर में कराऊं नहीं मेरे को लगा नहीं मैं इसमें नहीं कराऊंगा मैं आज आपको एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटे मैंने बिकॉज आई एम टेकिंग सो मेनी सो मेनी कोर्सेज यू नो सी एफ ए का कोर्स मैं लेता हूँ लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री आई एफ आर एस ए सी सी डिप्लोमा आई एम होल्डर आई एम टेकिंग क्लासेज देयर आर ऑल्सो ए सी स ले रहा हूँ सी पी यू एस ए ले रहे हैं सी एम ए यू एस ए ले रहे हैं सी ए ले रहे हैं सी एस बेटे क्या नहीं ले रहे रोज़ हमारी दस से बारह क्लासेज तो बिकी रही हैं तो एक कोर्स में आई हैव डन अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑपरेटिंग साइकिल साइकोलॉजी ऊपर और आज मुझे क्योंकि कमेंट्स बताने हैं मुझे होल्डिंग पीरियड के ऊपर कुछ बोलना है टिप्पणियां देनी है यू नो सो मैंने को लगा एक क्वेश्चन अगर आज हम अपना कर लें अभी हम वी आर नॉट दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम कैपलॉन नॉट फ्रॉम बीबीबी बट फ्रॉम भूपेश आनंद बुक तो आप ये क्वेश्चन बेटे लिख लें उस उस किताब में उस कोर्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया है और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और मैंने इसमें कमेंट्स देखे कितने बढ़िया से लिखे हैं कमेंट्स में बड़ा प्यार से आपको लिखा है बेटा मैं मैंने कमेंट्स देखिए थोड़ा सा मैं और फोन बड़ा कर देता हूँ कमेंट्स आई हैव डिवाइडेड डिडेड जनरल कमेंट्स स्पेशल कमेंट्स और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपको समझाने की कोशिश की है तो मुझे ऐसा लगता है कि द बिकॉज द लेक्चर विच आई हैव डिवोटेड है लेक्चर नंबर फोर स्पेसिफिकली फॉर द कमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अगर आज आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं यकीन मानिए आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे चलिए जी स्टार्ट करते हैं डांस नहीं पहले क्वेश्चन करते हैं फिर डांस करेंगे आपको अब ये क्वेश्चन लिखना है देखिए छोटा सा तो क्वेश्चन है आप वीडियो को स्टिल कर सकते हैं है ना लिख भी सकते हैं वैसे मैं टाइम भी दे रहा हूं आप अभी लिख लीजिए कल करे सो आज कर एक कंपनी है बेटे माया लिमिटेड माया मेम्स साहब है ना हैज ऑप्टेंड एक कंपनी है हैज ऑप्टेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कंसर्निंग द एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर अदर कॉम्पोनेंट इन द सेम इंडस्ट्री बेटे आराम से समझना है ऐसा समझ लेते हैं आप क्या करें माया को काट दें आप लिखें अपोलो टायर्स थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा अपोलो टायर्स एक कंपनी है आपको सब पता है अपोलो टायर्स क्या बनाती है टायर बनाती है उसने ये इंफॉर्मेशन को गैदर किया फॉलोइंग डाटा एवरेज साइकिल ऑफ द सेम इंडस्ट्री की जगह लिख देते हैं टायर इंडस्ट्री आराम से बेटे अब टायर इंडस्ट्री का मतलब क्या है अपोलो टायल्ल टायर सी एड टायर एमआरएफ टायर्स जितने भी टायर हैं इन सबको मिला दें तो इसका नाम होता है टायर इंडस्ट्री इसमें से एक कंपनी है अपोलो टायर्स ये आपको कुछ कहना चाह रही है बेटा इसी से हमें बहुत कुछ बातें समझ आ जाएंगी इट मींस एक तो बड़े पापा और एक उसमें से छोटे पापा एक ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली मींस इंडस्ट्री इंडस्ट्री मीन सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो कंपनी कर रही हैं उन सब का झुंड को हम कहते हैं तो दैट इज इंडस्ट्री सिमिलरली इज अ स्टील इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री एफ एम सी जी इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री जिसमें हम एच डी एफ सी आईसीआईसीआई येस बैंक ये बैंक एस बी आई पी एन बी सब जोड़ लें तो मैं कहूंगा ये बैंकिंग इंडस्ट्री है जी तो आप पहले यहां पर लिखें क्वेश्चन लिख लें बेटे लिख लें अच्छा रहेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे अपोलो हैज ऑबटेन द फॉलोइंग डाटा कंसर्निंग द एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ टायर इंडस्ट्री अपोलो टायर्स ने टायर इंडस्ट्री की कुछ डाटा को इकट्ठा किया ठीक है जी रॉ मटेरियल, स्टॉक टर्नओवर। मैं बेटर ये रहूंगा कि आप टर्नओवर की जगह पता क्या लिखें स्टॉक इसको काट देते हैं ठीक है स्टॉक होल्डिंग पीरियड बिकॉज इट इज गिवन इन डेज तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रेडिट रिसीव्ड और इसकी जगह लिख लें पे, पेबल 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 पेमेंट पीरियड ठीक है जी फिर वर्क इन प्रोग्रेस की जगह लिख लें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटे वर्क इन प्रोग्रेस टर्न ओवर काट दें है ना टर्न ओवर काट दें इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड ठीक है जी इसी तरह से फिनिश गुड्स में टर्न ओवर काट दें थोड़ा ज्यादा समझ आएगा क्योंकि अभी आप थोड़े से छोटे से बच्चे हैं धीरे धीरे आप टर्न से भी समझ लेंगे बट स्टिल बिकॉज इट इज गिवन इन डेज तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड फिनिश गुड्स में भी लिख दें और डेटर कलेक्शन पीरियड तो लिखा हुआ है आराम से बैठे कोई टेंशन नहीं है भाई साहब मैं रिपीट कर रहा हूं एक कंपनी है अपोलो दूसरा उसने क्या किया टायर इंडस्ट्री की पहले जानकारी इकट्ठी कर ली वो कहते हैं कि टायर इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर लोग रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है उनका 20 दिन का है 20 डेज का है इसका वो 20 दिन तक अपना सामान डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हैं ठीक है सर क्रेडिट पेबल पेमेंट पीरियड 40 डेज और जनरली पूरी टायर इंडस्ट्री में जो उनका कच्चा सामान होता है रबड़ होता है जो खरीदते हैं केरला से उनको जो उधार मिलता है सप्लायर से दे आर गेटिंग ऑन एन एवरेज फॉर 40 डेज टायर इंडस्ट्री की बात प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग में रॉ मेटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन एन एवरेज टायर बन जाते हैं ठीक है सर फिनिश गुड्स स्टॉक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एक बार फिनिश गुड्स बन गया तो पड़ा रहता है स्टॉक में उसके बाद साठ दिन के बाद बिक जाता है विद इन सिक्सटी डेज इट कैन बी विद इन फोर्टी डेज वो बिक जाता है अच्छा बेचने में क्या है कि जनरली वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिशन ऑफ गिविंग क्रेडिट तो क्रेडिट कितना है बेटे सिक्सटी डेज अब आपको पता ही आपको पता है ऑपरेटिंग साइकिल बी विद हेल्प ऑफ रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस एवरेज रिज्यूबल कलेक्शन पीरियड माइनस माइनस एवरेज पेबल ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड तो 95 डेज ये आ गया भाई साहब ये आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन है बेटे मतलब क्वेश्चन में टायर इंडस्ट्री की आपको ऑपरेटिंग साइकिल मुहैया कराई गई है दैट इज गिवन टू यू अब हमारे अपोलो टायर्स में यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करेंट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर अपोलो टायर्स मैं यहां पे नाम चेंज कर रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने अपोलो टायर से लिखा है फॉर अपोलो टायर्स इट नाउ यू आर गिवन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ अपोलो टायर्स टायर इंडस्ट्री की साइकिल दी हुई थी अब अपोलो टायर की साइकिल गिवन नहीं है पहले तो साइकिल को निकालना है ठीक है सर उसके बाद क्या कर रहे हैं और वो कहता है जी उसके बाद क्या करो कमेंट लिखो बेटे इस कमेंट के लिए तो मैं आज आया हूं मैंने आज का पूरा लेक्चर इसी को इसी को पर डिवोट कर दिया बात समझ आ रही है आप क्वेश्चन लिख लें भाई साहब प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को अपोलो टायर्स टायर इंडस्ट्री कैप्लॉन एग्जामिनेशन किट बीबीबी एग्जामिनेशन किट सारे क्वेश्चन मैंने करके देख लिए हैं ठीक है सब हो जाएगा अगर आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मतलब लेक्चर फोर और लेक्चर फाइव आपने ध्यान से कर लिया तो करना है बेटे कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए मैं अपना कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूँ आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ जल्दी से करके दिखाइए आगे जी ये ने कैलकुलेटर लिया बेटे कैलकुलेटर लेने गया था क्वेश्चन लिख लीजिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आई थिंक आप सबने क्वेश्चन लिख लिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वी विल फर्स्टली कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अपोलो टायर्स और फिर एक तरफ अपोलो टायर्स की साइकिल लिख देंगे एक तरफ टायर इंडस्ट्री की साइकिल लिख देंगे और उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम कुछ कमेंट्स लिखेंगे वही कमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट तो आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं कमेंट्स के ऊपर है दैट हाउ यू कैन इंटरप्रेट दोज होल्डिंग पीरियड्स ओनर एवरेज मैंने बताया फॉर इन्वेंटरी एंड फॉर एवरेज कलेक्शन फॉर करंट एसेट्स लेसर शॉर्टर द होल्डिंग पीरियड बेटर इट इज चलिए जी बिल्कुल ठीक है हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू राइट डाउन रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड आपको पता ही है कि मैंने आपको इसका लॉजिक क्या बताया एन एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट यू ऑल नो दैट बिकॉज बिकॉज इट इज रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड तो मैं एक तो डिनोमिनेटर पे क्या लिखता हूं बेटे मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं एवरेज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी या स्टॉक कुछ भी लिख सकते हैं एक ही बात है न्यूमिनेटर में हम रॉ मेटीरियल में लिखते हैं रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड सुनना जरा ध्यान से बेटे ये रॉ मेटीरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है अगर जस्ट होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो आई वुड हैव रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिख रहा तो मैंने न्यूमरेटर में यहाँ पर लिखा यहाँ लिखा पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अब ये लॉजिक मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है मैं इसलिए उसमें टाइम नहीं लगा रहा बिकॉज इट इज गिवन टू बी इन डेज तो मैं इन टू थ्री कर दूंगा आराम से फिगर देखते बेटे हमारे को देखो कंज्यूम्ड गिवन नहीं है अब बेटे कंज्यूम गिवन नहीं है जो आपको खाना है जैसे चाय पीनी है चाय नहीं है तो कॉफी पी लो एंड वी नो दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नाउ बिकॉज आई एम नॉट गिवन द एंड आई नो दैट कंज्यूम कैन बी भीट विद परचेजेस सो द बेस्ट इज परचेजेस सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से आई विल बी टेकिंग Purchases. मैं इसकी जगह रॉ मटेरियल परचेजेस ले सकता हूं बोलो हां मैं रॉ परचेजेस ले लूंगा तो मैं आपके सामने कर रहा हूं बेटा रॉ परचेजेस कितनी है सिक्स हंड्रेड ऑल द फिगर्स आर बीइंग गिवन टू मी इन थाउजेंड तो थाउजेंड में रहना तो हमें टेंशन के लेनी है सिक्स हंड्रेड अपॉन एटी चेक करते हैं बेटे एवरेज ऑमिटल स्टॉक गिवन है एट्टी थाउजेंड वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटी इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव कैसे निकालेंगे बेटा सिक्स हंड्रेड क्या है परचेजेस ठीक है जी ये परचेजेस कितने दिन की है ये इन थ्री सिक्सटी फाइव करिए थ्री सिक्सटी फाइव रॉ मटेरियल का आंसर आ रहा है जी 49 नाइन डेज वर्किंग प्रोग्रेस का 15 डेज फिनिश गुड्स का 31 डेज डेटर्स का 43 डेज और वर्किंग कैपिटल साइकिल आ रही है 83 डेज तो मैं रुक गया हूँ पहले आप आराम से देख लीजिए फिर मैं करूँगा आप पहले खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए ये फिगर्स आ रही हैं या नहीं आ रही अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं होती बेटे मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ आपको लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बेटे कई बार क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कोई ऐसी घबराना नहीं है आप देखिए मैं आपके सामने हूँ और उस क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे फिगर्स लिख देता हूँ जैसे रॉ मटेरियल परचेजेस था शायद हमने वहाँ फार्मूला थोड़ा सा गलत यूज़ कर दिया मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लिख देते बेटे एवरेज रॉ मेटीरियल स्टॉक आराम से कोई घबराना थोड़ी है यार रॉ मेटीरियल परचेजेस आई थिंक सिक्स हंड्रेड था ध्यान नहीं आ रहा बेटे रॉ मेटीरियल परचेजेस था रॉ मेटीरियल परचेजेस सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और एटी ठीक है सर सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और एटी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड एंड एटी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड एंड एट्टी थाउजेंड रुपीज में ले लेते हैं डॉलर्स में ले लेते हैं कुछ भी अब ऐसा समझ लीजिए सिक्स लैक्स रुपीज की परचेजेस है थ्री सिक्सटी फाइव डेज में देखो हमने गलत कर दिया डायरेक्टली फार्मूला यूज किया ना तो थोड़ा गलती हो गई कोई बात नहीं बेटे लाइव है इसी से तो पता चलता है कि आपको क्या ध्यान रखना है तभी मैं कहता हूं आप लॉजिकली अगर मेरे को लॉजिक पता था तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं यहां पे कह रहा हूं एट्टी थाउजेंड रुपीस का जो स्टॉक है इट इज इक्वल टू हाउ मेनी पीरियड हा हाउ मच मंथस तो जल्दबाजी में मैंने क्या किया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया और मैंने छुपाया कुछ नहीं बटे छुपाना किस बात का है गलती करेंगे तो समझ आएगा ना मैंने क्या पता जान के गलती की हो आपको समझाने के लिए कि लॉजिक समझना कितना इंपॉर्टेंट है हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक यू नो नाउ विद हेल्प ऑफ लॉजिक आई कैन इजली कैलकुलेट बिकॉज आई नो दैट इट शुड बी इक्वल टू फोर्टी नाइन डेज बिकॉज आंसर इज फोर्टी नाइन डेज सो एटी थाउजेंड

जल्दबाजी में उल्टा यूज कर दिया यहां पर कंज्यूम्ड नहीं आना चाहिए बेटे कंज्यूम्ड थोड़ी आना चाहिए ये देखो ये मैंने कंज्यूम्ड थोड़ी आना चाहिए मैंने ऑपोजिट फॉर्मूला यूज कर दिया तो लॉजिक तो आपको पता था ना तो मैंने कुछ छुपाया थोड़ी बेटे आप एक बच्चा हंस रहा है कोई बात नहीं बेटे हंसने दो कोई बात थोड़ी है मैं यहां पर लिख रहा हूं आई एम राइटिंग डाउन एवरेज इन्वेंटरी रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी एवरेज रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी अब जिंदगी में मैं कभी भूलूंगा नहीं लॉजिक मुझे पता था अपॉन रॉ मेटीरियल परचेज जी लो सर लो जी लो मैंने ये भी रब कर दिया वो ही आपके सामने आ गया बेटे फोर्टी नाइन डेज इट मींस आपने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री साइकिल होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लिया 49 डेज किसका? अपोलो टायर्स का और आपको गिवन है टायर इंडस्ट्री का ट्वेंटी डेज अभी हम अभी हम कमेंट्स पास करेंगे वो देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड चलिए आराम से वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो बेटे वो देखो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट तो गिवन नहीं है तो प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जाएंगे तो हमें ट्वेंटी वन हंड्रेड कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज एट्टी फाइव गिवन है ठीक है एवरेज रॉ मेटीरियल तो मैं इसको रिलेट करूंगा मैं ये कहूंगा कि अगर इक्कीस सौ का स्टॉक फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज में है देन इट इज इक्वल टू एट्टी फाइव कितने डेज के बराबर होगी और आई कैन डायरेक्टली से आई कैन यूज अ फॉर्मूला एट्टी फाइव और ट्वेंटी वन हंड्रेड ठीक है जी तो so मैं आ गया सीधा ही अपने उसमें मैंने यहां लिखा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू इज इक्वल टू 85 फाइव इन टू एटी फाइव इंटू अपॉन ट्वेंटी तो बेटे जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 85 फाइव इन दैट कम्स टू है मैं उसको राउंड अबाउट 15 डेज ले रहा हूं इसी तरह से मैं पहले आपके सामने यहां लिख रहा हूं फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड तो यहां पे लिख रहा हूं एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंटरी अपॉन अपॉन Cost of sales, बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं अगर आपको फॉर्मूले में हल्का सा भी डाउट है तो आप लॉजिक यूज करें जैसा मैंने यूज किया जान के मैंने क्वेश्चन को आप फॉर्मुला गलत लिखा फिर आपको बताया कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉजिक तो आपको पेपर में दिक्कत आ सकती है ठीक है जी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मैं रिपीट करूंगा वहां पर आ रहा हूं दोबारा से ये आ गया जी ये आ गया अब आप बताइए कौन सी दो फिगर्स हैं? एक तो मेरे को लेना है फिनिश गुड्स 180, एटी वन एटी एंड ट्वेंटी ये दो फिगर्स लेनी है 2100 वन हंड्रेड एंड वन एटी तो कर लीजिए यहीं पे कर लेते हैं वन एटी अपॉन ट्वेंटी वन हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी फाइव करिए वन एटी इन टू थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन ट्वेंटी वन हंड्रेड दैट कम्स टू थर्टी वन पॉइंट टू एट थर्टी वन डेज लिया ठीक है तो थर्टी वन डेज ले लिया जी फिनिश गुड्स का सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर अकाउंट रिसीवेबल एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर अकाउंट्स पेबल तो होपिंगली आपने ये कैलकुलेशन कर लिया और मैं आ गया जी इधर आंसर में ठीक है ये मैंने लिखा टायर इंडस्ट्री और ये मैंने लिखा अपोलो टायर्स आराम से बेटे आराम से चल रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है आप बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात को सुनिए नेक्स्ट फाइव मिनट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर वेरी मच सिंसियर इन कमिंग फाइव मिनट यू कैन इजली अटेम्प्ट एग्जामिनेशन किट ऑफ बोथ कैप्टन एज वेल एस बीबीपी आपके पांच मिनट प्रीशियस हैं बट ये गिवन था ये हमने कैलकुलेट किया आप यह बताइए इफ आई कंपेयर इफ आई कंपेयर और मैंने एक बात आपको बताई हुई शॉर्ट अर्दर पीरियड बेटर इट इज ये बात तो आपके माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक पे चल रही है ठीक है जी hmm. दुनिया वाले 20 दिन का स्टॉक रखते हैं इट मींस एमआरएफ टायर्स रेडियल टायर्स सीए टायर्स जेके टायर्स एंड यू आर अपोलो टायर्स बट यू आर कीपिंग अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 49 डेज hmm. ये अच्छी बात है या गंदी बात है बेटे गंदी बात है बिकॉज जो दुनिया वाले कर रहे हैं दैट इज अचमार्क हम उसको यार्डस्टिक मानेंगे वो तो हमारे लिए एक यार्ड स्टिक है तो 49 days, अपना स्टॉक रखती है होल्डिंग पीरियड है इट मीन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ इश्यू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी कीप इट फॉर फोर्टी नाइन डेज वाई इट इज सो वेन पीपल आर कीपिंग इट फॉर ट्वेंटी डेज आपको क्या लगता है बेटे आप ज्यादा स्टॉक क्यों रख रहे हो जब दुनिया वाले ऐसा नहीं रख रहे सबकी ए सी सी वन एंड हाफ ईयर में हो जाती है मैक्सिमम टू ईयर्स में हो जाती है आपकी तीन साल में हो रही है तो क्या रीजन हो सकती हैं एक रीजन ये हो सकता है कि आप पढ़ने में ध्यान से नहीं पढ़ते भूपेश आनंद के लेक्चर्स आपने नहीं लिए पता नहीं कहाँ पैसे फंसा दिए आपको लॉजिक से नहीं पता कंसेप्ट से नहीं पता जुगाड़ पे चलते हो पढ़ते नहीं हो ईमानदारी से प्रैक्टिस ही नहीं करते क्लास नोट्स नहीं बनातेज कैन बी द रीजंस सो वाई राइटिंग डाउन द कमेंट्स यू हैव टू अज्यूम दैट व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर दैट तो आज हम रीजन को देखेंगे आप मुझे बताइए कि अगर आप ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है we'll जो है अच्छा नहीं है उसको कुछ पता ही नहीं है हाउ मच टू परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं पता री लेवल नहीं पता ही मैक्सिमम लेवल ही इज नॉट अवेयर ऑफ द मिनिमम लेवल

अभी हम लिखेंगे मैंने लिखा है इसके ऊपर देखो कितना प्यार से लिखा है फ्रेंड्स इन जनरल कमेंट्स देखिए हम दो तरह के लिखते हैं एक तो जनरल और एक स्पेशल इन जनरल कमेंट्स वी विल राइट अबाउट मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हम क्या करेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में लिख देंगे अगर लिखने का आता है पूरा जबकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बट इन दिस कोर्स दे हैव टू राइट ऑन फुल एसे वी विल राइट ऑपरेटिंग साइकिल एंड वी विल रॉप डायग्राम फॉर दैट और मैंने लिखा आई एम लीविंग स्पेस. आई नोज यू विल राइट डाउन प्लीज डू इट नाउ बिकॉज टुमारो नेवर कम्स भैया इससे ज्यादा तो मुझे घर ले जाइए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता स्पेशल कमेंट्स कंपेयरिंग ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल मैंने इसे ओवरऑल इट मीन्स टायर इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल

ट्वेंटी डेज फोर्टी नाइन डेज और यहां पर मैंने लिख दिया अब देखिए जी रॉ मेटेरियल स्टेज के लिए क्या लिखा मैंने अच्छा ऊपर देख लीजिए कंपेरिंग ओवर ऑल दिस माई लिमिटेड साइकिल एज कम्पेयर टू नाइनटी फाइव डेज ऑफ द इंडस्ट्री वीच शोज दैट अपोलो टायज अ लोअर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बिट बिकॉज इफ माई ऑपरेटिंग साइकिल इज लोअर इट मीन आई एम इन्वेस्टिंग लेस अब मैं आ गया जी रॉ मेटेरियल स्टेज के ऊपर ियल स्टेज और रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड कुछ भी कह दी अब आप बड़े हो गए बेटे स्टेज यूज करूं होल्डिंग पीरियड यूज करूं इवन टर्न ओवर भी यूज करूं इफ इट इज गेट गिवन टू इन डेज आप समझ जाना कोई मुश्किल नहीं है दिस स्टेज शोज दैट अपोलो टायर कीप्स हायर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल एज कंपेयर टू इंडस्ट्री बाई ट्वेंटी नाइन डेज वेरी राइट ट्वेंटी डेज का होल्डिंग पीरियड है इंडस्ट्री का एंड यू आर कीपिंग इट फॉर फोर्टी नाइन डेज इट मींस ओवर देन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन डेज विच शोज दैट इन्वेंट्री मैनेजर बेटे जो ये बताता है कि इन्वेंट्री मैनेजर इन्वेंट्री मैनेजर ऑफ अपोलो इज नॉट मैनेजिंग इज नॉट मैनेजिंग इन्वेंट्री प्रॉपरली

अब एक बच्चा ये सोच रहा है हमारे कोर्स का है ही नहीं लिए ये करा रहा हूं यार एग्जामिनेशन किट ऐसे करोगे अगर आपने ये बात को समझ लिया इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं तो तो नेक्स्ट चैप्टर में आया था आज पूरा चैप्टर मैंने कमेंट्स में डिवोट किया क्यों प्यार करता हूं आपसे आप नोट कीजिए इसको

स आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड इट मींस आई ऑल्सो परचेज लेक्चर ऑफ भूपेश आनंद तो कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा को रियल केस स्टडी समझ आई आज हमने केस स्टडी की टायर इंडस्ट्री की जस्ट टू अंडरस्टैंड द कमेंट्स ऑफ टायर इंडस्ट्री कमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अब आइए जी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज के ऊपर क्या बोलेंगे वैसे थोड़ा सा आपको मैंने वो भी बताया दिस स्टेज दिस स्टेज मीन्स इन्वेंट्री होल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड लिख सकते हैं माया के जगह लिख सकते हैं अपोलो अपोलो इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल एस इंडस्ट्री हैटिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स इज दिस फैक्ट्री मैनेजर एंड वर्कर्स मे बी रिवॉर्डेड और बेटा अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे जैसे हम यहाँ पे कैश बैक देते हैं कोई कमेंट लिखता है कोई हमारे को आंसर देता है कोई मेरिट में आ गया फर्स्ट फाइव में आया तो हम कैश बैक देते हैं कैश बैक क्यों देते हैं कि उससे वो मोटिवेट हो जाए और आगे लाइफ में आगे जाके अच्छा काम करे ठीक है सिमिलरली फैक्ट्री मैनेजर इज डूइंग जो गुड जॉब सुपरवाइजर इज डूइंग गुड जॉब वर्कर्स आर डूइंग गुड जॉब लाइन वर्कर्स आर डूइंग गुड जॉब यू नो मशीन वर्कर्स आर डूइंग गुड जॉब दैट्स वाई द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड विद इन फिफ्टीन डेज सो वी शुड मोटिवेट दम वी शुड गिव दम इंसेंटिव वी शुड गिव दम मोर अमाउंट यू नो सो दैट इंसेंटिव आर देयर तो मैंने क्या लिखा इट इट मीन्स द मैनेजमेंट इज एडवाइज टू इंट्रोड्यूस सेम इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए बेटे हाल से प्लान हाल से वेयर प्लान रोवन प्लान सारे यूरोपियन साइबे खुद तो मर गए उन्होंने बड़े सारे प्लान्स बना दिए कि अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो आपको ये ये इंसेंटिव स्कीम फॉलो कर सकते हैं ठीक है सर मैं आ गया ऊपर दोबारा से आई एम कमिंग टू फिनिश गुड्स टर्न ओवर एंड आई विल कंपेयर फिनिश गुड स्टेज ऑफ फोर्टी डेज विदर्टी वन डेज पहली बात आपको मालूम है कि फिनिश गुड्स बनने के और बिकने के बीच में जितने पीरियड आप होल्ड करते हैं वो फोर्टी डेज है इंडस्ट्री होल्ड फॉर फोर्टी डेज इट मीन इंडस्ट्री कैन सेल इट आफ्टर फोर्टी डेज दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन डेट ऑफ फिनिश गुड्स टू डेट ऑफ सेल द गैप इज फोर्टी डेज बट फॉर अपोलो टायर्स, इट इज 31 डेज पहली बात अच्छी बात गंदी बात अच्छी बात आई एव जस्ट टोल्ड यू इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जितना छोटा होगा करंट एसिड होल्डिंग पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है इट इज अ गुड साइन गुड साइन इट मीन द क्वालिटी ऑफ अपोलो टायर इज बेटर देन इंडस्ट्री क्या पता वो शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन को लेकर आ रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि अपोलो टायर्स के टायर खरीदो तभी तो इकतीस दिन का ही होल्डिंग पीरियड होता है उनके पास तो आप रहे किस थॉट प्रोसेस से आप सोचेंगे तो मैं आ गया जी next में फिनिश गुड्स देखो बेटे मैंने कर कर दिया देता बेटे पेन का आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा ले लिया इज शोइंग गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अच्छी पोजिशन बता रहा है थर्टी वन डेज क्लोजिंग स्टॉक एज कंपेयर टू फोर्टी डेज बेटे चालीस दिन के कंपैरेटिवली इकतीस दिन का स्टॉक ही हमारे पास रहता है मतलब आप 31 डेज होल्ड करते हैं मतलब आप आफ्टर 31 डेज यू आर सेलिंग इट बट इंडस्ट्री पीपल दे आर सेलिंग इट आफ्टर 40 डेज इट मींस यू हैव अ इन्वेस्टमेंट इन दैट इट मीन इट इज अ गुड साइन इट इज अ पॉजिटिव साइन इट कैन भी ड्यू टू सो मेनी रीजन वो रीजन सोचते हैं क्या रीजन हो सकते हैं इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजी प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं सेल्स ज्यादा दे रहे हैं यू आर गिविंग सम यू नो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अपोलो टायर के टायर ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू टायर इंडस्ट्री सो दिस कैन बी रीजन कैश डिस्काउंट स्कीम्स आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं है ना कैश बैक दे रहे हैं सो दीज कैन बी द रीजन सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दीज पॉइंट यू नो वाई गिविंग कमेंट्स अब बेटे दो रह गए दो क्या रह गए एक तो रह गए बेटे एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एवरेज रिसीवेबल्स अकाउंट्स रिसीवेबल इसको लिख रहा हूं अकाउंट्स रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड इसको लिख रहा हूं ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड अब देखिए जी ये है सिक्सटी से फोर्टी थ्री जितना टर्नओवर रेशो ज्यादा होगा बड़ा गोल्डन वर्ड यूज कर रहा हूं हायर द टर्नओवर रेशो इन टाइम्स लोअर विल बी द होल्डिंग पीरियड हायर द टर्न ओवर रेशो इन टाइम्स जैसे ट्वेल्व टाइम्स था डेटस टर्न ओवर रेशोलिंग पीरियड कितना क्रेडिट पीरियड कितना वन मंथ मैंने कहा ट्वेंटी फोर टाइम्स है टर्न ओवर रेशो डेटस अकाउंट टर्न ओवर रेशो तो आपका होल्डिंग पीरियड होगा फिफ्टीन डेज तो मैंने एक वर्ड यूज किया एक स्टेटमेंट दिया ऐसे ही माइंड में आई मैंने बोल दिया हायर हायर द टर्न ओवर रेशो इन टाइम्स लोअर विल बी द होल्डिंग पीरियड तो 43 डेज का होल्डिंग पीरियड है इट मींस अपोलो टायर इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 43 डेज एंड इंडस्ट्री पीपल दे आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज अब मुझे एक बात बताइए सर आप उधार में बेचना अच्छी बात है या कैश में बेचना अच्छी बात है पहली बात कैश में बेचना इज अ गुड थिंग

उंट रिसीवेबल डेटस या डेटस टेज लिखती इज ग्रांडिट ऑफ फोर्टी थ्री डेज एस कंपेयर टू सिक्स इट मीन अपोलो इज अडोटिंग इट मीन देर इज अरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है अच्छी बातें आप बताइए मैकडोनल्स का भी उधार में भेजते हैं हल्दीराम भुजिया वाला क्या अपने छोले भुठोरे उधार में सेल करता है बिकॉज गुड क्वालिटी इज इ मेरी चीज अच्छी होगी तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा मैं माई लेक्चर्स आर गुड माई कंसेप्ट आर गुड आई एम गिविंग यूर कोचिंग इन द बेस्ट मैनर तो आई विल बी चार्जिंग मोर एंड यू हैव टू गिव दैट इफ यू वॉन्ट टू हैव दैट क्वालिटी सिमिलरली विद दिस अपोलो टायर्स नाउ दे आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ लेसर पीरियड एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री इट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग इट मीन्स दे आर गुड डूइंग परफॉर्मिंग वेल एज कंपेयर टू द बेंच मार्क लास्ट इज क्रेडिटर्स स्टेज क्रेडिटर्स मीन अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड फोर्टी डेज का उधार मिलता है बेटे इंडस्ट्री में और आपको सप्लायर्स 55 दिन का उधार देते हैं अभी एक बच्चा कहता है ये 55 दिन आया कैसे था बेटे 55 डेज आपने निकाला नहीं था मैंने कहा था ना ये देखो एवरेज पेबल्स कितने एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं नाइन्टी ठीक है जी तो नाइनटी अपॉन सिक्स हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी फाइव एवरेज पेबल अपॉन परचेजेस इंटू थ्री सिक्सटी फाइव करिए नाइनटी इन टू थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन सिक्स हंड्रेड दैट कम्स टू फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव मैंने उसको ले लिया पचपन दिन मैंने पचपन दिन ले लिया एक बच्चा क्या था चालीस कहां से आया बेटा चालीस तो थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर तो ही था क्वेश्चन में टायर इंडस्ट्री का आपको एवरेज ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड दैट इज गिवन टू यू फोर्टी डेज नॉ टेलमी वेदर इट इज गुड और नॉट इट मीन्स इट मींस अपोलो टायर इज इंजॉइंग अ क्रेडिट ऑफ मोर देन फिफ्टीन डेज एज कंपेयर टू इंडस्ट्री इट मींस सप्लायर्स आप पे ज्यादा क्या कर रहे हैं ट्रस्ट कर रहे हैं तो आइए देखते हैं क्या लिखना क्रेडिटर्स को आप लिख सकते हैं ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड ठीक है जी सप्लायर्स ऑफ मटेरियल आर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 55 डेज एज कंपेयर टू 14 डेज इन द इंडस्ट्री इट शोज दैट सप्लायर्स हैव फेथ इन इन अपोलो टायर्स एंड विलिंग टू ग्रांट अ एक्सेस क्रेडिट ऑफ 15 डेज लेकिन इसके साथ साथ बेटे एक दो बातों को और भी सोचना है खाली पेमेंट पीरियड आपको ज्यादा मिल रहा है ये अच्छा है ठीक है बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम अनदर एंगल ऑल्सो वो एंगल आपको लिखना है मैं चाहता हूं कि आप लिखें एक दो बातें मैंने एक्सेस में लिखी है बेटे बड़ी मेहनत की है आपके लिए कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए तो आप आइए एक बात ये लिख लें शॉर्टर रिसिवेबल कोलेक्शन पीरियड मैंने कहा अच्छा है इट इज़ गुड बिकॉज इट शोज दैट यू हैव है डोिनेटिंग पोजिशन हैव अ टाइट पोजीशन यू हैव अ गुड इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सो इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट इट मीन्स आपका क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है तो ये लिख लें आप प्लीज़ कमेंट्स में अभी जो आपने एक केस स्टडी बताई टायर इंडस्ट्री की अपोलो टायर्स की टायर इंडस्ट्री की उसके कमेंट्स लिख लिए ना नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना मैं फिर कह रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन किट में तभी आपके क्वेश्चंस होंगे अलॉन्ग विद दैट रिसीवेबल्स के ऊपर और थोड़ा सा पेमेंट के ऊपर मैंने एक दो बातें और लिखी है प्लीज उसको भी लिखिए इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट एंड इट रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग स्ट्रैटजीज हमने कवर करी ली थी इट मीनस शॉर्टर द रिसिवेबल कलेक्शन पीरियड शॉर्टर द रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड बेटर इट इज लॉन्गर द पेमेंट पीरियड टू पेबल्स बेटर इट इज बट अलॉन्ग विद यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम दिस नेगेटिव आस्पेक्ट ऑल्सो पहला बेटे आप लेट पेमेंट कर रहे हो पचपन दिन का उदाहर लिया आपने एज ए अपोलो टायर और जनरली लोग पचालीस दिन में पेमेंट कर रहे हैं इट मीन यू आर अ लेट लेट पेमेंट यू आर यू आर डिलेइंग योर पेमेंट इससे क्या हो सकता है आपकी नेगेटिविटी रेपुटेशन भी बिगड़ सकती है बेटे

जब डोमिनेटिंग पोजिशन कम होगी तो आप आप बार्गेनिंग पावर नहीं कर पाएंगे आप बताइए आप एप्पल्स आप परचेज करने जाते हो तो बार्गेनिंग पावर आप करते हैं बिकॉज यू हैव अ कमांड अब आप ढीले हैं आपको पता है आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आप ढीली आवाज में बोलेंगे आंखें झुका के बात करेंगे इट मीन्स इट मीन्स यू आर लूजिंग योर डोमिनेशन ऑफ फॉर यू नो फॉर बार्गेनिंग पावर इज बींग डिक्रीज तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊं मैं अपने आप को पांच स्टार्स दे रहा हूं आप दो या ना दो कमेंट्स में दो तो अच्छी बात है बेटे लाइव ले रहे हैं कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई सो दैट इन लेक्चर नंबर आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट बट यकीन मानिए मैंने 100% आज आपको समझाने की कोशिश की बातें बताई अलग अलग कोर्सेज जहां जहां पे मेरे को कंसेप्ट थे मैंने उनको इकट्ठा किया और आपकी झोली में रख दिया माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नाइन का पेपर क्लियर करें और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये लॉजिक्स आपको यूज करने वाले हैं बेटे इन्हीं बातों के साथ लेक्चर फाइव में मिलेंगे बी हैप्पी बीच वाली बी यू ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया है वी आर डूइंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्किल एंड today आई विल बी इन लेक्चर नंबर फाइव बेटे detailed एनालिसिस मैं बता रहा हूं आपको वर्किंग कैपिटल एक formality को fulfill नहीं कर रहे बेटे ये तो बात आपको अभी तक मालूम चली चुकी होगी कि मैं ये जो लेक्चर्स ले रहा हूं लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं एंड रिकॉर्डेड के लिए तैयार कर रहा हूं दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी बेटे मेरे चेहरे से मेरी बातों से मेरे लॉजिक से मेरे कंसेप्ट से मेरी एक्सप्लेनेशन से यू मस्ट हैव गॉट एन अप टू दिस पॉइंट आई एम डिवोटिंग एट टू नाइन लेक्चर फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर सेवन बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन फॉर फॉर यू आप कंपेयर कीजिए दूसरे वीडियोस यूट्यूब के बाकी टीचर्स के यू विल गेट एक सेकंड में यू नो विद इन टू मिनट यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज वेदर यू आर डूइंग इट विद होल हार्टेडली और जस्ट अ फॉर्मेलिटी जल्दी से अपने रजिस्टर्स ओपन कर ले इन द लास्ट लेक्चर आई हैोल्ड यू वट इज द ऑपरेटिंग साइकिल कमेंट्स दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ऑपरेटिंग साइकिल्स बेटा भूपेश आनंद ने अपोलो अपोलो टायर वर्सेस टायर इंडस्ट्री का पूरी केस स्टडी आपके सामने दे दी एंड लाइक दिस वी कैन रिलेट यू नो दैट व्हाट आर व्हाई होल्डिंग पीरियड लेस इज बेटर और व्हेन इट व्हेन इट इज मोर इज बेटर तो आइए जल्दी से आज के लेक्चर में हम अपना रजिस्टर ओपन कर रहे हैं ए सी सी ए सी सी ए स्किल लेवल एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए सी सी ए स्किल एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जल्दी से बेटे आज लेक्चर फाइव की हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगेन टूडे आई विल बी टेलिंग यू एक नई बात बताने वाला हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके जाऊंगा आप ही का इलस्ट्रेशन आप ही का ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग कैपलन का करूंगा और कंसेप्ट मेरे होंगे क्वेश्चन कैपलन का होगा फिर देखेंगे बेटे मजा आता है या नहीं आता फर्स्ट पॉइंट में चाहता हूं कि आप सब बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठें। बैटरी का पोस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद्या सरस्वती जी तभी आती है जब आप रेगुलर नहाने धोने का कार्यक्रम करते हैं यू हैव टू टेक रेगुलर बाथ। एंड द टेबल जिस टेबल में आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए बेटे कमर सीधी होनी चाहिए लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना नोट करें बेटा देखिए मैंने लिखा आगे आगे कॉपी बनाइए नोट कर रहे हैं बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल खुश रहना है जैसे छोटे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं छोटे बच्चे ना जॉली नेचर के भी होते हैं कभी बुरा नहीं मनाते कुछ हुआ ठीक है आगे चलो बी चेयरफुल कुछ गलत हो भी गया तो फिर उसको भूल जाते हैं और अपनी नई जिंदगी नया दिन नई बात शुरू कर देते हैं आपको भी वैसे ही बनना है आप पहले ऐसे ही थे अब पता नहीं क्या हो गया आप यू नो एज यू आर ग्रोइंग बाय डे बाय डे आपके अंदर ईगो आ गई है आपको लगता है मेरे को ये क्यों कह दिया नहीं यार बी हैप्पी बी बी बीच बीच स्टार्ट विद जर्नी माय नेम इज भूपेश आनंद आई एम आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट आई डिड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कोर्सेज ऑफ यूएसए एज वेल एज ऑफ लंडन तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं क्विक रिवीजन का मतलब है वी हैव दैट दैट इन द लास्ट लेक्चर होल्डिंग होल्डिंग पीरियड्स आर रिलेटेड रिलेटेड विद विद पीरियड इज अगर टर्न ओवर तो आप होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं होल्डिंग पीरियड दिया है तो टर्न ओवर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे एक मिनट की रिवीजन है आप मेरे साथ साथ अच्छी तरह से जहां बैठे हैं वहीं बोलेंगे या लिखेंगे

जितना लिखेंगे उतना ज्यादा लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस कम पे करनी पड़ेगी नहीं तो बार बार आप एफ नाइन की एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे आप आप समझ रहे क्यों पे करेंगे तो चलिए लिखना शुरू करते हैं हायर हायर द परफॉर्मेंस और टर्नओवर और एक्टिविटी भी ना बहन बेटर इट इज मैंने इसको एक केस स्टडी से समझाने की कोशिश की आपको पहले बताया भी था अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एस्यूम करते हैं दो कंपनी हर चीज का कंसेप्ट है समझ के याद करना है याद करके समझना नहीं है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू तो मैं चाहता हूं आप पहले द टू कंपनी और जो भी इंफॉर्मेशन दिया था मैंने क्या किया अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट किया सिक्स टाइम्स एबीसी का आया और ट्वेल्व टाइम्स एक्स जेड का आया इंफॉर्मेशन आई टू टेल दैट विच कंपनी पीरियड ऑल्सो तो चलिए इंटरप्रिटेशन समझते हैं आपको आती है मुझे मालूम है

बेटे इतने सिंपल भाषा में तो आपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं ओल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल और ओल्ड कस्टमर्स आर कन्वर्टेड टू न्यू अकाउंट रिसीवेबल टर्न का मतलब क्या होता है जैसे छोटे बच्चे टर्न करते रहते हैं ना पार्क में जाते हैं ऊपर से नीचे तक टर्न करते हैं टर्न करते हैं, पूरी बॉडी टर्न करते जा रहे हैं इट मींस एक एंटिटी की अकाउंट्स एंटीटी बारह महीने में छह बार टर्न किए इट एक टाइम टर्न करना दो महीने का उन्होंने पीरियड लिया तभी तो छह बार होगा बेटे बारह महीने में अगर बार टर्न करते हैं तो एक बार कितने महीने में टर्न करेंगे वन इंटू ट्वेल्व अपॉन सिक्स टू टू इट मींस It means, it also means that this company ABC is giving a credit of two months. It also means that ABC is recovering their cash after a gap of two months. But if I compare it with XYZ, XYZ it be, both are in the same same industry. You know, one is Coca-Cola and second is Pepsi. Coca-Cola is pay, uh, ter, uh, debtors turnover, account receivable turnover ratio is six times and Pepsi, PepsiCo is 12 times.

आज आपको एबीसी की पहले इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं वंस यू आर अवेयर ऑफ द एबीसी यू कैन ईजिली फाइंड आउट फॉर एक्स उसके बाद बातें समझ आ जाएंगी इट इम्प्लाइज अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स सिक्स टाइम्स इन अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथस टाइम्स का मतलब है इसका मतलब है बारह महीने के समय में सिक्स टाइम्स ओल्ड अकाउंट्स रिसिवेबल कस्टमर्स आर कन्वर्टेड टू न्यू अकाउंट्स रिसिवेबल्स इट बेटा लिखना है इट ऑल्सो इंप्लाइज वही से इंटरप्रिटेशन आ रही है अलग अलग थॉट प्रोसेस है अ क्रेडिट ऑफ इज अलाउड टू इट्स कस्टमर्स ये तो मैंने आपको बताया ना कि अगर 12 महीने में सिक्स टाइम्स वो करता है तो एक महीने एक टाइम कितने पीरियड में होगा तो 12 इंटू वन अपॉन सिक्स दैट कम्स टू टू तुझे बेटा टू आ गया इट इंप्लाइज अ क्रेडिट ऑफ टू मंथ इज अलाउड टू इट्स कस्टमर्स बाई एबीसी इट इज अवरेज कोलेक्शन पीरियड टू मंथसो इट ऑल्सो इंप्लाइज एक्सड इज गिविंग क्रेडिट ऑफ वन मंथ बाई हर दो महीने के बाद वो चेंज हो रहे हैं तो इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड इसका मतलब है एबीसी दो महीने का क्रेडिट देती है एक्स वाई जेड इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ वन मंथ बिकॉज उसका डेटा टर्न ओवर रेशो ट्वेल्व टाइम्स है तो ट्वेल्व टाइम्स है तो ट्वेल्व मंथ्स में है ठीक है जी तो एक टाइम में है तो कितना होगा बेटे लेफ्ट हैंड साइड में हम वो दो चीजें लिखते हैं जो दोनों गिवन है राइट हैंड साइड में एक गिवन होती है दूसरी कैलकुलेट करनी होती है विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो फ्रॉम हेयर द लॉजिक कम्स फ्रॉम हेयर द फॉर्मुलेस आर बिंग डिराइव बेटे फॉर्मुले को भगवान ने अल्लाह ने थोड़ी दे दी है आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने लॉजिक्स को समझा उनको इंटरप्रेट किया और उससे फॉर्मुलेस बनाए न्यूमोनेटर डिनोमिनेटर इट ऑल्सो एम्प्लाइज एक्सवेजेट इज परफॉर्मिंग गुड बेटे एबीसी का सिक्स टाइम्स है एक्स एड का ट्वेल्व टाइम्स है तो मैं खाली उसी से बता सकता हूं आपको जस्ट दो ह्यूमन बींग्स का ब्लड प्रेशर गिवन हो तो आप बता सकते हैं कि किसका ब्लड प्रेशर अच्छा है कौन लंबा जिएगा एटलीस्ट विद हेल्प ऑफ जस्ट ब्लड प्रेशर बिकॉज आई हैव नॉट गिवन विद एनी अदर इन्फॉर्मेशन सो सिमिलरली विद जस्ट डेटस्ट टर्न ओवर रेशियो आई कैन से दैट दिस कंपनी इज डूइंग गुड एंड दिस कंपनी विल डू गुड इन फ्यूचर इफ आई एम जस्ट गिवन विद दिस रेशो इट मीन्स ये बात सबको समझ आ गई आगे चल रहे हैं बट एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेशो कराई थी वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर इन टर्न ओवर यू फोर टाइप्स ऑफ रेशोज वन इज इन्वेंट्री टर्न ओवर सेकंड इज एवरेज अकाउंट इजल टर्न ओवर थर्ड इज पेबल्स टर्न ओवर एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर जितनी भी टर्नओवर है जितने ज़्यादा होती है उतना बेटर है टर्नओवर में स्पेशलिटी है न्यूमिनेटर में आप सेल्स लिखते हैं डिनोमिनेटर में आप एवरेज वर्किंग कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है मैंने एज्यूम किया कि मैकडॉनल्ड्स का वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर एशो थ्री टाइम्स है आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द लॉजिक दट वट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर एशो एंड वट आई मीन बाई दैट एंड वाई वेदर इट इज लोअर इज द बेटर और हाई इज द बटर आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट मैकडोनल्ड वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेश्साइम्स एंड बर्गर किंग वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर ठीक है ऐसा मान रहे है? डबल है. मुझे मालूम है कि टर्न ओवर रेशो जितनी ज्यादा होती है उतना बढ़िया है इट मीन बर्गर किंग इज डूइंग गुड बट 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 द्विंट इज आई विल ऑल्सो से दैट इफ दे आर इन द बोथ इन द सेम इंडस्ट्री क्योंकि दोनों एक इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल सेम वर्किंग कैपिटल से मैकडोनल्ड्स इज डूइंग थ्री टाइम्स सेल्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बर्गर किंग इज डूइंग द सेल्स टाइम्स नो डाउट प्राइम फेस बर्गर किंग इज डूइंग गुड ये मैं कह सकता हूं कि बर्गर किंग अच्छा काम कर रहा है बट अलॉन्ग विद डैट आई हैव टू सी अदर 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 इंफॉर्मेशन ऑल्सो इन रिगार्ड टू बर्गर किंग बिकॉज इट कैन बी अस यू नो कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हो व्हाट आई मीन बाय ओवर ट्रेडिंग अभी देखते हैं पहले आप इस एग्जांपल को लिख लें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फॉर मैकडोनल्स इज थ्री टाइम्स बर्गर किंग इज सिक्स टाइम्स इट इंप्लाइज़ बर्गर किंग इज डूइंग सिक्स टाइम्स सेल्स विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इम्प्लाइज बर्गर किंग इज डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ सेल्स विद दिक्स टाइम्स सेल्स विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेटे डिनोमिनेटर में मैंने वर्किंग कैपिटल लिखते हैं ना अभी देखिए वर्किंग कैपिटल हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना बेटे आपको पता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशू क्या होती है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल अच्छा जब मैंने कोई चीज वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में ले लिया वो तो वन बन गया मैं वर्किंग कैपिटल सेम ले रहा हूं और फिर देख रहा हूँ कि ये सेल्स कितनी कर रहे हैं मैकडोनल्ड तीन गुना सेल कर रहा है और बर्गर किंग छह गुना सेल कर रहा है इट इज गुड कि बर्गर किंग छह गुना सेल कर रहा है तो इट इम्प्लाइज बर्गर किंग इज डूइंग सिक्स टाइम सेल्स विद सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू मैकडोनल इट इज गुड बट अलॉन्ग विद आपको कुछ और बातें भी चेक करनी है एंड दैट रिलेट्स टू टू ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना खाना खाने की बट सब्जी आपके हिसाब से बनी है मटर पनीर मशरूम छोले भटूरे पाव भाजी मसाला डोसा इडली तो आप ज्यादा खा लेते हैं जब आप ज्यादा खा लेते हैं एंड आपकी स्टमक उतना अलाउ नहीं करती तो आपको वॉमिटिंग आ सकती है आपको लूज मोशंस हो सकते हैं आपका पेट खराब हो सकता है आपको इनो की जरूरत पड़ सकती है सो वेनएवर वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इज हाई अलॉन्ग विद दैट यू शुड चेक अदर थिंग्स ऑल्सो एंड दोज अदर थिंग्स आर रिलेशन टू दैट रिलेशन टू क्या कहीं ये ओवर ट्रेडिंग तो नहीं है मतलब देखते हैं पहले लिख लें आप इट ऑल्सो इंप्लाइज बर्गर किंग मे बी ओवर ट्रेडिंग इट मीन उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है बट वो सेल्स ज्यादा कर रही है क्रेडिट में सेल ज्यादा कर रही है उधार में खरीद रही है उधार में बेच रही है बस किसी भी तरह से सेल्स बढ़ाना चाहती है बेटे इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज इन दैट केस आपकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी बड़ी बड़ी कंपनीज बेटे ऐसे गिर जाएंगी एंड हिस्ट्री इतिहास गवाह इस बात का कि सारी कंपनीज काफी सारी कंपनीज गिर गई यू नो इट ऑल्सो इंप्लाइज बर्गर किंग मे बी ओवर ट्रेडिंग विच मे बी अ अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज इंक्रीज इन सेल्स शुड बी अकंपनीड बाय इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है प्रॉफिट तो बढ़ेंगे एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो बेटे आपकी जो कार है उसका इंजन अच्छा होना चाहिए ऐसा ना हो कि आप बर्सिडीज को देखकर आपने भी अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी हाईवे में बट यूर इंजन इज नॉट कैपेबल इनफ टू बियर दैट स्पीड तो मोटर कार क्रैश हो जाएगी तो जब भी स्पीड बढ़ाएं यू नो वेन एवर देर इज ए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनेंस मैनेजर टू चेक दैट वेदर इट इज ओवर ट्रेडिंग और नॉट

एंड इनक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है केस एन एंटिटी केस एन एंटिटी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू सफिशंट वर्किंग कैपिटल बेटा आपने स्पीड बढ़ा दी पेट्रोल है नहीं इंजन कैपेसिटी बियर नहीं कर सकता तो क्रैश हो जाएगा तो मैं वही बात यहां पे कह रहा हूं देन इट कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक किंग फिशर आई थिंक इन वन लेक्चर आईव शोन यू अडियो ऑफ किंग एयरलाइन कि उन्होंने अपनी ओवर ट्रेडिंग कर दी स्पीड तो बढ़ा दी स्टाफ तो रख दिया बट दे डोंट हैव द मनी टू पे द दैलरी टू दैट स्टाफ इट इज अ केस ऑफ ओवर ट्रेडिंग और आज देखिए किंग फिशर एयरलाइंस का नामो निशान खत्म हो गया विजय माले लंडन जाके भाग गया साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग अब कैसे पता चलेगा कि ये जो ये जो है वट आर द साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग रैपिड इंक्रीज इन सेल्स ये बात तो हमें समझ आ रही है व्हेन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीजिंग इट मीन्स देर इज अंक्रीज इन द सेल्स एंड सेल्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग ठीक है जी रेपिड इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड इट मीन्स यू आर गिविंग अ क्रेडिट सेल्स और आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो एंड एंड इन ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड मतलब आप उधार में रॉ मेटेरियल परचेज कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो, हो उधार में बेच रहे हो सो द पॉइंट इज एवरीथिंग इज हवाबाजी तो अल्टीमेटली यू कैन फॉल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रैपिड इंक्रीज इन एसेट्स बींग फाइनेंस बाय क्रेडिट रैपिड डिक्रीज इन करंट रेशो मैंने आपको बताया ना इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल अलॉन्ग विद योर सेल्स तो बट नेचुरल करंट एसेट्स तो कम हो जाएंगे डिक्रीज करेंगे बिकॉज आपकी करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बिकॉज करंट लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स आर इंक्रीजिंग अल्टीमेटली योर करंट रेशो इज कमिंग डाउन एंड योर क्यू कमिंग डाउन क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है एंड अल्टीमेटली इट विल बी इट विल बी अ नेगेटिव साइन फॉर ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज नेम्ड एज ओवर ट्रेडिंग होप आपको ये बात समझ आ गई है बेटा आज का ये जो लेक्चर है ना मैंने लिया है ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू को कराने के लिए बस आज हम यही करने वाले हैं और पाँच मिनट में, में मेरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा अब मैंने आज कैपलॉन मेरे पास चांस की बात है सॉफ्ट कॉपी है अभी नहीं इस समय अवेलेबल नहीं है एक ही क्वेश्चन कराना था तो मैंने कहा चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू कैपलॉन का आप निकाल लीजिए आई एम डूइंग फ्रॉम देयर मैंने वैसे उस क्वेश्चन को लिख भी दिया है लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब क्या करें एक बार मेरे जूस नोट्स देख लें देखिए जी चैप्टर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है ये छह कंसेप्ट थे ठीक है जी और उसमें हमने वन डिस्कस कर लिया है मैं रिपीट नहीं कर रहा टाइम वेस्ट होगा लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज आई हैव डिस्कस्ड ऑपरेटिंग साइकिल तो डिस्कस किया लास्ट लेक्चर तो पूरा कमेंट्स के ऊपर मेंशन कर दिया एंड एंड देन यू नो व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल रेशो दैट इज करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज वो सब बताया आपको होल्डिंग पीरियड्स बताया इंटरप्रेशन बताई लॉजिक्स बताए ये सब बताया बेटे आपको मैं आज के लेक्चर में आई वॉन्ट टू एस्टिमेट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी मेरी बात आप समझ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार कैप्लन का ये क्वेश्चन लिख लें फिर हम आगे चलेंगे छोटा सा क्वेश्चन है बेटा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू इन केस यू डोंट हैव कैप्लन यू कैन राइट डाउन अदरवाइज यू कैन ओपन दिस क्वेश्चन पेज नंबर है पेज नंबर है बेटा पेज नंबर है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर पेज नंबर 195 पेज नंबर 195. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू फ्रॉम कैपलॉन पेज नंबर 195. बेटे क्वेश्चन का नाम है माल एस्टीमेट्स द फॉलोइंग फिगर्स माल कंपनी एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द कमिंग ईयर एक कंपनी है उसका नाम है माल बोरो वो आने वाले साल के लिए कमिंग ईयर के लिए कुछ फिगर्स को एस्टिमेट कर रही है बेटे वर्किंग कैपिटल इज अ फोरकास्ट बिकॉज आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जाने से पहले ही आप चेक करते हैं दैट हाउ मच इज अ कैश रिक्वायरमेंट यू शुड हैव इन दिस ट्रिप इट मीन वर्किंग कैपिटल द एस्टिमेट विच यू आर डूइंग दैट इज अ बजट दैट इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट इज अ फोरकास्ट वो पहले से ही एस्टिमेट करना पड़ता है तो माल बोरो कंपनी बोरोस्टिमेट्स एस्टिमेट कर रही है बिकॉज अभी अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है एंड दे आर एस्टिमेटिंग दैट हाउ मच वर्किंग कैपिटल द रिक्वायर्ड इन फोरकास्ट एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू देम सेल्स लिखा हुआ बेटे ऑल क्रेडिट इवन इफ नथिंग इज गिवन मैं हमेशा अज्यूम करूंगा दैट सेल्स आर क्रेडिट सेल्स थर्टी सिक्स लैक्स ठीक है जी रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स

फिनिश गुड्स स्टॉक इज टू लैक्स इन प्रोग्रेस इज थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रॉ मटीरियल इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ट्रेड पेपर इज वन लाख थर्टी थाउजेंड इट मीन्स आपको उन्होंने सारी फिगर्स पहले से ही कैलकुलेट कर दिए हैं ठीक है सर वेरी राइट right. उसके बाद वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री लेवल्स आर कॉन्स्टेंट बेटे ये बात तो हमें अज्यूम करनी है कि दैट द इन्वेंट्री विच यू आर यूजिंग दैट इज दैट इज बींग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं है कि आप इन्वेंट्री एक महीने में यूज करते हैं बारह महीने में हम अंज्यूम करते हैं इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव कंज्यूम्ड इट इक्वली इन ट्वेल्व मंथ्स। रॉ मटेरियल्स आर एटी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स वो कह रहे हैं कि जो कास्ट ऑफ सेल्स है ना जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है अच्छा थर्टी सिक्स लैक्स इज सेल्स थर्टी सिक्स लैक्स इज सेल्स

प्लस डी माइनस दिस इज द पीरियड इसका होल्डिंग पीरियड प्लस दिस का होल्डिंग पीरियड प्लस दिस होल्डिंग पीरियड प्लस दिस होल्डिंग पीरियड माइनस दिस होल्डिंग पीरियड इसको हम कहते हैं दैट दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल पॉइंट इट मीनस आई हैव टू कैलकुलेट रॉ मेटीरियल साइकिल रॉ मेटीरियल होल्डिंग पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड अच्छा आपको लगता है फॉर्मूला आपको याद हो गए हैं लॉजिक क्लियर है आपको है ना आप बताइए रॉ मेटीरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज रिलेटेड विद रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड इफ इट इज नॉट गिवन टू यू देन आई कैन से आई कैन टेक कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल्सो ये बात मैं बता चुका हूँ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन कॉस्ट

अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड इज रिलेटेड विद क्रेडिट परचेज दिस इज ऑल्सो यू आर अवेयर ऑफ बट इफ आई एम नॉट गिन्रेडिट सेल्स आई विल टेक टोटल इफ आई एम नॉट गिन क्रेडिट परचेज आई विल टेक टोटल परचेज ये बात भी पता है नहीं पता, है। नहीं पता है। तो बेटिया पता चल गई है और मुझे ये भी पता है आई नो दैट आई नो दैट कि इफ 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 आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस यू नो इफ इफ वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट इधर ऑपरेटिंग साइकिल और एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल मैंने आपको एक लेक्चर में कहा था जी आप कसम खाना कि आप जब भी एस्टिमेट करोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट और अगर इंफॉर्मेशन गेवन नहीं है तो यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट याद है कॉस्ट शीट कैसे होती है बेटे कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों भाई बहन है ठीक है जी कॉस्ट शीट में क्या होता है हम पहले कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं कॉस्ट में क्या होता है सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आ जाता है प्राइम कॉस्ट ठीक है जी प्राइम कॉस्ट में हम नीचे ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स ठीक है जी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड्स दिस इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थिंक आपको सबको पता है हमने वी हैव प्रिपेयर दिस फॉर्मैट बट इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ सेल्स अकाउंट यू नो प्रोफिट एल ऑन स्टेटमेंट आई विल स्टार्ट फ्रॉ विद सेल्स मैं इसमें से क्या करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूंगा एंड दिस फिगर विल बी नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है सर इसमें से रॉ कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्या क्या पार्ट्स होंगे बेटे वो सारे पार्ट्स ही होंगे क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स एंड देन आई कैन इफ आई डिडक्ट दिस दिस विल बी प्रॉफिट तो ये बात आपको सबको पता है तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस मैंने इसके लिए थोड़े से नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप अगर बना लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगाडिंग लिखे सब ने लिखना बेटा बेटे अगर अभी मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद जब एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा एज ऑल इन्फॉर्मेशन हैज बिन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन सो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इवन इवन आई एम नॉट गिवन all द information, in so no information you know but my advice is to prepare as a rule मैं फिर भी ये एडवाइस कहता हूँ कि आपको बनानी चाहिए आप क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब आपको सारे फिगर्स डिटेल्ड में पता है कंज्यूम पता है लेबर पता है फैक्ट्री पता है बट इफ इफ क्वेश्चन में सब कुछ गिवन नहीं है तो आप उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बना सकते हैं सेल्स से स्टार्ट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं फिर एज पर द इन्फॉर्मेशन आप उसका बारिफिकेशन कर सकते हैं बट करना जरूरी है इट इज अ बेटर वे टू डू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल और टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल तो मैंने लिखा एज वी नो ऑपरेटिंग साइकिल इज बेटे बूढ़े हो गए अब तो

तो मैंने रॉ मेटेरियल के लिए कहा कि हमें पता है कॉस्ट कंज्यूम के साथ है अब मुझे तो एक्चुअली में पाव भाजी अच्छी लगती है मान लेते हैं पाव भाजी मिली नहीं रही खाली पाव रह रहे। तो मैं खाली पाव रह गए तोल्सो तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वर्सेज कॉस्टीट एज डिटेल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड लिखना है बेटे बेटे कैपलॉन में नहीं है ये सब कुछ

सब ने लिखना है एज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड सो वी कैन नॉट प्रिपेयर कॉस्ट शीट हेंस वी विल प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का तो अभी फॉर्मेट बताया कैलकुलेटर बाहर निकाल लो एक बच्चा तो ऐसे बैठा जैसे पता नहीं बारात में आया आयो लड़कों की शादी में आया हो बेटे लड़के की शादी में नहीं आए आप आप लड़की की शादी में आए हो काम करना है मेहनत करनी है तब जाके पास हो गए सेल्स लिखो

एडमिनिस्ट्रेटिव भी चुके हैं ट्वेंटी सेवन लैक्स में वो कहता है मटेरियल का 80 है तो मैंने ट्वेंटी सेवन लैक्स का 80 परसेंट निकाला तो वो आ गया इक्कीस लाख साठ हजार बट माई कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ट्वेंटी सेवन लैक्स एंड आउट ऑफ 27 लाख 21 लाख थाउजेंड इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इट मीन अ बैलेंसिंग फिगर 5 लैख फोर्टी इज अदर ओवर होगा या नहीं होगा कुछ तो होगा कोई तो नाम होगा उसका डायरेक्ट लेबर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है प्रोडक्शन ओवरलोड हो सकते हैं ऑफिस ओवरलोड हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलोड हो सकते हैं सेलिंग आई एम नॉट अवेयर मैंने कहा अदर कॉस्ट ठीक है जी आइए फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग साइकिल एंड फॉर दैट आई नीड होल्डिंग पीरियड एंड आई नो दैट होल्डिंग पीरियड इज कैलकुलेटेड एज पर दिस लॉजिक एवरेज बैलेंस अगर है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है अब ये फॉर्मुला कैसे बना मुझे मत बताना भैया मैं दस बार बता चुका हूं ज्यादा है तो मेरे को अपने घर ले जाओ और क्या कर सकता हूं तो मैंने इसको फिर लॉजिक बताने की कोशिश की इक्कीस लाख साठ हजार अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है तीन सौ पैंसठ दिन में तो पंद्रह लाख का एक लाख पचास हजार का जो हमारे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटीरियल का वो कितने दिन के बराबर होगा अब देखो हाथ जोड़ रहा हूं कर लो लिख लो इट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डेज डियर फ्रेंड्स पच्चीस दिन का मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया रॉ मेटीरियल का आइए हम आगे भी चले पांच दो मिनट लगने बेटा तो खत्म होने वाला है मैं नेक्स्ट में आ गया जी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कैसे बना सब बता चुका हूं मैं यहां लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं एवरेज नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इसकी मोहब्बत है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई तो वी विल टेक कॉस्ट ऑफ सेल सब पता है बता चुका हूं मैं नहीं बोलूंगा गला दर्द हो रहा भाई साहब बताते बताते इन टू तीन सौ पैंसठ इज इक्वल टू थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन लैक्स इंटू थ्री सिक्सटी फाइव क्वल टू फोर्टी एट डेज है आप कैलकुलेटर भी नहीं निकाल रहे क्या बताओ मेरे दोस्त मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आपको पढ़ाते हुए भी आपको लग रहा है फ्री में मिल रहा है कोई कोई नहीं कोई बात नहीं बात फोर्टी एट डेज का मैंने पीरियड निकाल लिया वर्क इन प्रोग्रेस का मैं आ गया जी नेक्स्ट में और इसका नाम है फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड दैट इज इक्वल टू एवरेज और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डिड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इन टू थ्री सिक्सटी फाइव पुटिंग द फिगर्स फिगर्स पुट कीजिए आपको सब बताया वो मैंने दो लाख रुपए का स्टॉक आपको मैंशन है टू लाख डॉलर का दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है ट्वेंटी सेवन लैक्स आपने को मैंने बता दिया था कैसे आई इन टू थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन डेज कैलकुलेटर आपके सामने है, इरादे आपके बुलंद है लेकिन आप हिम्मत नहीं करते मैं आ गया जी नेक्स्ट अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन अपॉन क्रेडिट सेल्स अब यहां पर क्रेडिट सेल्स गिवन है अदरवाइज आई वुड हैव टेकन टोटल सेल्स भी ले सकते थे क्रेडिट सेल्स 80 परसेंट दी हुई है तो बेटे मैं आ गया मेरे बेटे तीन लाख छह हजार वो क्या सारी सेल्स ही क्रेडिट है अगर नहीं भी दिया होता तो हम वैसे ही अज्यूम कर लेते ऑल सेल्स आर क्रेडिट आप क्यों घबराते हैं मैं हूं ना आपके साथ आप थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ यार थर्टी डेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए सब कुछ बता चुका मेरा मैं क्या बोलूँ नेक्स्ट इज पेमेंट पेबल पीरियड आइए हम देखते हैं ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय इसकी मोहब्बत है क्रेडिट परचेज के साथ नहीं दिया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ इनटू 365 आओ जी आजी, आजी, दिल से दिल एक दिया हुआ है जी डिडेड बाय ट्वेंटीज आई एम नॉट गर्चेस एंड आई नो दैट यू नो द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमड ओपनिंग प्रॉ परचेजेस इज इक्व माइनस ओपनिंग प्रॉ परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू देश या आ गए जी बाइस दिन बेटे भूपेश आनंद है जिसने आपको इन डेज की इंटरप्रिटेशन इस डेज के लॉजिक्स इन डेज के कमेंट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में अब आप ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल आपकी आ रही है बेटे ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल वन जीरो नाइन डेज आ रही है एक सौ नौ दिन इसका मतलब ये पूरा चक्कर ये पूरा का पूरा चक्कर एक सौ नौ दिन में कन्वर्ट हो जाता है वन जीरो नाइन ठीक है जी अब ये बेटर है या नहीं इसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा या तो कॉम्पिटिटर से या इंडस्ट्री से या इसी का टाइम सीरीज लास्ट ईयर से तो आई विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट गिव एनी कमेंट बट एंड इवन दिन द क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड मी टू गिव अ कमेंट तो इट मींस ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ माल बोरोज वन हंड्रेड नाइन डेज बट आई नो दैट शॉर्टर द पीरियड बेटर इट इज वो मुझे मालूम है अब मुझे नहीं पता कि ये लास्ट ईयर से शॉर्टर है से शॉर्टर है लॉन्गर है आई एम नॉट कंसर्न विद इस तरह से मैंने आज का कोश लेक्चर फाइव भी कंप्लीट कर दिया बट अभी तीन चार लेक्चर छोड़ लेने हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ा दूंगा धज्जियाँ। पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा मजाक हो रहा है आपके साथ ऐसे 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 तो बी बी जॉली बी चुएफ

इलस्ट्रेशन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को डिसकस करूंगा अभी तक हमने जो किया उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट अब हम देखेंगे सो इट दीज लेक्चर्स आर वेरी बिकॉज़ इन यूर एग्जामिनेशन देरली आप प्लीज अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लें मैंने भी अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया रजिस्टर को बिल्कुल अपने पास रखें मैंने भी कैपलॉन का बुक अपने पास बाहर रख लिया है ना

इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ कैप्लॉन का स्टडी मटेरियल स्टडी टेक्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फोर एंड एडिशनल क्वेश्चन नंबर वन आज मैं इसके इस लेक्चर के थ्रू आपको उन सभी कंसेप्ट का प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ और जो मेरे पास एडिशन है बेटे उसमें कैप्लॉन के पेज नंबर वन और वन आपको ओपन करना है ठीक है जी तो मैं भूपेश आनंद मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कैपलॉन्ग का मटेरियल ओपन कर चुका हूं बेटा ये क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फोर हुआ है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल इट मींस यू हैव टू एस्टिमेट दैट हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी

तो माय पॉइंट आई आई विल विल बी बी फोरकास्टिंग दैट अगर मैं इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने वाला हूं इफ आई वांट टू प्रोड्यूस दिस मच यूनिट्स देन दिस मच दिस मच विल बी द एडमिन ओवर तो मैं उनका पहले एस्टिमेशन कर लेता हूं फिर मैं चेक करता हूं कि मुझे रॉ मटेरियल कितने पीरियड का हर समय मेरे पास होना चाहिए ने का मतलब है मैं आज जो आपको बात कहना चाहता हूं दैट इज वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट यू नो द इन्वेस्टमेंट लेवल आपको दो बातें पता होनी चाहिए जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था मच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिमिलरली फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल यू शुड नो दैट आर द रेश बेटे दो चीजें पता होना अगर लिख दिया मैंने

तो अगर मैं ऐसे टर्न कर दूं कॉस्ट शीट को तो ऊपर सेल्स आ जाएगा फिर लेस प्रॉफिट आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा फिर उसका बाइफिकेशन कर देंगे होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं एक बच्चा कहता है सर आप ये क्यों बोल रहे हो बेटा मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या है बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिवाइज दैट वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई शुड बी अवेयर ऑफ टू थिंग्स वन इज द रेशियो एंड इज द रिलेशनशिप तो मैंने आर आर लिख दिया आर स्क्वायर लिख देते हैं ठीक है जी एक्स लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन देखिए क्या लिखा हुआ है बेटे वो सोच रहे हैं बजट है, है कि ये होगा जैसे आप से करने से पहले सोचते हो कि ये होगा फॉर द फॉलोइंग पीरियड इट मीन इट इज प्लानिंग आप प्लान कर रहे हो आने वाले समय के लिए सेल्स टेन मिलियन बेटे वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लैक्स ठीक है तो उन्होंने मिलियन में लिखा है ठीक है हमने दस मिलियन अभी लिख दिया डॉलर्स में है मटेरियल अब आपको जस्ट गिवन है मटेरियल 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 तो मैं इसको कंज्यूम लूंगा लूंगा या परचेजेस आप ये बताइए व्हेन वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यू नो देन वी वी डेबिट ओपनिंग स्टॉक वी डेबिट परचेजेस एंड वी क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक इट मीन वी आर कैलकुलेटिंग कंज्यूम्ड If nothing is given, I will assume that it is consumed and I will also assume that this consumed is equal to purchases because if I want to calculate creditors, you know, then I have to see that that accounts payable period is related with purchases. But if purchases is not given to me, I can relate it with consumed. Other cost, other cost ka meaning hai, production overheads, admin overheads, selling overheads, distribution overheads and this is the profit. द वर्किंग कैपिटल रेशोज देखिए रेशोज गिवन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल आई एम आई शुड बी अवेलेबल विद टू थिंग्स रेशोस एंड रिलेशनशिप तो मैं बड़ी से बड़ी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर सकता हूँ तो रेशोज गिवन है सर एग्जामिनर को थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज इन्वेंट्री टर्न ओवर दिया होता तो मुझे पहले इसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में कैलकुलेट करता तो मुझे एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ जाती बट आई कैन कैलकुलेट इट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द इंटरप्रटेशन ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो थैंक यू बोलिए अगर एग्जामिनर गंदा होता तो मुझे दे देता, तो फिर मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता कलेक्शन पीरियड में इन डेज

बेटा इसी लेक्चर के इन्हीं वीडियोस के मैं टेन थाउजेंड चार्ज कर रहा हूँ एंड दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग ये तो मुझे लगा कि चलो कुछ लाइव करते हैं कुछ बच्चों का भला हो जाए आपको लग, अगर फ्री लग रहा है तो मतलब ये क्या बोलोगे बेटा मैं ये तो आपका थाट प्रोसेस है टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर बिफोर हम करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस कंपनी सी

अब मर्जी आपकी है बेटा मैं तो पूरा कंप्लीट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं ठीक है जी आइए मैं फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं कि आप सब लिखें अपने नोटबुक में निकालें इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ आपको कुछ लिखना है लिख लिख कर ही करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान रसनी आवत जावत से सिल पर परत निशान आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में वो थॉट्स वैसी चलने स्टार्ट हो जाती है आइए आइए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वी नो दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस ऑफ करेंट एसेट्स इट मीन हाउ मच अमाउंट हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर फॉर एसेट्स हाउ मच एसेट्स एंड टोटल बैलेंस ऑफ करेंट लाइबिलिटीज बैलेंस ऑफ करंट लाइबिलिटीज ठीक है जी लिख लीजिए बेटा लिखना लिखना है लिखना है क्योंकि फॉर्मूला आपको खुद बताया गया कि अब आगे कैसे करना है अब मुझे आगे इस फॉर्मूला ने बताया कि मुझे करंट एसेट का बैलेंस पता होना चाहिए मतलब आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट हाउ मच इज इन्वेंटरी हाउ मच इज इन्वेंटरी हाउ मच शुड बी हाउ मच इज अकाउंट रिसीवेबल हाउ मच इज अकाउंट पेएबल हाउ मच इज कैश अगर ये पता होगा मैं तीनों एड कर दूंगा ये लेस कर दूंगा और बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल ठीक है सर आप बताइए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल बैलेंस ऑफ करेंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया इन्वेंट्री आ गई कैश आ गया अकाउंट्स रिजल आ गया और करंट लाइबिलिटी में आ गया अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल ठीक है सर मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि दैट वेनेवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई नीड टू थिंग्स एक तो रेशोर्स और एक रिलेशनशिप मुझे रेशोस पता होनी चाहिए और रेशो रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए बट ये लिख लो बड़ी काम की चीज़ बता रहा हो आपको एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन होंगे नहीं अगर आपने अभी ध्यान से नहीं इफ़ यू आर नॉट सिंसियरली यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ रहे हैं मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ रहे हैं लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो बेवकूफ़ हैं अगर इफ़ इफ़ यू यू आर वेस्टिंग योर टाइम टाइम इज वेरी प्रीशियस बंद ही कर दो इससे अच्छा वीडियो को लेट के पढ़ना है अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे इफ यू आर नॉट टेट कैलकुलेटिंग कैपलर नहीं है तो फिर क्या टाइम वेस्ट करना है? बेटे टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस दुनिया का फ्रेंड्स इट विल बी बेटर इफ यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिकॉज आई एम नॉट गिवन विद इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ठीक है जी तो मैंने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किया स्टार्ट कर दिया अब मैंने यहां गलत लिखा है टेन मिलियन बेटे टेन मिलियन था एक मिलियन में दस लाख होते हैं तो मैंने यहाँ पर बेटर रहेगा कि मैं ऐसा करूँ यहाँ पर इसको मिलियन में ही रहने दूँ ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं भैया क्या उसमें और गलतियाँ होती हैं आप ऊपर लिख दीजिए टेन मिलियन ठीक है जी टेन मिलियन प्रॉफिट इज नाउ प्रॉफिट इज गिवन टू यू प्रॉफिट कितना दिया बेटा प्रॉफिट तो दो दिया ही हुआ है कितना अच्छा एग्जामिनर है रेशो भी मार्जिन इज नॉट गिवन टू मी बिकॉज अगर मार्जिन दिया होता तो आई वुड हैव अप्लाइड दैट मार्जिन ऑन द सेल्स देन आई वुड हैव कैलकुलेटेड बट देर इज नो मार्जन गिवन टू मी आई एम गिवन दैट मार्जिन आपको वो मार्जिन वेरिएबल में नहीं गिवन है दैट इज गिवन टू मीन एप्सुलूट रुपीज तो एप्सोलो रुपीज है तो टू गिवन है मैंने टू लेस कर दिया भैया प्रॉफिट सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आप बताइए मेरा खर्चा कितना आ गया माई खर्चा माई खर्चा यस माई खर्चा एज पर बनिया यू नो एज पर लाला जी खर्चा इस एट डॉलर मिलियन एट लैक्स एट करोड़ कुछ भी हमें क्या लेना है Now in this cost, in this kharcha I want to find out that how much is the expense for raw material, how much is the expense for labor or how much is the expense of other overheads. Now there can be different types of costs in that. So I am given with the information that out of this cost of sales, raw material consumed are, raw material consumed are. But I baar baar na usko change nahi kar raha kya? पलॉन में कैश स्टडी मीटल आपके पास है फिर वो बार बार सीन में चेंज करना पड़ पड़ेगा दिक्कत होती है तो आप मेरे को ये बताइए सिक्स लैक्स ऑलरेडी इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन कितना अच्छा एग्जामिनर है उसने ये भी दे दिया कि इतना सिक्स है बेटे अगर सिक्स ये गिवन है तो उसने ये भी गिवन कर दिया दैट अदर देन मटेरियल इज टू मैं यहां से भी जीरो जीरो हटा रहा हूं क्योंकि ऊपर मिलियन में लिखना है

अब ये लिखने के बाद बेटे इसमें रिलेशनशिप्स छुपी हुई हैं बिकॉज वेन आई यूज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आई रिक्वायर रॉ मिटीरियल कंज्यूम्ड एंड आई वेन आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फिनिश गर्किंग कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड आई रिक्वायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अकाउंट आई वॉन्ट सेल्स बेटे ये सारी रिलेशनशिप्स यहाँ पे हैं भी कर सकते थे बट बेटर रहता है कि अभी आप करें ज्यादा ज्यादा देखिए टाइम वेस्ट मतलब उसमें आप अपना ये मत सोचेंगे अभी ये करना है वो करना है आप बात समझ रहे हैं जो जैसा कह रहा हो पहले चुपचाप करें तो सही यार ना आई एम गिवन विद इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड थर्टी डेज पता नहीं आपकी बुक में दिया है या नहीं दिया मेरे को तो दिया है थर्टी डेज इसका मतलब भी है, आपको पता है और मुझे भी पालू है दस बार बोल दिया मैं बार बार नहीं बोलूंगा थर्टी डेज का मीनिंग आप सबको पता है इट मीन्स थर्टी डेज का स्टॉक आपके पास होना चाहिए बिकॉज देर इज अ गैप बिटवीन परचेज एंड इशू ठीक है अब नाउ दिस पॉइंट इज ये जो आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट गिवन है आई एम नॉट गिवन बैट वेदर इट इज फॉर मंथ वेदर इट इज फॉर डे वैदर इट इज फॉर वीक वेदर इट इज फॉर इयर वैदर इट इज फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज बट आप मुझे बताइए यू ऑलवेज प्रीपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रीपेयर द अकाउंट प्रीपेयर द स्टेटमेंट फॉर ट्वेल्व मंथ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हम पूरे 12 महीने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं तीन दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं सो व्हेन वी प्रिपेयर इट फॉर 365 डेज इफ नथिंग इज गिवन टू मी मैं ये अज्यूम करूंगा दैट दी सेल्स आर एनुअल सेल्स सेल सेल्स आर फॉर 365 डेज नाउ दिस इज नॉट गिवन इन योर कैपलॉन इसलिए आपको मेरी बात को सुनना इंपॉर्टेंट है एंड And I will be I will be also you know taking into account that this raw material consumed six million dollars is not for a week not for three days not for 30 days not but it is for 365 days because we generally prepare accounts for 365 days because if nothing is given to me I can assume that you know this period is of 12 months because the question is no the expectation for the following period now that period is not given to me. ऑन द बेसिस ऑफ दिल गिवेनिफिट ऑफ डाउट एंड दिस बेनिफिट ऑफ डाउटी मैं अपनी बात करने जा रहा हूं इन्वेंटरी बैलेंस अच्छा देखिए इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल पीरियड दिया है रॉ मेटीरियल गिवन नहीं है वर्किंग प्रोग्रेस गिवन नहीं है फिनिश गुड्स गिवन नहीं है इन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव है इन्वेंटरी बड़े पापा पापा ही पापा इन केस यू आर गिवन विद मेटल इन्वेंट्री आई वुड हैल इन्वेंट्री बोलिए मतलब यूज रॉ मेटर इन्वेंट्री अपॉन रॉ मेटर कंज्यूम इन टू थ्री सिक्सटी फाइव वर्क इन प्रोग्रेस इवेंट्री होता तो आई हैव यूज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अपॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इन टू थ्री सिक्सटी फाइव

देखिए साइकिल कितनी है बेटे थर्टी डेज थर्टी थर्टी थ्री जीरो थर्टी तो बताइए सर कितना आ गया इन्वेंटरी बैलेंस मुझे नहीं पता आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट इंटू सिक्स अपॉन सिक्स लैक्स इन टू थ्री सिक्सटी फाइव बड़ा ही तो होगा मैंने क्या किया पहले फॉर्मूला लिख दिया जो भी कुछ गिवन था मैंने उसको पुट कर दिया वैसे आप लॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 6 लाख कंज्यूम्ड है 365 दिन के लिए तो 365 डेज के लिए अगर 6 लाख है जैसे मैंने नीचे लिखा इफ 6 लाख इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर थ्री डेज देन फॉर 30 डेज इट विल be equivalent टू देन फॉर 30 डेज इट विल be equivalent टू into 30 अपॉन 365 मैं आ गया जी आराम से आप पहले देख लें और मैं भी पीछे चल रहा हूं फोर्टी नाइन तो मैंने राउंड ऑफ ले लिया क्योंकि 0.50 कम है तो 49 नाइन आराम से बैठे अब एक बच्चे ने हाथ उठा दिया है फोर्टी मिलियन डॉलर्स बेटे एक बात मैं समझ गया आप जो मेरे सामने बच्चा बैठा है वो ये कह रहा है कि सर अभी अभी आपने बताया कि इफ इन्वेंट्री इज गिवन टू मी इट मीन इट इज अम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स तो इस केस में हमें डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना चाहिए ना कि रॉ मटेरियल लेना चाहिए बिकॉज दिस इन्वेंट्री इज कॉम्पोजिट ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यू मैं आपकी बात बिल्कुल कहता हूँ यू आर राइट इन दिस बट द पॉइंट इज आप ये देखिए आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में रॉ मटेरियल गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है और अदर कॉस्ट का मुझे बायफिकेशन नहीं पता लेट ही वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं बिकॉज अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आई विल नॉट इंक्लूड वाइल कैलकुलेटिंग इवन इफ आई एम गिवन विद इन्वेंट्री मैंने यहां द अदर कॉस्ट विच इज गिवन टू मी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सो इवन इफ इट इफ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इट वॉल इट विल नॉट बी एडेड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर गुड्स और प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर और प्राइम कॉस्ट फॉर रॉ मेटीरियल अब एक बच्चों को नींद आ रही थी उसको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला वो कहता पता नहीं क्या बकबक करता जा रहा है कोई बात नहीं बेटे आप सोते रहो आपको सुनना भी नहीं है आप ज्यादा प्रेशर में डालो दिमाग में

एक वर्ष में आप तीन दिन की सेल करते हो यू सेल फॉर 365 सिक्सटी फाइव डेज इन अयर सो फॉर सिक्सटी डेज हाउ मच इट विल बी फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज टेन लैक्स इज द सेल देन फॉर सिक्सटी डेज हाउ मच इट विल बी आई थिंक यू यू आर कैलकुलेटिंग विद कैलकुलेटर ऑल्सो तो बेटे मैं कर रहा हूं आप इसको दस ही माने मैं तो ये समझता हूं कि थोड़ा सा ना फिर गलती हो जाएगी क्योंकि हमने वहां पे मिलियंस में लिया है आप इसको टेन ही रखें है ना सब कुछ ही मिलियन में आ जाएगा बेटे ये लो टेन ही रखें ये भी टेन ही है बेटे मिलियन में ही रखें इसको और मुझे लगता है मैंने रॉ मेटेल में भी गलत यूज़ किया आप इसको मिलियन ही रखें बिकॉज एवरीथिंग विल बी कम इन विल कम इन मिलियन जैसे यहाँ पर है ना तो थ्री सिक्सटी फाइव मेरे को दोबारा कर देता हूँ थ्री सिक्सटी या ऐसा कर लीजिए इसको भी यहाँ से रब कर देते हैं सब कुछ मिलियन में निकालेंगे ना बेटा थर्टी थर्टी इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव दैट कम्स टू पॉइंट फोर नाइन थ्री वन पॉइंट फोर नाइन थ्री वन तो मैंने ठीक नहीं किया देखा वही गलती का मिस्टेक हो गया ना तो यहां लिखिए पॉइंट फोर नाइन थ्री वन एंड एवरी थिंग इज इन डॉलर्स मिलियन बेटर रहता है आप अगर मिलियन में ही रहने दें बिकॉज अदरवाइज आप जीरो जीरो कैलकुलेट करेंगे टाइम वेस्ट भी होगा और गलती होने के चांसेस भी हैं ठीक है जैसे अभी हमने गलती कर दी नाउ फॉर अकाउंट रिजिवेबल कलेक्शन पीरियड आई विल बी रिलेटिंग डैट टेन लाख टेन डॉलर मिलियन इज द सेल्स फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज देन फॉर सिक्सटी डेज कितनी होगी या तो ऐसा कर लीजिए या फॉर्मूला कर लीजिए बेटा सब कुछ तो बता दिया तो मैं आप सिक्सटी इन टू टेन डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव दैट कम्स टू सिक्सटीन पॉइंट फोर थ्री वन पॉइंट सिक्स फोर सॉरी वन पॉइंट सिक्स फोर डॉलर मिलियन वन पॉइंट सिक्स फोर डॉलर मिलियन में आ गया जी नेक्स्ट में अकाउंट्स पेबल डेज काउंट्स पेबल रेशो दैट इज गिवन टू यू कैपलॉन में दू ये फोर्टी डेज द पॉइंट इज क्रेडिटस अकाउंट पेबल इज रिलेटेड विथ परचेज बट इफ परचेज इज नॉट गिवन टू मी आई कैन यूज कंज्यूम्ड मैं कंज्यूम यूज कर सकता हूं अच्छा जब आप कंज्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड

तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि कंज्यूमड और परचेजेस बराबर होंगी या ऐसा समझ लीजिए इफ आई एम अज्यूमिंग दैट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेज इट ऑल्सो इंप्लाइज इट इज अडन एजम्पन मैं जैसे हिडन एजम्पन है कि मैं मान रहा हूं कि आप मेरे सामने इस समय ईमानदारी से सिंसियरली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं। अब देख रहे हो तो बात अलग एक्सेप्शन है बट इट इजन एजम्पन दैट इफ आई एम रॉ इक्वल टू रॉ मेटर और बीबी ठीक है जी तो 40 दिन की बात कर रहे हैं अब बड़ा ही सिंपल है सर मैं क्या बताऊं तीन दिन में अगर आप 6 मिलियन डॉलर की रॉ मटेरियल की परचेजेस करते हैं जो कंज्यूमड ही है तो 40 दिन में क्या होगा बेटे आई थिंक आई कैन कैलकुलेट चालीस इंटू सिक्स अपॉन तीन सौ पैंसठ डेज और डेज तो कट गए बेटा तो मैं यहां पर आ गया सर फोर जीरो इंटू सिक्स दैट कम्स टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री बिकॉज ये पॉइंट सिक्स फाइव सेवन थ्री है तो मैं इसको पॉइंट सिक्स सिक्स मिलियन डॉलर ले रहा हूं आप आराम से देख लें कोई मिस्टेक है ही नहीं था सर एक बात मैंने बतानी है ट वेन एवर यू वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आप ये फॉर्मेट लगाएंगे ना, तो आपको ज्यादा लॉजिकली चीजें समझ आएंगी तो इवन इफ यू टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल बेटे घर में प्रैक्टिस के लिए तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं ना तो मैंने लिखा मेन आंसर में आ गया फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट मैंने लिखा फंड इन करंट एसेट्स इसका मतलब फंड ब्लॉक इन करेंट एसेट और फिर लिखा मैंने करंट लाइबिलिटीज

एवरीथिंग इज इन डॉलर्स एंड इन मिलियन तो इन्वेंटरी बैलेंस को मैं सीधा डायरेक्टली आई कैलकुलेटेड तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैठे पॉइंट फोर नाइन प्लस तो सारी प्लस होते हैं Accounts receivable. Accounts receivable और कुछ एसेट्स में है ही नहीं नौ और चार तेरह एक छत और चार ग्यारह एक एक और एक दो 2.13 मैं आ गया जी ट्रेड पेबल्स में इसमें एक ही आइटम है में पेबल पेबल एंड आर 0.66 हैलरेडीड तो मेरे को मैंने देख लिया हाउ मच इज वर्किंग कैपिटल एंड दिस विल बी कैलकुलेटर मेरे सामने इरादे बेटे मेरे बहुत बुलंद है चक्कर तो ये है सारा काम वैसे इरादों से होता है वन पॉइंट फोर सेवन डॉलर मिलियन वन डॉलर मिलियन आइए सर मैं आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फोर्थ ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने कर दिया मेरे हाथ ऊपर हैं आप चेक कर लीजिए मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल आज फ्रेश हूँ मैंने ब्लेजर पहना है टाई लगाई है और खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ विथ फुल बॉडी एनर्जी सो दैट माई एनर्जी फ्लोज इन यू और आप भी बिल्कुल ईमानदारी से बैठ के पढ़ें तो ये क्वेश्चंस पेपर्स में आते रहते हैं एग्जामिनेशन किट भरी पड़ी है प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट बीबीपी एग्जामिनेशन किट कैपलॉन आप इजीली कर पाएंगे अगर मेरे टोटल आपने आठ के आठ लेक्चर वर्किंग इजीली सिंसियरली कर लिए ठीक है जी मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने ये बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एडिशनल क्वेश्चन वन हम करने वाले हैं बेटे दो क्वेश्चन दिए आज के लेक्चर में वन करेंगे लेक्चर सेवन में सेकेंड करेंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है मैं फुल कवर करने वाला लॉजिक्स के साथ देखिए आंसर तो गिवन ही है यार एक बच्चा हजार आंसर गिवन है वहीं से कर लेंगे वो बेवकूफ बच्चा है क्योंकि वो वहां से करेगा तो समझ भी नहीं आएगा उसको जब तक आप मेरी लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे नहीं बेटे एक एक क्वेश्चन में मैं पंद्रह पंद्रह बीस पच्चीस पच्चीस मिनट लगा रहा हूं बता रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, 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 चलिए सर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल बट फर्स्ट क्वेश्चन सेल्स तो पहली बात इन्होंने बता दिया है, ये भले आदमी है इन्होंने कहा नहीं भी दिया होता तो मैं एनुअली मानता ठीक है जी एट मिलियन डॉलर अब मुझे यह नहीं बताया कि दिस इज क्रेडिट और कैश इफ क्वेश्चन क्वेश्चन इज साइलेंट साइलेंट अगर है आप ये बताइए पहले जमाने में साइलेंट मूवीज बनती थी इतनी टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं थी तो हीरो हीरोइन से कुछ बोल ही नहीं पाता था लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता था तू मेरा और मैं तेरी हो जाता था सिमिलरली सिमिलरली इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू सेल्स आई विवजूम दैट माई टोटल सेल्स आर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स ये मान लेंगे ठीक है सर मार्कअप ऑन कॉस्ट अब देखिए यह भी बड़ा शरीफ इंसान है उसने मार्कअप कह दिया बेटे हमें पता है मार्कअप इज ऑलवेज रिलेटेड ऑन कॉस्ट एंड मार्जन इज रिलेटेड ऑन सेल्स वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय थ्री ऑफ सेल्स वन बाय थ्री ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू वन बाय फोर ऑफ सेल्साइव ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू वन बाई सिक्स ऑफ सेल्स या आप बचपन से चलते आ रहे हैं सो ले लिया कॉस्ट बट द पॉइंट इज यू शुड नो कि मार्कअप इज रिलेटेड विद कॉस्ट एंड मार्जिन इज रिलेटेड विद सेल्स बट वो भला आदमी है उसने कॉस्ट लिख दिया अच्छा अगर ये नहीं भी लिखता ना कॉस्ट तब भी हमारा काम चल जाता है बिकॉज आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए टू एफ थ्री एफ फाइव एफ सेवन एंड आई हैव क्लियरली टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय मार्जिन व्हाट आई मीन बाय मार्कअप दैट इज सिक्सटी परसेंट ठीक है F2, F3, F5, टल इट नॉर्मली सेटल टू मंथल दो महीने में सेटल करता हैफ्टर परचेज इट मीन्स दे आर गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ टू मंथ फ्रॉम देयर सप्लायर्स बिल्कुल ठीक है होल्डिंग वन मंथ पीरियड ऑफ डिमांड इन इन्वेंट्री देखिए यहां से ढूंढना है आपको आपको एक इंफॉर्मेशन का झुंड दिया है आपको काम काम की इंफॉर्मेशन उसमें से फूल लेने मोंगरे का फूल मोती का फूल गुलाब का फूल और उसको अंडरलाइन करना है देखिए बातों बातों में वो कुछ कह जाएगा उसने कह दिया वन मंथ डिमांड इन इन्वेंट्री होल्डिंग वन मंथ कह रहा है होल्डिंग वन मंथ ठीक है इसका मतलब उनको एक महीने का स्टॉक हमेशा पहले से होल्ड करके रखना पड़ेगा इट अलाउज रिसीवेबल्स मंथ मंथ एंड क्रेडिट वो कहता है वो जो क्रेडिट है ना उधार जो देते हैं ना अपने कस्टमर्स को एक महीने का भी नहीं दो का भी नहीं डेढ़ महीने का मतलब डेज का देते हैं एंड कैश बैलेंस अब देखिए आज तक आपको कैश बैलेंस नहीं बताया था उसने कहा कैश बैलेंस भी आपके पास हमेशा होना चाहिए कितना बारह लाख पचास हजार रुपए का अब नाउ कैश बैलेंस इज योर करंट एसेट कैश बैलेंस इज योर करंट एसेट ठीक है तो वो कह रहा है व्हाट आर करंट एंड क्विक ओके वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशोज बेटे आपने बचपन में क्विक रेशोस निकाली हैं नॉलेज लेवल में भी की है इवन इन प्रोफेशन स्किल लेवल आल्सो डन बट वहां पर ना आपको करंट एसेट ऑलरेडी बनाकर दिया होता था, था बस केक खाने का काम करते थे यहां पर पहले केक बनाना है यू आर नॉट गिवन विदेट सो फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट दैट एब्सलूट फिगर यू नो

इट मीन आई शुड भी अवेयर ऑफ आर स्केयर वेन आई सी आर स्केयर आई मीन रेशोस होल्डिंग दिस क्वेश्चन आई एम गिवन विद इनट्री होल्डिंग क्वेश्चन आई एम गिवन विदिटस किसके साथ मोहब्बत रखते हैं तो वो मोहब्बतें निकालनी है और मोहब्बतें या तो बना के निकलेगी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अब आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है बेटे मोटा मोटी दे दिया उन्होंने मोटा मोटी सेल्स मोटा मोटी कॉस्ट मोटा मोटी प्रॉफिट तो बेटे आपको भी मोटा मोटी यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिकॉज आई एम नॉट गिवन विद एंड एवरी ईच एंड एवरी दैट एक बच्चा कहता है मॉरली भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन फिर आपने कसम खाई थी एक लेक्चर में मेरे साथ कि सर जैसे जैसे आप कहेंगे वैसा वैसा करेंगे वी विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट और प्रॉफिट लॉस बेटा एग्जामिनेशन किट प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट बी, -बी, बी की नहीं हो पाएगी अगर आप अभी मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे ज़्यादा चला छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल आप सो स्ट्रेट बैठो भैया कौन आप देखिए ढीले होकर बैठे हैं मोबाइल ऑफ देखिए जो बच्चे मेरे सामने बैठते हैं ना लाइव में मैं उनको बिल्कुल उनके मोबाइल ऑफ़ कराता दूँ और आप तो दूर बैठे हैं आपको दो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरी बातों का चलिए रजिस्टर खोलिए कैपलॉन ओपन कर दीजिए हार्ड कॉपी निकाल लीजिए मैं बार बार कैपलॉन में नहीं आऊंगा मेरे पास हार्ड कॉपी है मैं हार्ड कॉपी से देखूंगा सो दैट आई कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आराम से हम कर पाए ठीक है जी चलिए सर बहुत बढ़िया मैं भूपेश आनंद अपने राइटिंग पैड में आ गया और मेरा ये राइटिंग पैड है कहाँ हो राइटिंग पैड कहाँ हो तो लिखो जी सबसे पहली बात आप सबने जो भी लिखा है ना बेटे लिखना है आई नो दैट यू नो बट स्टिल यू विल राइट इट डाउन फ्रेंड्स वी नो दैट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज दिस करंट एसेट्स इज इन एब्सोलूट फिगर एंड दिस इज ऑल्सो इन एप्सोलूट बेटे एप्सोलूट और रिलेटिव में डिफरेंस होता ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज अ रेशो इट इज अ रिलेटिव मेयर बट ग्रॉस प्रॉफिट इन डॉलर मिलियन और इन रूपीज और इन पाउंडल्यूट तो मुझे एब्सोलूट निकालना है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अच्छा कोई भी रेशो निकालेंगे तो वी नो दैट वी वी ऑलवेज डू द फॉर्मूला यू नो वी कैलकुलेट numerator विद रिस्पेक्ट टू denominator सो so, numerator upon denominator एंड वी कैलकुलेट coefficient तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज लिख लें या आप यहां पर करंट लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं मैं बताऊँगा कब करेंट लाइबिलिटीज़ लिख सकते हैं बैंक ऑफ ड्राफ्ट इफ नथिंग इज गिवन आई कैन एज्यूम बोथ आर इक्वल सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ अब बड़ा इंपॉर्टें कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर टू कैलकुलेट करेंट एसेट एंड करेंट एबिलिटीज क्योंकि मुझे करंट एसेट चाहिए इट मीन आई वॉन्ट टू एस्टिट वर्किंग कैपिटल ऐसा समझ लीजिए आई नीड टू थिंग रेशोस एंड रिलेशनशिप वही लिखा है लिखो तभी आपको याद रहेगा करंट एसेट्स एंड करंट एबिलिटीज टू प्री रिक्वेस्ट आर गिवन आर नेसेसरी प्री रिक्वेट का मतलब क्या है जरूरत है यू नो दिस इज नेटी कि आप रेगुलरली इतनी पढ़ाई करें तभी आप F9 के पेपर को क्लियर कर सकते हैं ओके okay. मैं आ गए जी नेक्स्ट नाउ फ्रेंड्स रेशोज आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन रेशोज तो दी हुई है हाँ अगर नहीं दी होती तो टर्न ओवर रेशो दी होती तो मैं टर्न ओवर रेशो की हेल्प से जो टाइम्स गिवन है मैं होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेता इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो टाइम्स में तो आई हैव कैलकुलेटेड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सिमिलरली अकाउंट टर्न ओवर रेशो इन टाइम्स है आई वुड कैलकुलेटेड अकाउंट कलेक्शन पीरियड बट यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है थैंक यू बोल दो एग्जामिनर को उसने तीनों रेशोज दे दिए और इतना भला आदमी है कैश का तो रेशो भी छोड़ दो बैलेंस ही दे दिया है वाह बट द रिलेशनशिप इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट बट बिकॉज रिलेशनशिप दी नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेल्स से स्टार्ट करेंगे एज डिटेल इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन आराम से बेटे लिखना है बेटा ये लिखोगे ना तो आज के एक महीने के बाद जब आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको वही थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे जो मैंने बोले ठीक है नाउ फ्रेंड्स रेशियोज आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन बट द रिलेश इट इज बेटर बट फॉर रिलेशनशिप इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड आवर स्टेटमेंट एज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन सो वी कैन नॉट प्रीपेयर कॉस्ट ईट ठीक है सर मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताइए बेटे कैसे करते हैं सेल्स कितना है आप मुझे बताइए सेल्स कितना है अच्छा सेल्स हमें पता नहीं है अच्छा सेल्स पता है एट मिलियन तो इसको भी लिख लेते हैं मिलियन चक्कर ही खत्म हो जाएगा एट अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है बट आई नो दैट आई एम गिवन विद मार्क अप मुझे मार्कअप पता है मार्कअप इज सिक्सटी परसेंट अच्छा आई नो दैट मार्कअप की मोहब्बत कॉस्ट के साथ है वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है नहीं भी दिया होता तो मुझे मालूम ही है कि मार्कअप इज रिलेटेड विद कॉस्ट अच्छा कॉस्ट मुझे पता ही नहीं है अच्छा आपको पता है थर्ड क्लास में यू आर अवेयर ऑफ इन द मैथमेटिक्स इफ नथिंग इज गिवन आई कैन अज्यूम इट एट इट एज एक्स और आई कैन अज्यूम इट एज हंड्रेड बिकॉज इट इज गिवन टू मी इन परसेंटेज तो मैं यहां पे मान लेता हूं लेट लेट कॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड डॉलर सो सो मार्क अप इज सिक्सटी डॉलर सो द बैलेंस इज आई कैन से द बैलेंस इज या तो मैं ये कह सकता हूं वन सिक्सटी इज सेल्स आराम से कोई जल्दी है ही नहीं बेटे आई नो दैट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मैं इतने नीचे लेवल पे आ गया बताऊं सेल्स वन सिक्सटी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिकॉज इट इज नॉट मार्जिन इज नॉट गिवन टू मी मार्कअप दिया है, तो मुझे कॉस्ट की मदद लेनी पड़ी तो मैंने कहा लेट कॉस्ट भी हंड्रेड लेट मार्कअप भी सिक्सटी लेट सेल्स भी वन सिक्सटी तो मैं यहां पर आ गया बेटे मैं आ गया मैं आ गया सर कहां आ गए बेटे अब क्या बताऊं मैं आपको ये देखो लिख भी दिया ये प्यार है बेटे ये प्यार है ये वर्किंग नोट एक एक वर्किंग नोट एक एक करोड़ रुपए का आप मानो तो ठीक नहीं मानो तो ठीक बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो बेटा दिल चीर के रख दिया है आप कंपेयर कर लीजिए किसी के एक्सप्लेनेशन भूपेश आनंद के वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के साथ बेटे जमीन आसमान का डिफरेंस है ये मैं नहीं बोलता मेरे वीडियोस के कमेंट्स बोलते हैं आप कमेंट्स चेक तो कीजिए एज देर इज अ डिफरेंस इन मार्जिन एंड मार्कअ लेट द कॉस्ट बी हंड्रेड डॉलर्स सो मार्कअप इज सिक्सटी डॉलर्स बिकॉज इट इज गिवन टू माई सिक्सटी परसेंट सो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई हंड्रेड दैट कम्स टू सिक्सटी सो माई सेल्स इज इक्वल टू वन सिक्सटी डॉलर्स आराम से इफ सेल्स इज वन सिक्सटी देन कॉस्ट इज हंड्रेड अब तो बेटा इतने में इतना तो इतने में कितना

आप डायरेक्टली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते थे मैं कहता हूँ जी अगर तो फिर यहां प्रॉफिट लिखते यहां पे प्रॉफिट लिखते ना तो यहां सिक्सटी लिख देते अच्छा यहां सिक्सटी लिखते तो फिर आपके सामने आ जाता क्या एट इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी इज इक्वल टू थ्री प्रॉफिट आया था सीधा थ्री अच्छा प्रॉफिट निकाल कर भी आप कॉस्ट निकाल सकते थे तो आपके ऊपर है कान जैसे पकड़ना पकड़ लीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर आ गया एट यहाँ आ गया थ्री यहाँ आ गया फाइव मतलब खाने से आम आम जैसे मर्जी खा लीजिए मैं आ गया यहाँ पर अब आपको ऑलरेडी यहाँ चेक कर लीजिए इसका कुछ और बाइफिकेशन तो गिवन नहीं है ठीक है सर सर बिल्कुल ठीक है मैं चल पड़ा जी आगे सर चलो तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट फॉर एस्टिमेटिंग सर यह तो निकालना ही नहीं है बस यार कोई बात नहीं एक बार आप मेरे साथ करो तो सही थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी यार फॉर्मेट फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल अगर आपको वर्किंग कैपिटल भी निकालना होता तो जैसे भी अभी हमने ट्रेस टू यू अंडस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में किया था वी हैव फर्स्टली रिटर्न करंट एसेट और वी कैन राइट इट डाउन फंड ब्लॉकड इन करंट्स एंड िटीज or or सीधी थी इसमें ब्लॉक का नहीं कहते क्योंकि तो उधार लिया ना आपने अच्छा इसमें एक तो इन्वेंट्री बैलेंस है इन्वेंट्री बैलेंस हो सकता है ठीक है अकाउंट रिसिवेबल बैलेंस कैन बी देर एंड इन्वेंट्री का बाफिकेशन भी हो सकता है रॉम इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश फिनिश्रेस इन्वेंट्री बट दट इज नॉट सो आई एम जस्ट राइटिंग इन्वेंट्री बैलेंस दट इज क्लोजिंग स्टॉक यू नो एंड दैट स्टॉक इज अ मिक्सर ऑफ ऑल दीज थ्री सो दट इज माई एसेट अकाउंट इज माई आसेट एंड इवन द कैश बैलेंस दट इज गिवन टू मीन फर्स्ट टाइम यू नो बट आई नो दैट कैश बैलेंस इज असेट एंड

इन्वेंटरी इन्वेंटरी बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आई शुड बी अवेयर ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज रेशो एंड सेकेंड इज रिलेशनशिप वेन आई से रेशो आई मीन इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड एंड देन आई मीन कॉस्ट ऑफ सेल्स बिकॉज रॉ मेटेरियल इज नॉट गिवन टू मी ओके एंड आई नो दैट इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज वन मंथ एंड आई ऑल्सो नो दैट दिस इज फाइव डॉलर्स मिलियन डॉलर आगे लिखते हैं मैं जान के अब क्या है कि थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ यहीं पर ऐसे लिख रहा हूं आप उसमें आप मेन चीज को ध्यान में देखिए जो वट आई वॉन्ट टू से तो सीधी सी बात है बारह महीने ट्वेल्व मंथ्स के लिए अगर फाइव है तो एक महीने के लिए बिकॉज मंथ मंथ दोनों की बना तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वैसे कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड यूज द फॉर्मूला ना फॉर्मूला क्या करेंगे फार्मूला आता ना आपको वन मंथ यहां पे आ गया इन्वेंट्री बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू ये पता ये फाइव है ये पता वन है ये ट्वेल्व है वही फिगर्स आ गई सीधी ठीक है जी तो फाइव इंटू वन अपॉन ट चलिए सर जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए देखिए अब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा तो बनता है कि मैं मेरे साथ साथ आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें तो दैट फिगर कम्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज पॉइंट फोर बिकॉज इट इज मोर देन दैट 66 तो मैंने इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया मैं भी राउंड ऑफ कर रहा हूं पॉइंट फोर ले लेते हैं ठीक है ना लो जी नेक्स्ट आगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर अकाउंट्स रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड तो अकाउंट्स रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू गिवन है ये तो गिवन ही है दैट इज इक्वल टू वन एंड हाफ मंथ और बारह महीने की कितनी सेल्स से है बेटे वन सिक्सटी वन 1.5 इंटू वन पॉइंट फाइव अपॉन जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब आपको थोड़ा समझ आ गया है। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अच्छा एट है सॉरी मेरे को फिगर तो यहाँ पे एटी है ना मैंने लेना तो है क्योंकि एक्चुअल फिगर तो एट है तो वो तो निकालने के एट इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व दैट कम्स टू वन डॉलर मिलियन मैं आ गया जी अकाउंट्स पेबल में एंड आई नो दैट फॉर कैलकुलेटिंग अकाउंट्स पेबल आई नीड टू थिंग्स वन इज एंड इज रिलेशनशिप मैं सीधा ही क्या कर रहा हूं अब रेशो को रिलेशनशिप के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपको बातें समझ आ चुकी हैं तो थोड़ा सा स्पीडली कर लेते हैं रेशो कितना बेटा इसका दैट इज टू मंथ इन टू फाइव ये आ गया जी पॉइंट एट थ्री थ्री डॉलर एट थ्री मिलियन अच्छा कैश तो केवल ही था उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है मैं सीधा आ गया सर इन्वेंट्री बैलेंस मैंने सीधा लिख दिया पॉइंट फोर वन सेवन ऊपर डॉलर मिलियन लिख चुका हूँ रिसीवेबल सीधा मैंने लिख दिया वन 1.000, ठीक है जी? Cash is given to you. Cash कितना है? 1.25. का thank you बोल दो बेटा उसने एंड हाउ मच आर पेबल विच कैलकुलेटेड पॉइंट एट थ्री थ्री चलिए पहले करंट ऐसे टोटल कर लेतेवन प्लस टू फाइव जीरो सिक्स सेवन आराम से और करंट लेबिलिटी सही है पॉइंट एट थ्री थ्री तो चलिए सर टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन मैं आ गया सीधा रेशो के फॉर्मूले के ऊपर आई नो अच्छा मैंने क्या किया इसमें एक तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर दिया दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन माइनस पॉइंट एट थ्री थ्री नो डाउट उन्होंने नहीं पूछा बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप निकाल लीजिए 1.834. Now I want to नाउ आई ratio. टू कैलकुलेट is I नेक्स्ट पॉइंट इज आई ratio. करंट रेशियो बेटे रेशियो में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होता है तो 2.667. ठीक है जी डिवाइडेड बाय पॉइंट एट थ्री थ्री करेंगे माइनस नहीं करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रेशियो तो यहां पर आ गया टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन

करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस कर देते हैं बिकॉज इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में समय लगता है four, भी कर दी में। अब लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर टू करने वाला हूं अगर आप थोड़े से भी अपने लिए सीरियस हो गए ना तो लेक्चर सेवन को अटेंड करने से पहले आप एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू को ईमानदारी से पढ़ लोगे उसके की को हाईलाइट कर दोगे अंडरलाइन कर दोगे एटलीस्ट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट जो भी बनता है बना दोगे और कोशिश करके उसमें वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करोगे नहीं होगे तो कोई बात ही नहीं सर मैं हूँ ही बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया मैं लाइव लेक्चर्स में वर्किंग पूरा कंप्लीट करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा रघुपति रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन ठीक है मैं, 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 मैं यूएसए मैं लंडन बट इतनी सारी डिग्रीज कर रहा हूं मैं समय की आपको मैं क्या बताऊ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा ड्रीम है कि मैं अपना नाम लेकर आऊ मैक्सिम डिग्री तो मिलते हैं ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आ गया लास्ट लेक्चर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर सेवन एफ नाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटे सेवन लेक्चर्स आई हैव डिवोटेड और जनरली एक लेक्चर मैंने देखा एक घंटे के आसपास का था बात समय की नहीं है बेटे बात है कि मैंने क्या आपको समझाने की सक्सेस अचीव की जो मैं समझाना चाह रहा था द वे आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेदर आई एम एबल टू डू दैट और नॉट दैट इज द रियल टेस्ट वेदर आई एम एबल टू यू नो फ्लो दोज कंसेप्ट इन यूर माइंड क्या खाली आपने बाकी टीचर जैसे ही क्वेश्चन किए या समझ के क्वेश्चन किए वो डिफरेंस है मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद तो आप प्लीज कमेंट जरूर लिखें कि आपको क्या सच में कुछ वैल्यू एडिशन मिला इस नॉलेज से इन सेवन एट लेक्चर्स की सीरीज से बिकॉज आई एम डूइंग बिकॉज इट विल गिव मी यू नो मोटिवेशन और इन केस अगर आपको कुछ ऐसा लगा तो यू कैन गिव मै कमेंट मैं नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में उसको अपडेट करके और ज्यादा बढ़िया बताऊंगा बेटे आपके कमेंट्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं मैं बड़े सिंसियरली आपके कमेंट्स को देखता हूं आप प्लीज इस वीडियो को कमेंट को जरूर बताएं पूरे पांच छह सात लेक्चर्स का आप मुझे हिस्ट्री बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या कंसेप्ट क्लियर हुए पहले क्या था अब क्या समझ आया और ज्यादा क्लैरिटी कहां मिली बेटे आई विल बी अन नाचना शुरू कर दूंगा अगर आपने मुझे बता दिया तो और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना बेटे चाहे मैं नाचता हूं चाहे मैं डांस करता हूं मैं तेज आवाज में बोलता हूं कोई बात नहीं मैं अपने में नहीं होता बेटा उस समय मेरे को ये रहता है कि बस आपको कुछ भी करके मैं बता दू तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो लास्ट लेक्चर है बेटे इन इन दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेक्चर चैप्टर सेवन सीरीज लेक्चर एट वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड विद इन वर्किंग कैपिटल हमने दो बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया एक कि ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्जन साइकिल कैश साइकिल कैसे होती है क्या होती है मीनिंग क्या होता है निकालते क्यों है लॉजिक्स क्या है कंसेप्ट क्या है और उसकी रिलेशनशिप क्या है उसके बाद मैंने लास्ट दो तीन लेक्चर्स में आपको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की बातें बताई दैट हाउ वी कैन एस्टीमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बस बेटे आज के इस लेक्चर में मुझे तीन चार क्वेश्चंस ही बताने हैं ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस जो हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं मेरे को नहीं भी करा था तो आप कर लेते मुझे पता था

एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज का जो कोफिशेंट होगा दैट इज पॉइंट फाइव इट मीन इससे भी दिखता है कि अगर आपके ऊपर क्विक एसेट्स एक लाख के हैं तो करंट करंट लाइबिलिटीज दो लाख की हैं यू नो इट मींस करंट लाइबिलिटीज आर डबल देन योर कुक एसेट्स द डायरेक्टर्स बिलीव दैट Company has to 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 reduce its bank overdraft and have agreed to alter the company's credit terms to customers from two months to one month. है जी, बहुत आराम से सोचेंगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो जी एक कंपनी है उसकी करंट रेशो उसकी क्विक रेशो उसकी लिक्विडिटी रेशो 0.5 चल रही है और जो बड़ी घातक है बिकॉज बेंचमार्क मार्क इज वन तो डायरेक्टर्स चिंतित है कि कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट डाउन मार्केट वैल्यू डाउन ना हो जाए सो दे वांट टू इंक्रीज इंक्रीज द न्यूमरेटर न्यूमरेटर अच्छा कैसे होगा या तो का बैलेंस या अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस जो आपको पैसे लेने हैं हमने कहा भाई जल्दी से दो हमारे को हम पहले दो महीने का उधार देते थे अब हम एक महीने का उधार देंगे बिकॉज यू आर गिविंग अस मनी आफ्टर टू मंथ्स नाउ प्लीज गिव अस मनी आफ्टर वन मंथ ठीक है व्हाट वुड बी द इफेक्ट

Accounts रिसीवेबल Accounts रिसीवेबल को मैं पहले दो महीने का उधार देता था इसका मतलब दो महीने के कस्टमर्स इकट्ठे हो जाते थे अब मैं कह रहा हूं मैं आपको क्रेडिट दूंगा नहीं दो महीने का आई विल बी गिविंग यू वन मंथ इट मीन वो जो कस्टमर्स हैं अब एक महीने की रहने वाले क्योंकि वो कैश दे देंगे तो आप मुझे बताइए कि अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा आराम से बैठे जल्दबाजी नहीं करनी वेन आई एम गिविंग अ क्रेडिट ऑफ वन मंथ इंस्टेड ऑफ टू मंथ एट द टाइम ऑफ टू मंथ लेट द अकाउंट बैलेंस भी फाइव लैक्स और फाइव मिलियन डॉलर फाइव डॉलर कुछ भी बट अगर मैं एक महीने का कर दूंगा तो अब ही रिसीवे कम हो जाएंगे अच्छा जब रिसिवेल्स कम होंगे तो करेंट एसेट कम हो जाएंगे डेज होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगा दिस होल्डिंग पीरियड विल बी रिड्यूस बाय थर्टी डेज अच्छा जब होल्डिंग पीरियड रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस हो जाएगी तो एक बात तो समझ आती है कि ऑपरेटिंग साइकिल में डिक्रीज आएगा अब मुझे नहीं पता ए ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन ठीक है सी ऑप्शन ठीक है डी तो ठीक नहीं है बिकॉज डी में लिखा हुआ ऑपरेटिंग इंक्रीज नो माय ऑपरेटिंग साइकिल विल माय होल्डिंग पीरियड विल डिक्रीज बिकॉज आई एम डिक्रीजिंग द क्रेडिट फ्रॉम टू मंथ टू वन मंथ अच्छा अब लिक्विडिटी रेशियो देख लेते हैं सो so दैट कि हमें आइडिया लग जाए कि उससे पता चल जाएगा कौन सा आंसर ठीक है लिक्विडिटी रेशो क्या होती है बेटे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज क्विक एसेट्स बेटे क्विक एसेट्स में हम क्या लिखते हैं इन्वेंट इन्वेंटरी तो वैसे भी नहीं लिखते कैश अकाउंट रिसीवेबल अपॉन करंट लाइबिलिटीज अब लॉजिकली बताना न्यूमरेटर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा बेटे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा देख लीजिए आराम से देखिए न्यूमरेटर का बैलेंस कम हो जाएगा अल्टीमेटली कोफिशियंट और कम हो जाएगा इट मीन लिक्विडिटी रेशियो कम हो जाएगी तो दिस इज आंसर बेटे डिक्रीज आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है नेक्स्ट में आ गया जी मैं टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग सिक्स द की ट्रेड ऑफ दैट लाइस एट द हार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये तो फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था बेटे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दो ऐसी एक्सेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरियाज एंड इट इज द ट्रेड ऑफ बटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटिलिटी तो बेटे मेरे को इसमें डी ऑप्शन को बताते समय कुछ भी परेशानी नहीं हो रही बहुत जल्दी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमटम ऑफ ओवर ट्रेडिंग आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू

और डिक्रीज इन पेबल नो बेटे पेबल डेज तो बढ़ जाएंगे बिकॉज आप क्रेडिट में सामान ले रहे हो और क्रेडिट में बेच रहे हो तो डी इज दंसर ठीक है सर आगे आ जाओ लास्ट बट वन आ रहे रे कंपनी मैनुफैक्चर प्लास्टिक आउटलेट अ कंपनी बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स एंड इट अलाउस टू पॉइंट फाइव मंथ क्रेडिट ठीक है जी

Uh, 5 .5, और फाइव पॉइंट फाइव और टू पॉइंट फाइव टू प्लस टू प्लस वन पॉइंट फाइव कर लीजिए बात क्या दिक्कत है टू प्लस टू प्लस वन पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव थ्री आ गया ये आंसर है ये बेनिफिट होता है बेटा लॉजिक्स क्लियर होने का विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टन मतलब छोटा कर देगी तो पहले ऑपरेटिंग साइकिल लिख लेते हैं आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी इंक्रीज इन रॉ मटीरियल अगर ये बढ़ जाएगा तो बेटे ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगी ठीक है इससे तो डिक्रीज होने वाली नहीं है ठीक है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल अगर ये बढ़ जाएगा तो बट नैचुरल ये कम होगी क्योंकि माइनस हो रहा है तो आंसर यही होना चाहिए ठीक है सर है आपको बात सबको समझ आ चुकी है और आप ईमानदारी से आप एग्जामिनेशन किट भी करने वाले हैं और जो भी डाउट्स होंगी मेरे को बताएंगे मैं आपके साथ रहने वाला हूं बी हैप्पी बी जॉली बी ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने <coughs>

इन रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल तो रजिस्टर्स ओपन कर ले बिल्कुल सीधा कमर सीधी करके बैठना लेक्चर सेवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैपलॉन और बीबीपी को आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और टूडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल बी डूइंग एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू जो मैंने आपको लेक्चर नंबर सिक्स में बताया था दैट बिफोर अटेंडिंग लेक्चर नंबर सेवन यू शुड बी अवेयर ऑफ वट आर द फैक्ट विच आर गिवन इन एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू <एड़ागा> बेटे ये जो हिमालयस के माउंटेन्स में जो चढ़ते होंगे लोग है ना माउंटेनियरिंग करते हैं तो क्या ये पहली बार ही सीधा हिमालयस में चढ़ते हैं है? या पहले छोटे छोटे पर्वतों में चढ़ते होंगे फिर चढ़ते होंगे हिमालयस हाँ, में बेटे पहले आप छोटे छोटे माउंटेन्स में विजय प्राप्त करते हो उनमें चढ़ते हो फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप हिमालयस में चढ़ जाते हो इसी तरह से डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन किट करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है तो पहले आपने क्या करना है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इलेट्रेशन बीबीपी -बी, कैपलॉन करके कंसेप्ट लॉजिकली क्लियर करके उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे एग्जामिनेशन किट में एंड रिविजन किट ऑफ बीबीपी -बी. गेटिंग पॉइंट तो बेटे अभी की मेहनत रंग लेकर आएगी थोड़े दिनों में आइए एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू को मैं पहले ओपन कर देता हूं हम उसको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद आ जाएंगे इसको सॉल्व कैसे करना आज के इस लेक्चर में बस मुझे बस बेटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर टू ही बताना है फ्रॉम कैप्लान आप ओपन कर लीजिए मुझे आई 198, 198, है 196 सॉरी देख लीजिए है, है, मुझे दिख नहीं रहा एक सेकेंड सॉरी वन नाइनटी गलती है 199 है बेटा और यहां पर भी लिखा हुआ था तो हार्ड कॉपी में देख रहा था 199 है ठीक क्वेश्चन क्वेश्चन एडिशनल नंबर मैं इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज देने वाला हूं बिकॉज इस क्वेश्चन से मैंने जो भी आपको लॉजिक्स आज तक बताया बेटे वो क्लियर होंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये इलेन नंबर टू एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू बिकॉज द कंसेप्ट विच आई हैव ट्राइड टू फ्लो इन यूर बाइन इन लास्ट सिक्स लेक्चर आज उसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू अंपनी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाउ द पॉइंट इज वी कैन कैलकुलेट एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री फॉर अ कॉन्ट्रेक्ट इंडस्ट्री फॉर अब जॉब इंडस्ट्री दैट इज नॉट अन इश्यू बट इन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है रॉ मेटीरियल भी होते in हैं है. जी सेल्स रेवेन्यू फॉर द इम गिवन विद इंफॉर्मेशन फॉर द इवन इफ इट इज नॉट गिवन टू मी मैंने एज्यूम किया होता होगा कि दिस इज फॉर द इस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वगैरह जी परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कहता है दिस कॉस्ट इज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स थर्टी परसेंट डायरेक्ट लेबर ट्वेंटी फाइव परसेंट वेरिएबल ओवर हैसेट फिक्स ओवर हैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइव परसेंट जरा टोटल करिए तीस और बीस पचपन पचपन और पांच साठ सत्तर और अस्सी uh, पचासी एटी फाइव परसेंट आ रहा है टोटल इज कमिंग एज एटी फाइव परसेंट जस्ट है लुक आ एटी फाइव परसेंट दिस कॉस्ट इज ओन सेल्स यू नो दिस परसेंटेज इज ऑफ सेल्स ये सब कुछ सेल्स के ऊपर है इसका मतलब रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज थर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टीन लैक्स Direct labor is twenty five percent of fifteen lakhs. Variable overheads. I think we have already discussed in F two knowledge level, maybe P five, may F five, maybe that there are two types of costs. One is variable, and second is fixed. That cost which is directly related with production, those overheads which are related with production, as the production increases, overheads increases. Those are named as variable overheads.

फाइव दैट कम्स टू एटी फाइव परसेंट एवरेज स्टैटस्टिक्स रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल वो कुछ कह रहा है जी, कुछ और इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहा है मुहैया मीन इट मीन देर गिविंग सम रेशोस रिसीवेबल स्टेक टू एंड हाफ मंथ टू पे वो कहता है आप जो क्रेडिट सेल्स करते हो ना वो दो ढाई महीने के बाद ही वो आपको पैसे देते हैं रॉ मटीरियल्स आर इन इन्वेंट्री फॉर थ्री मंथस

बिकॉज जितना काम हो चुका है यू नो योर इन्वेस्टमेंट इज ऑन दैट बिकॉज एक परसेंट भी डब्ल्यू आईपी है नाइनटी नाइन पॉइंट भी डब्ल्यू आई पी है बट केस माई वर्क इज कंप्लीटेड अपू नाइंटी पॉइंट नाइन नाइन आई मस्ट हैर्क इज कंप्लीटेड ओनली वन परसेंट दैन माई इन्वेस्टमेंट इज ओनलीसेंट सो इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आई शुड बी गिवन विद डिग्री ऑफ कंप्लीशन If it is not given to me, I will assume percent. Golden golden words, golden words. अगर आपको work in progress का degree of completion नहीं दिया हुआ तो आज के बाद लेना पचास percent है वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं एग्जामिनेशन किट की बात कर रहा हूं देर आर वन और टू questions जिसमें दे हैव नॉट गिवन विद that इन दैट केस यू कैन it दैट इट इज You are getting गेटिंग पॉइंट तो यहां पर देखिए जी जी वो कहता बनने के और बिकने के बाद एक महीना लग ही है finished goods में, है? Work in progress में, में ठीक महीने लग जाते हैं फैक्ट्री में चला गया ना सामान तो फैक्ट्री से निकलने में समय दो महीने लग जाता है ओके दिस इज प्रोडक्शन पीरियड आई विल से क्रेडिट इज टेकन अब हमने क्रेडिट लिया हुआ है किस, किस से लिया बेटे

आप उसको कुछ काम करने के बाद ही पैसे देते हो कुछ पैसे रोक भी लेते हो कि कल क्या पता कभी काम तो कंप्लीट किया नहीं क्या पता कल आया ना आए तो कीपिंग इन यूर सेफ गार्ड यू जनरली होल्ड सम मनी ठीक है जी वेरिएबल ओवरहेड्स वन मंथ आप एक महीने का क्रेडिट लेते हो वेरिएबल ओवरहेड्स से फिक्स ओवर इट्स वन मंथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मंथ इट मीन्स दीज एक्सपेंसेज आर पेड डिले दीज आर अक्रूड दीज आर आउटस्टैंडिंग इट मीन्स आई एम गेटिंग दीज आर माई करंट लाइबिलिटीज मेरी ऑब्लिगेशन है मुझे पे करने हैं मैंने अभी पे नहीं किया तो मेरे को वर्किंग कैपिटल में करेंट लाइबिलिटीज में इनको कैलकुलेट करना है इट मीन्स दीज फंड्स आई एम नॉट पेइंग दैम सो आई नीड नेटवर्किंग कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो ऑल करंट एसेट्स माइनस ऑल करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में आज तक आपने ट्रेड पेबल ही देखा बट अलॉन्ग विद ट्रेड पेबल आई कैन हैव अ क्रूड एक्सपेंसिस आई कैन हैव आउटस्डिंग एक्सपेंसेज एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस इन रियालिटी वी ऑलवेज गिव इन यू नो आउटेंडिंग में होता है डब्ल्यू आई पी एन फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मेटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस को आप किस पे वैल्यू करना रॉ मेटीबल एक्सपेंसिस कॉस्ट ऑफ मेटीरियल लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसिस वो कहता है सर वर्क इन प्रोग्रेस वैसे आप, आपको मैं बता दू वर्क इन प्रोग्रेस की मोहब्बत का इश्क इज रिलेटेड विद

ये ये में, ये में, ये मंथ्स 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 में, 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 में। अब एक वीक में तो एक ईयर में फिफ्टी टू वीक्स होते हैं बट वर्किंग वीक्स वर्किंगी है ठीक है सर दो वीक्स की हम छुट्टी देते हैं एंड ऑफ द चैप्टर फर्स्ट पॉइंट इज आई टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये बात समझनी है कि हमें इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल अप्लाई कर देंगे और आपको लगेगा लॉजिकली बातों को क्लियर किया था बेटा वेन एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शो इंग वर्किंग कैपिटल एंड फॉर दैट फर्स्टली आई वी राइट हाउ मच फंड मच फंड

बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट विद फिगर इट इज रिलेटेड उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या तो कॉस्टशीट बनानी पड़ेगी और या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बट इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है लेबर दिस इज योर वेरिएबल दिस इज योर फिक्स इफ यू आर गिवन विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे और उसका फॉर्मेट मैं तो कितनी बार दे चुका हूं आज फिर दे दूंगा इन द नॉलेज लेवल एफ टू एफ थ्री एफ फाइव स्किल रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हो यू नो इन लेक्चर्स आई स्टिल अगेन मैंने इसमें भी दिया है आपको फिर दे दूंगा बेटे प्यार है प्यार में कोई कंडीशन थोड़ी है आज तो ध्यान से करो आज तो सिंसियरली अटेंड करो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटे फिर हम इस क्वेश्चन को हार्ड कॉपी से देखेंगे आप अपनी हार्ड से मैं अपनी हार्ड से आराम से मैंने कुछ थॉट्स फ्लो किए आपके माइंड में आपको वो थॉट्स के साथ पढ़ना है फिफ्टीन लाख सेल्स है डायरेक्ट मटेरियल तीस परसेंट है डायरेक्ट लेबर इसका मतलब पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट है मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए साढ़े चार लाख रुपए का प्रॉफिट है साढ़े चार लाख डॉलर्स का प्रॉफिट है बिकॉज कॉस्ट इज द टोटल ऑफ दिस इज टोटल हंड्रेड परसेंट तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इज प्रॉफिट एंड ऑल द कॉस्ट आर रिलेटेड विद सेल्स अब आपको ये भी चेक करना है कि जो कॉस्ट की आपको बायफिकेशन गिवन है वेदर वेदर दैट दैट इज इज ऑन ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स और जैसे आप चेक करते हैं कि वो मार्जिन है या मार्कअप है क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पर रिलेट करता है मार्जिन सेल्स पर रिलेट करता है ना उसने क्वेश्चन चीख रहा है और कहता है इट इज ऑन सेल्स इट इज ऑन सेल्स इट इज ऑन सेल्स ठीक है जी फिर उसके बाद साइकिल्स दे दिए रॉ मेटेरियल की साइकिल भी इट मीन यहां पर तीनों इन्वेंट्रीज का आपको बाफिकेशन दिया है रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट बट वहां पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को जब वैल्यू कर रहे हो तो यू शुड इंक्लूड दीज थ्री कॉस्ट तो फिर हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर तो जैसा एग्जामिनर कहेगा वी विल फॉलो दैट टेक्निक ओनली एज पर द क्वेश्चन वो कहता है वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवर इवन फैक्ट्री फिक्स ओवर भी आप इंक्लूड मत करो ठीक है नहीं करते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं होते चलिए जी मैं भूपेश आनंद हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट करें हम बिल्कुल तैयार हैं मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ गया हूं बेटे और हम सब क्वेश्चन को करेंगे एडिशनल क्वेश्चन नंबर टू बट आई हैव रिटन सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट वो बड़ी काम की होती है बेटे फ्रेंड्स इट विल बी बेटर टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एज डिटेल्ड एलिमेंट वाइज इंफॉर्मेशन हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन मैंने कहा दोस्तों यहां पर कॉस्ट शीट बना देना क्योंकि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है क्योंकि रिलेशनशिप हमें या तो कॉस्ट शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलेगी बट यहाँ हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं तो कॉस्ट शीट बना देना फ्रेंड्स फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आई नो बिकॉज आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए जैसे ऑरेंज बार खाते हैं चौक बार खाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना क्वालिटी वॉल्स का मदर डेरी का वॉडी लाल का एक फॉर्मेट होगा कहीं से भी ले तो उसी फॉर्म उसी उसी खांचे में मिलेगी निगेटिव अ पॉइंट पहले जमाने में वो कुल्फी होती थी तीले वाली वो एक खांचा होता था उसमें दूध मलाई डालते थे फिर तीले वाली कुल्फी बाहर निकालते थे तो आइसक्रीम बनती थी सिमिलरली फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देर इज अ खांचा देर इज अ फॉर्मैट एंड द फॉर्मेट इज फर्स्टली वी विल राइट ऑन द फंड ब्लॉक्ट इन करेंट एसेट्स देन ऑब्लिकेशन एसेट्स माइनस ऑब्लिकेशन इज इक्वल टू नेटवर्किंग कैपिटल बट फॉर दैट बट फॉर दैट फॉर्मेट आई शुड बी अवेयर विद रेशोस एंड रिलेशनशिप्स तो मैंने लिखा है फ्रेंड्स फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू प्री रिक्विज आर रेश रिलेशनशिप अब एक बच्चा कह रहा है सर लिखना है बेटा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है उसको तो लिखना नहीं तो फिर क्या ऐसे डांस करने के लिए आरोप चलो सर आइए हम सब कॉस्ट बनाएंगे सबसे पहली बात सेल्स चेक कर लीजिए भैया पंद्रह लाख रुपए की है सेल्स इज फिफ्टीन लाख सेल्स इज फिफ्टीन लाख सेल्स इज फिफ्टीन लाख अच्छा इस पंद्रह लाख का थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो मैंने यहां पे लिख दिया पॉइंट थर्टी इंटू पंद्रह फिफ्टीन थर्टी पॉइंट थर्टी इंटू पंद्रह फोर फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्ट लेबर बेटे ट्वेंटी फाइव परसेंट है पंद्रह लाख का पॉइंट टू फाइव यह आ गया जी तीन लाख पचहत्तर हजार तो मैंने लिख दिया पॉइंट टू फाइव इंटू पंद्रह बिकॉज ऑल द कॉस्ट आर रिलेटेड ऑन सेल्स ठीक है जी आराम तो से चलिए मेरे साथ साथ आप प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अच्छे फायदे में रहेंगे आगे, आगे आपकी मर्जी है बेटा मैं बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ चलें वेरिएबल ओवर वेरिएबल ओवर आर टेन परसेंट तो पॉइंट टेन इन टू फिफ्टीन लैक्स ठीक है जी यह आ गया जी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब बिकॉज उसने वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को कहा है कि वैल्यू इन तीनों एलिमेंट्स में करना था मैंने इनका टोटल कर दिया नाइन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिक्स ठीक है पंद्रह परसेंट आइए ज़रा देखते हैं परसेंट इसका निकालते हैं फिफ्टीन लैक्स इन टू वन फाइव दैट कम्स टू टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो नाइन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आप निकालिए सर कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए अभी भी कुछ बच्चे ढीले हो रहे हैं वो सोच रहे हैं कैलकुलेटर निकाले या नहीं निकाले भैया मैं क्या बताऊं आपको सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो आराम से नाइन सेवनटी फाइव प्लस टू टू ट्वेंटी फाइव टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ गए जी बारह लाख पचहत्तर हजार आराम से बैठे कोई जल्दी है ही नहीं आप डायरेक्टली भी कर सकते थे पंद्रह लाख का पंद्रह परसेंट करें तो ये दो लाख पच्चीस हजार वैसे भी आ रहा है मैंने बताया था एटी फाइव परसेंट की कॉस्ट है सो दिस इज पॉइंट फिफ्टीन परसेंट ऑफ फिफ्टीन लाख बिकॉज कॉस्ट आपको दी हुई है एटी फाइव परसेंट तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉस्टशीट पूरी बना दी मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सुंदर कर देते हैं फेयर एंड लवली लगाते हैं इसको आ तुझे लगाए फेयर एंड लवली लो सर ये मैंने सब कुछ ये सेल्स पे सब कुछ ही तो सेल्स पे बैठे सेल्स पे सेल्स पे सेल्स पे दिस इज ऑन सेल्स ये आपके सामने क्वास्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया आप जल्दी से एक बार समझ समझ के बताना है समझ के याद करना है याद करके समझना नहीं है होप so, आप सब मेरे साथ साथ बना चुके हैं बेटे क्वास्टशीट बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल अनलेस आई एम अवेयर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल रिलेशनशिप्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू मी बेटे फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया हुआ आपको जब आप ये करेंगे ना तो मन प्रसन्न हो जाएगा और एक एक बात खिल के खुल के सामने आएगी अगर थोड़ा थोड़ा सा डाउट भी रह गया है ना सिंसियरली अगर आप करते हैं तो समझ आ जाएगा आइए जी मैं फॉर्मेट बना चुका हूं वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई शुड प्रिपेयर अ फॉर्मेट आप किसी पार्टी में जाते हैं तो बेटे पार्टी वियर पहन के जाते हैं या घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं कुर्ता पजामा तो पहन के नहीं जाते इट मीनस वेन यू वॉन्ट टू एस्टिमेट अ वर्किंग कैपिटल यू शुड फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट So, िटीज लिख लिखेंगे, लिखेंगे और बेटे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट लाइबिलिटीज काफी सारी है तो मैं उसके लिए जगह छोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर से जगह ले लेता हूँ सो देट कि थोड़ा सा यहाँ पर करंट एसेट से जगह ले लेंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की जगह बन जाएगी तो मैंने यहां पर करंट एसेट्स को टोटल कर दिया ठीक है जी यहां पर लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज आप सब मेरे साथ हैं मैं आपके साथ हूं डाल हाथों में हाथ हम होंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास लॉ सर करंट एसेट्स करंट एसेट्स लिख दिए करंट लाइबिलिटीज लिख दी करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या बड़े सारी चीजें हैं बेटे इसमें तो बहुत अच्छी बात है एक तो है अकाउंट्स पेबल ठीक है सर दूसरा क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस फिर क्या है आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड्स फिर क्या है आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स फिर क्या है आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और फिर यहां टोटल कर देंगे ये ए है ये बी है एंड दिस इज ए माइनस बी दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल लो बेटे आराम से अच्छा इसको अभी एक कर नहीं सकते अभी तो हम ये बैलेंस निकाल रेशोस को यूज़ करना रिलेशनशिप्स के साथ तो इसको मैंने एक बार पहले सजा के रख दिया आप भी बना लीजिए चलिए अब हम पहले क्या करते हैं वर्किंग्स करते हैं इसमें जो फिगर्स पुट करनी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर साथ साथ हम पुट करते जाएंगे उसके लिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग दोबारा से कैसे पढ़ेंगे देखिए बेटे आपको कहाँ से पढ़ना है दोबारा से देखते हैं ये देखिए एक बार दोबारा से आपके सामने मैंने निकाल दिया स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बेटे सेल्स हमने कर लिया कॉस्ट कर लिया डायरेक्ट मेटेरियल कर लिया डायरेक्ट लेबर कर लिया वेरिएबल ये सब बना दिया पहली रेशो दी हुई है बेटे जो फर्स्ट है हम वहीं से शुरू करेंगे आगे पीछे जिक्सैक वे में बिल्कुल भी नहीं चलना नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रह जाता है तो पहली चीज दी हुई है रिसीवेबल स्टेक टू एंड ए हाफ मंथ टू पे इट मीन यू आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ टू एंड हाफ मंथ

टू सेल्स कितनी है पंद्रह लाख इन टू फिफ्टि लाख आपके पास अकाउंट का बैलेंस आ गया अब आप डायरेक्टली कर रहे हैं ठीक है जी किससे करते हैं बेटा से ठीक है तो मैं यहां पे सीधा ही कर रहा हूं थ्री बाय ट्वेल्व इन टू कंज्यूम्ड कितने थे साढ़े चार लाख

Then 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 we 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 will 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 calculate 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 raw material. Then we will calculate work in progress. Then we will calculate finished goods. ट रॉ मेटीरियल बिल्कुल एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और भूपेश आनंद आपके सामने दोबारा से सबसे पहले आई विल बी कैलकुलेटिंग फॉर अकाउंट एंड आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर फोर उंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू रेशो इन टू रिलेशनशिप इसके बाद बार बार में रेशो इन टू रिलेशनशिप भी लिखूंगा आपको पता ही है तो यहां लिख रहे हैं जी टू पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन लैक्स चलिए कैल्कुलेटर बाहर निकाल लीजिए फिफ्टीन लैक्स इंटू टू पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व यह आ गया जी थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मैंने यहां पे लिखा तीन लाख बारह हजार सौ मुश्किल कुछ भी नहीं है थोड़ी सी हिम्मत करनी है जो ढीले पड़े होते हैं उनके साथ हिम्मत नहीं होती बेटे उठो उठा चलंती चलंती भगवान कृष्ण ने कहा है चलो अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तुम कोशिश तो करो

लेबर एंड विद वेरिएबल ओवर तो मैंने उन तीनों चीजों को ऐड करना है ज्यादा ऐड करूंगा नहीं वो फिगर मैंने निकाली हुई है नाइन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और मैंने एक एडिशनल बात बताई है कि वर्क इन प्रोग्रेस में आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन होना कंपलसरी है अगर नहीं गिर बना तो फिफ्टी परसेंट लेते हैं बट इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर चीख रहा है उसकी चीख को सुनो उसने कहा आधी गुड्स अभी पूरी हुई हैं इसका मतलब जितनी कंप्लीट हुई है मेरी इन्वेस्टमेंट भी तो उतनी होगी तो नाइन लैख्स की फिगर आपको समझ आ गया कहां से ली मैंने फिफ्टी परसेंट समझ आ गया कहां से लिया बेटे नाइन लैख्स में रॉ मेटेरियल आ रहे हैं लेबर आ रही है और वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं एक बच्चा कहता है फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड्स क्यों नहीं आ रहे भैया एग्जामिनर से पूछो क्यों नहीं आ रहे हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं दिया होता क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो आई वुड हैव इंक्लूडेड फिक्स ओवरहेड्स अज्यूमिंग दैट दे दे आर आर अ अ पार्ट पार्ट ऑफ ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री क्योंकि अप टू फैक्ट्री ओवरहेड्स तक प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है और मैं पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट करता बट क्वेश्चन क्योंकि मुझे कहता है तो मैं उसकी बात मानूंगा तो टू बाय ट्वेल्व ये सबको समझ आ गया है जी दो बटा बारह ये तो गिवन ही है एक बच्चा ढूंढ रहा है गिवन है भाई ये भी गिवन है भाई और ये भी गिवन है एक बात का ध्यान रखना है इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री देर इज ऑलवेज अ यूज़ ऑफ़ डिग्री ऑफ कंप्लीशन बेटे इसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिग्री ऑफ कंप्लीशन बेटे जीरो परसेंट से लेकर सो परसेंट ये तो हो गया बेटा रॉ मटेरियल ये हो गया फिनिश गुड्स इसके बीच में जो डांस करते हैं ना उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस उसके लिए डिग्री होना कंपलसरी है अगर नहीं गिवन है तो आप फिफ्टी परसेंट ले लेंगे अज्यूम क्या कर रहे हैं जीरो प्लस हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू कितना आता है फिफ्टी बेटे हर चीज का लॉजिक है रटना कुछ भी नहीं है यार भूपेश आनंद के क्लास में कभी नहीं रटना रटे हैं आपके दुश्मन

एन ओवर इट्स सो वन बाय ट्वेल्व इंटू नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व कम्स टू इक्यासी हजार एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी है

बाय ट्वेल्व टू बाय ट्वेल्व टू बाय ट्वेल्व टू बाई ट्वेल्व इन टू परचेजेस गिवन नहीं है कंज्यूम्ड साढ़े चार डायरेक्ट लेबर बेटा वन वीक है तो मैं यहां पर कर दूंगा वन बाय फिफ्टी बेटे जो जैसे दिया है, वैसे करो फिफ्टी वीक गिवन है इसलिए वन बाई फिफ्टी अच्छा वन बाई फिफ्टी तो टोटल तो कितनी डायरेक्ट लेबर है यह है बेटे पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट तो पंद्रह लाख ,00 का पच्चीस परसेंट आपने वैसे किया हुआ है वो है नहीं सामने मेरे तो पंद्रह लाख इन टू पच्चीस परसेंट इज इक्वल टू थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड जी मुश्किल कुछ भी नहीं है मुश्किल आपके मन का वहम है वेरिएबल ओवरहेड्स वन बाय ट्वेल्व करेंगे वन बाय ट्वेल्व करेंगे सेलिंग को पॉइंट फाइव बाय ट्वेल्व कर देंगे अभी मैं सब करके दिखा रहा हूँ मुश्किल नहीं है करेंगे तो आइए जी हम करते हैं इन सबको पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे मेरे लिख दिया ऊपर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर फाइव नंबरिंग कर दी बेटे ट्रेड पेबल्स रेशो इनटू रिलेशनशिप अब मैं बड़ा हो गया हूं हां सर अब हम बड़े हो गए अब आप समझ सकते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं टू मंथस टू बाय ट्वेल्व इन फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड लो जी टू बाय ट्वेल्व मैं कैलकुलेटर से भी कर रहा हूँ बेटे आप आराम से बैठो मेरे को करने दो है ना मेरे को इसी से बनना है आप तो बन चुके हैं आराम से बैठे कोई टेंशन नहीं बैठे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व दैट कम्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड शर्म आती हो तो कर लेना भैया कैलकुलेटर है नहीं तो आगे आपकी मर्जी है दोबारा एग्जामिनेशन फीस देना वर्किंग नोट नंबर सिक्स जैसे जैसे साइकिल्स दी होंगी जो जो दी होंगी मैं उसी के साथ करूंगा आउटस्टैंडिंग लेबर मैंने लेबर से सर्विसेज ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं की पेमेंट कह रहा हूं मैं एक हफ्ते के बाद देता हूं तो एक बटा पचास इन टू आप बताइए कॉस्ट शीट में मैंने लेबर कितनी लिखी थी तीन लाख पचहत्तर हजार तीन लाख पचहत्तर हजार लो जी थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग लेबर कितनी आ गई थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फिफ्टी इट कम्स टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर ये देखिए भाई साहब कैलकुलेटर से सा कर रहा हूं मैं ऐसे कुछ नहीं है आंसर दिया फिर भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं जो करूँगा वही तो आप करोगे आप तो बेशरम हो अभी तक कैलकुलेटर नहीं निकाला आपने लाइव लेक्चर कर रहे हो अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे हो बेवाकूफ वर्किंग नोट नंबर सेवन वर्किंग नोट नंबर सेवन नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड्स तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड्स वन मंथ तो वन बाई ट्वेल्व इन टू देखा कॉस्ट की कितनी मदद हो रही है डायरेक्टली मैं कॉस्टूट पे जाता हूँ आंसर आ जाता है मेरे पास मुझे टोटल ओवरहेड्स पता चल जाते हैं एक लाख पचास हजार तो एक लाख पचास हजार देखा ये होता है बेटे जब आप मेरी बात मानते हैं तो कितना फायदे में रहते हैं आज हम क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव इट सिस्टमेटिकली अपॉन वन बाय ट्वेल्व दैट कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लो सर वर्किंग नोट नंबर एट वर्किंग नोट नंबर एट नेक्स्ट है जी फिक्स ओवर तो आउटस्टैंडिंग फिक्स ओवर एक बच्चा कहता है क्या आप फिक्स ओवर भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते है? क्या फिक्स कैश नहीं होते आप सैलरी जो देते हो रेंट देते हो क्या आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं करते हो नहीं क्वेश्चन कैलकुलेटर बाहर ही निकाला ये हो सकता है वो हो सकता है बस ये पूछने में तेज हो फिक्स ओवर इट्स टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व दैट टू दैट कम्स टू एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी डॉलर ये कर रहा हूं बेटे मैं तो हाँ ऐसे में समझना देख लो वर्किंग नोट नंबर एट भी कर दिया सर अभी कितने वर्किंग नोट बनेंगे वो देख लेते हैं जो साइकिल की है वर्किंग नोट नंबर नाइन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट रह गया बेटे आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मंथ को मैं पॉइंट पांच बटा बारह कर रहा हूं ठीक है सर मंथ को मंथ ही रहने दीजिए आप मंथ के हिसाब से करिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें कॉस्ट शीट से तो बेटे वो है पचहत्तर हजार तो मैं आ गया जी पचहत्तर हजार से करूंगा देखा कौशिक कितनी हेल्प कर रही है मेरे को तो मैं आ गया जी सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व दैट कम्स टू दैट कम्स टू तीन हजार एक सौ पच्चीस डॉलर आपके मन में बैठा हुआ डर आपको बस डरा रहा है और आप कर्म नहीं कर रहे भगवान कृष्ण ने यही बात बोली थी शू माफलेशु कदाचन तू कर्म कर यार फल की इच्छा मत कर आप कर्म करते नहीं एक्शंस लेते नहीं प्लानिंग ही प्लानिंग करते यार ये ये होगा फिर ये होगा फिर ये हो जाएगा बेवकूफ अभी काम कर लो सो आई कैलकुलेटेड

वर्किंग नोट नंबर थ्री फिनिश गुड्स एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी है तो फिनिश गुड्स भी एटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी एक बच्चा कहा था क्या वर्किंग गुड्स हमेशा सेम होगी वो बेबा है उसने फिर मेरे लेक्चर्स ने अटेंड किए ये होगा वो होगा पागल बनाया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल्स थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये लो जी मैंने तो करंट एसेट्स भी लिख दिए इन सबका वर्किंग नोट का लिख दिया मैं सीधा इसका टोटल कर रहा हूँ एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ प्लस इक्यासी दो सौ पचास प्लस इक्यासी दो सौ पचास प्लस तीन बारह पाँच सौ बेटे आराम से पाँच लाख सतासी हज़ार पाँच सौ तक पहुंच गए यही फिगर आ रही है आंसर भी यही है बट मेरे करने का वे लॉजिकल है एज कम्पेयर टू कैप्टन और बीबीपी -बी। यही तो बेनिफिट है आप मेरे लेक्चर्स कर रहे हैं नेक्स्ट आ जाइए जी हम और बाकी देख लेते हैं क्या क्या वर्किंग वोड्स बनाए हैं ट्रेड पेबल पचहत्तर हजार आयो लिखो ट्रेड पेबल पचहत्तर हजार नेक्स्ट वर्किंग नोट में जाओ पचहत्तर के बाद आ गए लेबर पचहत्तर सो आउटसेडिंग लेबर पचहत्तर सो सेवेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर दिस इज ओके एंड एन आउटसेडिंग वेरियबल ऑपर ट फाइव हंड्रेड

इस लॉजिकल वे से नहीं करेगा यार किसी को कंसेप्ट से नहीं पता भूपेश आनंद के अलावा किसी को कुछ नहीं पता भैया बिकॉज मैंने लॉजिक्स कंसेप्ट मेरी एक ही हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना बेटे बाकी सब टीचर्स बहुत कुछ और भी कर रहे होंगे मेरे को तो बस एक ही काम करना है इसलिए मैं लॉजिक्स पे चलता हूं करेंट लाइबिलिटीज को टोटल करें सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस सेवनटी फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी प्लस थ्री वन टू फाइव

कोविड के बाद तो आपको रहा है लाइफ स्पेंड कितना छोटा सा हो गया कि अगर ज्यादा ऐसे एस में टाइम लगाओगे तो कब लाइफ को एंजॉय करोगे आई थिंक आप बात समझ रहे हैं बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल